हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों को मैं ऑडिबल और विजिबल तो उन्हें एक बार बता दीजिए। ओके, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी सीए फाइनल। आज अपन पूरा डिस्कशन करेंगे एसएफएम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अपने, उनका सब एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। कल जो आपका पेपर है एसएफएम का, कोशिश करेंगे कि 1.5-2 घंटों में अपन पूरा एसएफएम के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनका रिवीजन कर लें। मैक्सिमम मैं कॉन्सेप्ट का आपको रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। एक क्विक रिवीजन होने वाला है, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना कि डिटेल में अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर बस सिर्फ फॉर्मूलाज वगैरह का एक क्विक रिवीजन होगा, ताकि एग्जाम में आप बैठो तो आपके फॉर्मूला बस सारे रिकैप हो जाए। तो चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करूँ। उससे पहले एक बार फटाफट से मैं आपको अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि आप अनअकैडमी की क्लासेस कैसे कैसे देख सकते हैं। देखिए, जो अनअकैडमी क्लासेस हैं वो अलग अलग मीडियम के थ्रू आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिस पर डेली लाइव लेक्चर्स चलते हैं। देन अनअकैडमी लर्निंग ऐप है आप लोगों के लिए एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए। इस ऐप के ऊपर भी दो तरीके की क्लासेज है, प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेज। डिफरेंस क्या है? स्पेशल क्लासेज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको ऐप डाउनलोड करनी है और एक एक्टिवेशन कोड डालना है अजय1CA। जैसे ये आप एक्टिवेशन कोड डालोगे, सारी स्पेशल क्लासेस आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, कुछ भी आपको पे नहीं करना। डिटेल कोर्स लेना है, प्लस कोर्स में चले जाइए, जो भी आपका कोर्स है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान्स आ जाएंगे जो टाइम पीरियड के बेसिस पर हैं। जो भी आपके लिए सूटेबल प्लान आपको लगता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं। फाइनल के लिए अभी 2-3 सब्जेक्ट्स की क्लासेस तो हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की अभी पूरी अवेलेबल नहीं है। फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप इसे सेलेक्ट करिए। एंड यहाँ पर भी रेफरल कोड आपको सेम लगाना है, अजय1CA, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारा फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है फाइनल के लिए May 21 का प्लस कोर्स में, तो वो स्टूडेंट्स जो प्लस के हैं वो इस बैच को देख पाएंगे। चलिए अब अपन अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट्स का, सीए फाइनल एसएफएम। हर चैप्टर वाइज अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं डेरिवेटिव चैप्टर से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। एक बार मैं फटाफट से आप लोगों की कमेंट्स देख लेता हूँ, ठीक है? राधे राधे, राधे राधे आप सभी को। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव चैप्टर से। मीनिंग वगैरह में मैं कहीं पे भी कुछ भी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली अपन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है थेरेटिकल या फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थेरेटिकल फेयर वैल्यू फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कैसे निकालेंगे? दो केस हो सकते हैं आपके पास, या तो अंडरलाइंग असेट से इनकम नहीं मिलती है, दूसरा केस होता है अंडरलाइंग असेट से इनकम मिलती है। क्वेश्चन में दे रखा है अंडरलाइंग असेट से इनकम नहीं मिलने वाली है आपको, जो अंडरलाइंग असेट्स होते हैं उससे इनकम नहीं मिलने वाली। तो आपके सामने ये तीन फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या नॉर्मल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट का अगर लगाना है तो स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+RT, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाना है तो स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय e की पावर RT, और नॉर्मल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R की पावर T। जैसे हम जनरली 10th 12th में जब थे, तो हम अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो नॉर्मल हम लोन के केस में करते थे, वो वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे अपना लग रहा है। SV का मतलब स्पॉट वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट, R का मतलब इंटरेस्ट रेट पर एनम, T का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका पूरा फॉर्मूला बनता है। इसके बाद अगर अंडरलाइंग असेट से आपको इनकम मिलने वाली है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि अंडरलाइंग असेट से आपको इनकम मिलेगी, तो उसमें भी दो सिनेरियो हो सकते हैं। जो इनकम मिलेगी वो एब्सोल्यूट टर्म में आपको बता रहा है कि एक फिक्स अमाउंट बता रहा है कि डिविडेंड आपको 10 रुपये मिलने वाला है, या फिर आपको बोल दिया कि डिविडेंड फेस वैल्यू का 10% है, या आपको फिक्स अमाउंट बता दे इनकम का, या फिर डिविडेंड की रेट आपको फेस वैल्यू पर दे दे, आपको क्या मानना है? एब्सोल्यूट टर्म में दी हुई है इनकम, और इनकम जब एब्सोल्यूट टर्म में दे रखी है तो वही तीन फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला हो जाएगा स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R की पावर R मल्टीप्लाई बाय T माइनस डिविडेंड की इनकम, और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में क्या होगा? स्पॉट वैल्यू माइनस डिविडेंड का PV मल्टीप्लाई बाय e की पावर RT। स्पॉट वैल्यू माइनस डिविडेंड का PV, डिविडेंड का PV कैसे करेंगे? डिविडेंड डिवाइड बाय e की पावर RT मल्टीप्लाई बाय e की पावर RT। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला हो गया। नॉर्मल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होगा? स्पॉट वैल्यू माइनस डिविडेंड का PV, लेकिन अब की बार डिविडेंड का PV करेंगे तो नॉर्मल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है? 1+R की पावर T, तो उससे PV करेंगे, तो माइनस डिविडेंड डिवाइड में 1+R की पावर T। इसको जो नेट आपका अमाउंट है इसको डायरेक्टली आप फ्यूचर में लेके जाओगे कैसे? मल्टीप्लाई बाय 1+R की पावर T। ये होगा जब आपको दे रखा होगा इनकम एब्सोल्यूट टर्म में। इसके बाद आपको क्वेश्चन में इनकम बता रखी है अंडरलाइंग असेट से यील्ड परसेंटेज में, यानी आपको डिविडेंड यील्ड रेट दे रखी है। आपको बोला डिविडेंड यील्ड रेट है 15%, उस केस में इन दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला क्या होगा? स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R माइनस Y मल्टीप्लाई बाय T, R माइनस Y, जहां पर भी आप इंटरेस्ट रेट यूज में लोगे उसमें से डिविडेंड यील्ड रेट माइनस करते चले जाना। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय e की पावर R माइनस Y मल्टीप्लाई बाय T। नॉर्मल कंपाउंडिंग में स्पॉट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1+R माइनस Y की पावर T। बस इतने से फॉर्मूला आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और ये 9 फॉर्मूलाज अगर आप याद रख लोगे तो ये थेरेटिकल फेयर वैल्यू का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।
नौ फॉर्मूलाज के किस किस केस में लगेंगे वो अपन ने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब हमें समझ में आ गया, एक तो इनकम नहीं हो या फिर इनकम हो, इनकम हो तो एब्सोल्यूट टर्म में हो या यील्ड परसेंटेज में हो, तो उस केस में हर केस में तीन तीन फॉर्मूला देखे। तीन फॉर्मूला क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और नॉर्मल कंपाउंडिंग। तो कौन से केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो। आईसीए ने स्पेशली क्वेश्चन में बोल दिया सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट लगाना। स्पेसिफिकली बोल दिया कंटिन्यूस कंपाउंडिंग लगाओ तो वो लगाना, और मंथली कंपाउंडिंग करो एनुअल कंपाउंडिंग करो तो वो लगाना। लेकिन आईसीए ने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बोला, लेकिन कुछ हिंट आपको दे रखे। हिंट कैसे दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ई की वैल्यू दे रखी है, ई की पावर 0.10 की सपोज आपको वैल्यू दे दी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ई की वैल्यू कौन से फॉर्मूला में यूज में होती है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में, तो हमें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगाना है। या फिर आपको हिंट दे दिया क्वेश्चन में, इंटरेस्ट रेट आपको मंथली दे दी, आपको बोला कि इंटरेस्ट रेट है 1% पर मंथ, आपको 10% पर एनम या 12% पर एनम ना बोल के इंटरेस्ट रेट क्या दे दी, 1% पर मंथ, यानी आपको मंथली कंपाउंडिंग करनी है। या फिर आपको क्वेश्चन में बोल दिया इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम बट इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन मंथली रेस्ट, इसका मतलब क्या है, आपको मंथली कंपाउंडिंग करनी है। अगर ये वर्डिंग मिल जाए इंटरेस्ट ऑन मंथली रेस्ट, अगर कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा, ना ही स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है, तो आपको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाली जाती है। इसके बाद फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम आर्बिट्रेज कैसे करेंगे, आर्बिट्रेज प्रोसेस कैसे किया जाएगा, उसका कंसेप्ट समझो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में कोटेड प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे रखी होगी या गिवन प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दे रखी होगी, और थ्योरेटिकल प्राइस हो सकता है क्वेश्चन में दे दे या फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़े। थ्योरेटिकल प्राइस और कोटेड प्राइस, इन दोनों को आप कंपेयर करो। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप डिसीजन लेना। अगर आपकी कोटेड प्राइस ज़्यादा है, थ्योरेटिकल प्राइस कम है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है। कोटेड प्राइस ज़्यादा है और थ्योरेटिकल प्राइस कम है, यानी मार्केट में ओवर वैल्यू है, और कोई भी चीज़ मार्केट में ओवर वैल्यू होती है तो उसे हमें बेच देना चाहिए। तो आर्बिट्रेज क्या डिसीजन लेगा, शॉर्ट करने का डिसीजन लेगा, सेल करने का डिसीजन लेगा। तो आर्बिट्रेज ने सेल करने का डिसीजन लिया तो मैच्योरिटी पे वो बेचेगा। मैच्योरिटी पे बेचने के लिए उसके पास कोई चीज़ होनी भी चाहिए, तो उसके लिए वो जीरो टाइम पे क्या करेगा, पैसा उधार पर लेकर शेयर बाय करेगा। पैसा उधार पे लेगा, बोरो मनी और बाय शेयर, तो जीरो टाइम पर कैश फ्लो निल हो जाएगा। जितना पैसा उधार पे लेगा उसके बदले शेयर बाय कर लेगा। मैच्योरिटी पे क्या होगा, जो जीरो टाइम पे शेयर बाय किया था उसे बेचेगा। क्यों, क्योंकि हमने फ्यूचर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर को बेचेगा। लेकिन जीरो टाइम पे जो पैसा उधार पे लिया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे भी करना है, वो भी करूंगा मैं। और हो सकता है जो मैंने शेयर खरीदा था उस पर कुछ क्वेश्चन में बता रखा डिविडेंड वगैरह की इनकम मिलेगी, तो वो भी मुझे मैच्योरिटी पे मिल जाएगी। तो मैच्योरिटी पे ये दो से तीन आइटम आपके हो सकते हैं, इनको आप नेट कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश फ्लो कितना आ रहा है, कितना आपको फायदा होने वाला है। चलिए इसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको अपन डिस्कस नहीं करते। दूसरा केस ये होता है कि गिवन प्राइस, जो आपकी कोटेड मार्केट प्राइस है वो कम है और थ्योरेटिकल प्राइस ज़्यादा है। तो ये आज तक कभी केस क्वेश्चन में एग्जाम में आया नहीं है और ना ही ये कभी आएगा, तो इसको अपन डिस्कस भी नहीं कर रहे, क्योंकि अपन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसके बाद देखिए हेजिंग कैसे करी जा सकती है फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को यूज़ में लेकर हम हेजिंग कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो क्या है, उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक को ही यूज़ में लेकर हम हेजिंग कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे को रिलायंस के स्टॉक के ऊपर हेजिंग करनी है, तो इसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे मैं हेजिंग करूँ, इसी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करके मैं हेजिंग कर लूँ, तो उसे तो बोला जाता है हेजिंग यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स। ये कैसे होगी, फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि इसकी प्राइस गिरेगी, तो मेरे को क्या कर लेना चाहिए, अपोजिट एक्शन ले लेना चाहिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा हुआ है, यानी कौन सी पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिर मुझे कौन सी पोजीशन क्रिएट कर लेनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन। इसके उल्टा मैंने अभी अभी रिलायंस का शेयर बेच दिया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि अभी प्राइस बढ़ जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा बिना बात में, तो मैंने रिलायंस के शेयर में भी कौन सी पोजीशन क्रिएट करी, शॉर्ट। तो मुझे इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी पोजीशन क्रिएट कर लेनी चाहिए, लॉन्ग। बस सिंपल सा है, इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। मेन क्वेश्चन जो बनता है वो बनेगा हेजिंग यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। मार्केट के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, जिन्हें हम मार्केट या फिर इंडेक्स बोलते हैं, इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को या हमारे एक पूरे पोर्टफोलियो को हेज कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करना चाहते हो, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रेडेड। ये कैसे पता चलेगा, आप अपने शेयर या पोर्टफोलियो की वैल्यू को रखो, डिवाइड में प्राइस रखो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। रट लो फॉर्मूला, भी दिमाग मत लगाओ, कंसेप्ट कुछ भी नहीं, अपन देख रहे कि कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला रट लेना है। वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड बीटा। वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ शेयर या पोर्टफोलियो माइनस रिक्वायर्ड बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप रट लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने आएंगे। अब डिवाइड में हमें क्या रखना है, प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होगी, तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना फ्यूचर का, उसमें लॉट साइज फिक्स होती है।
एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको बोलेगा कि 50 फ्यूचर आपको कम से कम करने हैं, 50 फ्यूचर की लोड साइज है। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, एक फ्यूचर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय लोड साइज, एक पर्टिकुलर फ्यूचर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय लोड साइज। फ्यूचर की प्राइस कौन सी लोगे, जो मार्केट में प्राइस चल रही है, यानी कोटेड प्राइस ऑफ फ्यूचर। लेकिन क्वेश्चन में अगर मार्केट की प्राइस कोटेड प्राइस ऑफ फ्यूचर नहीं दे रखी तो हम कौन सी यूज में लेंगे, हम थियोरिटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर निकालेंगे जो अभी अपने ऊपर वाले स्टेप में निकालना सीखा था, और उसको ही हम यूज में ले लेंगे। ठीक है, आईसीए के क्वेश्चन में क्या चलेगा, अगर कोटेड मार्केट प्राइस नहीं दे रखी फ्यूचर की तो हम थियोरिटिकल प्राइस निकाल के उसी को यहां पे यूज में लेने वाले हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड बीटा क्या लेना है, रिक्वायर्ड बीटा का क्वेश्चन में कुछ ना बोले, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली बोल देगा कि देखो आपके पोर्टफोलियो का बीटा है वो 1.5 है और आपको रिक्वायर्ड बीटा है 0.9, तो आप 1.5 माइनस 0.9 फॉर्मूला में डाल दोगे। लेकिन आपको बोला कि पोर्टफोलियो का बीटा 1.5 लेकिन रिक्वायर्ड बीटा कुछ नहीं बताया, तो आप रिक्वायर्ड बीटा हमेशा जीरो अज्यूम करना अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो, कितना अज्यूम करके चलना है, जीरो। इसके बाद अब आप डिसीजन क्या लोगे, अभी हमें पता चल गया मान लो मेरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गए 100, तो 100 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करने हैं कि सेल करने हैं, बाय करने हैं कि सेल करने हैं, वो डिसीजन कैसे लोगे, तो आप अपने शेयर या पोर्टफोलियो का बीटा चेक करो, बीटा पॉजिटिव है तो जो हमने डिसीजन पहले स्टॉक फ्यूचर्स में लिया था वैसे ही डिसीजन लेंगे। अगर हमारी जो पोजीशन स्टॉक के अंदर है वो लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में हम शॉर्ट लेंगे, और स्टॉक के अंदर शॉर्ट पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे, अपोजिट एक्शन लेते हैं। और अगर हमारा बीटा नेगेटिव है, हमारे स्टॉक या पोर्टफोलियो का बीटा नेगेटिव है, तो हमारे अगर स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में भी लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन है तो इंडेक्स फ्यूचर में भी शॉर्ट पोजीशन हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में कई बार दे रखा होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में ए लिमिटेड के शेयर हैं, बी लिमिटेड के शेयर हैं, और कैश बैंक बैलेंस है 10 लाख रुपये का, तो आपको हेजिंग करनी है, तो आप सिर्फ शेयर की हेजिंग करोगे, कभी भी कैश या बैंक बैलेंस की हेजिंग नहीं करोगे, क्योंकि इनमें कोई रिस्क नहीं होती है, ये उतने ही बैलेंस रहता है, इनकी कभी भी वैल्यू गिरती नहीं है, तो कैश बैंक बैलेंस कभी भी हेज नहीं किया जाता। और कैश बैंक बैलेंस क्या है, रिस्क फ्री एसेट है, रिस्क फ्री एसेट का बीटा क्या होता है, जीरो होता है, तो बीटा ऑफ कैश बैंक बैलेंस हमेशा जीरो होता है। इसके बाद इस चैप्टर में एक बीटा का फॉर्मूला काम में आने वाला है, पोर्टफोलियो चैप्टर में अपन अलग फॉर्मूला देखेंगे, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको बीटा का फॉर्मूला याद रखना है वो क्या है, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर या पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ मार्केट, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ मार्केट, इस चैप्टर में बहुत काम में आएगा ये फॉर्मूला। इसके बाद आपने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स निकाले, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स मान लो आ गए 2.1, तो आप इन्हें राउंड ऑफ का जब करोगे ना तो अपर साइड में करना हमेशा, तो 2.1 को आप राउंड ऑफ करना 3 में, ऐसा नहीं कि सर ये 0.5 से कम है तो 2 राउंड ऑफ कर दो, हमेशा अपर साइड में राउंड ऑफ करना है, आप 2.1 को राउंड ऑफ कर देना 3 में, 2.7 होता तो भी 3 में राउंड ऑफ होता। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, आपसे बोला जाएगा आपको हेजिंग करनी है, इंडेक्स फ्यूचर के थ्रू नहीं करनी है, अब आपको आपके पोर्टफोलियो में से कुछ रिस्की सिक्योरिटीज़ को बाहर निकालना है और उनके बदले जो पैसा आएगा उससे आपको रिस्क फ्री सिक्योरिटी अपने पोर्टफोलियो में लानी है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले पता करना है कितनी हम रिस्की सिक्योरिटीज़ को बाहर निकालें या फिर कितनी रिस्क फ्री सिक्योरिटी हमारे पोर्टफोलियो में लाएं, ये पता लगाना है, बस फिर आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये कैसे पता लगाया जाता है, आप देखो आपको कितनी रिस्क मेंटेन करनी है, तो वो होगा रिक्वायर्ड बीटा, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको इतना बीटा मेंटेन करना है, रिक्वायर्ड बीटा इज इक्वल टू बीटा ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, बीटा कितना होगा रिस्क फ्री का, जीरो हमेशा, वेट ऑफ रिस्क फ्री सिक्योरिटी यही तो हमें निकालना है, प्लस एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, अभी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वेट ऑफ रिस्क फ्री, मतलब 1 माइनस वेट ऑफ रिस्क फ्री करने का मतलब क्या है, 1 में से मैंने रिस्क फ्री का वेट हटा दिया तो जो बचा हुआ वेट है वो किसका है, रिस्की का वेट, तो मैंने एग्जिस्टिंग बीटा ऑफ पोर्टफोलियो को रिस्की के वेट से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मुझे वेट ऑफ रिस्क फ्री पता करना है तो मैंने उसको 1 माइनस वेट ऑफ रिस्क फ्री लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस वेट ऑफ रिस्क फ्री, क्योंकि बीटा ऑफ रिस्क फ्री जब मल्टीप्लाई करूंगा वेट ऑफ रिस्क फ्री से तो वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो यहां से तो कैलकुलेशन में नहीं आ पाएगा, पर आगे वाले पार्ट से मैं वेट ऑफ रिस्क फ्री पता लगा लूंगा, और इससे मुझे पता जाएगा कि मेरे पोर्टफोलियो का इतना प्रोपोर्शन मुझे रिस्क फ्री सिक्योरिटी रखनी है। तो अभी फॉर एग्जांपल ये आया 0.2 आया, और अभी मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, तो 0.2 का मतलब क्या है, 20% मेरे पोर्टफोलियो का मुझे रिस्की सिक्योरिटी हटानी है और रिस्क फ्री लानी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और कई बार बन सकता है कि हेज रेशियो आपको कैलकुलेट करना है और स्पॉट और फ्यूचर प्राइस का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो आप कैसे पता लगाओगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर प्राइस मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर प्राइस, ये फॉर्मूला रट लो बस आपका ये निकल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मार्जिन होते हैं जो अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन इस पर बन सकता है और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत दिनों से आया नहीं है ये क्वेश्चन और कभी भी आ सकता है। तो इनिशियल मार्जिन, मार्क टू मार्केट मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन, तीन तरीके के मार्जिन होते हैं। इनिशियल मार्जिन क्या होता है, पहली बार जो जमा कराते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट निकालोगे कहते हैं म्यू प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू का मतलब होता है डेली एब्सोल्यूट चेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन इन चेंज इन डेली एब्सोल्यूट चेंज,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला है म्यू प्लस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है डेली बेसिस पे सेटलमेंट होते हैं, तो डेली सेटलमेंट क्लोजिंग प्राइस, आज की जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उस पर सेटल होगा, फिर कल की क्लोजिंग प्राइस पे सेटल होगा, तो जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा वो एडजस्ट किया जाता है इनिशियल मार्जिन के अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनिशियल मार्जिन अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करवाए म्यू प्लस थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट डे मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो मेरे मार्जिन अकाउंट में कितना पैसा क्रेडिट हो जाएगा, 100 रुपया, 10,000 प्लस 100, 10,100 रुपया, ठीक है। फिर होता है एक मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज एक लोअर लिमिट फिक्स कर देता है। स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि भैया जिस भी दिन आपका बैलेंस 4,000 से नीचे चला जाएगा मार्जिन अकाउंट में, आपको हो सकता है लॉस भी हो, मुझे लगातार लॉस हो रहे हैं और किसी दिन मेरा बैलेंस 4,000 से नीचे चला गया, तो स्टॉक एक्सचेंज ने बोला जिस भी दिन तुम्हारा बैलेंस 4,000 से नीचे चला जाएगा ना मार्जिन अकाउंट में, उस दिन आपको उसको रिस्टोर करके वापस इनिशियल मार्जिन पर लाना पड़ेगा। यानी मान लो आज के दिन मेरे को इतना नुकसान हुआ कि मेरा जो मार्जिन अकाउंट है उसमें बैलेंस 4,000 से नीचे चला गया, 3,900 हो गया, स्टॉक एक्सचेंज तुरंत मुझे कॉल करेगा, मुझे बोलेगा पैसा जमा कराओ इनिशियल मार्जिन के जितना ले आओ इसको, तो मुझे कितना जमा कराना पड़ेगा, इनिशियल मार्जिन मेरा कितना था 10,000, अभी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है 3,900, यानी 6,100 मुझे मेरे अकाउंट में डलवाना पड़ेगा और पैसा। ये होता है मेंटेनेंस मार्जिन। इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप डेली डे डेट लिख दो, चेंजेस इन क्लोजिंग फ्यूचर वैल्यूज लिख दो जो M2M मार्जिन आप एडजस्ट करोगे, मार्जिन अकाउंट में बैलेंस लिखते चले जाओ, और लास्ट में कॉल मनी, कॉल मनी के कॉलम में आपको बताना है मेंटेनेंस मार्जिन की वजह से पैसा कभी आपको मंगवाना पड़ा हो, मैं स्टॉक एक्सचेंज हूँ और सामने वाले का मार्जिन कम हो गया मेंटेनेंस से तो मुझे पैसा मंगवाना पड़ा हो, वो कॉल मनी के कॉलम में आएगा। चलिए इसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये समझाने का भी टाइम नहीं है अपने पास और समझना भी नहीं है अभी आपको, अभी तो बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। ऑप्शन का जो वैल्यूएशन है वो कैसे करेंगे, ऑप्शन का वैल्यूएशन 3 टाइम पे हो सकता है। एक तो स्पॉट पर 0 टाइम पर मैं ऑप्शन की वैल्यू पता लगाऊं, आज के दिन आज मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और आज के दिन ऑप्शन की वैल्यू पता करूं, उसे बोला जाता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट या फिर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी, या फिर इसे ही हम बोल देते हैं ऑप्शन प्रीमियम, इसे ही हम बोल देते हैं ऑप्शन प्रीमियम। ये 3 तरीके से निकलेगा, बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल मेथड या ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, ठीक है इसको पढ़ेंगे। इसके बाद एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, मैं आज के दिन हूँ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 3 महीने बाद मेरा ऑप्शन मैच्योर होगा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होगा, खत्म होगा 3 महीने बाद, तो आज के दिन में 3 महीने बाद क्या वैल्यू होगी उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की, आज के दिन ये पता लगाऊँ कि 3 महीने बाद उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की क्या वैल्यू होगी, ये होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, ठीक है। तो 3 महीने बाद की वैल्यू का क्या मतलब है, 3 महीने बाद मुझे इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। इसके बाद एक तीसरी चीज़ होती है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने हो गए कंप्लीट और आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो आज जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ इस दिन इस ऑप्शन की वैल्यू कितनी है, तो इस दिन इस ऑप्शन की वैल्यू क्या है वो कैसे पता चलेगी, प्रॉफिट और लॉस निकालने से। तो आज के दिन नेट गेन या लॉस निकालना या फिर नेट पे ऑफ निकालना कुछ भी बोल दो, इसे ही हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी कैसे निकलेगी, नेट गेन और लॉस, नेट पे ऑफ फॉर ऑप्शन बायर, जनरली ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाता है, एक बार कंसेप्ट समझ लोगे तो ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो भी आप कैलकुलेट करके बता दोगे। तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी पूछे या फिर आपसे नेट गेन और लॉस पूछे या नेट पे ऑफ फॉर ऑप्शन बाय पूछे, एक ही चीज है, यही कैलकुलेशन आपकी होने वाली है। एक बार मैं डेरिवेटिव चैप्टर का पूरा रिवीजन कराता हूं आपको फटाफट से, बस थोड़ा सा बच रहा है ये, इसके बाद आप लोगों की जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज है वो फटाफट से पूछ लेना, फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर लेंगे, तब तक मैं आपकी क्वेरीज अभी नहीं देख रहा हूं, ठीक है। चलिए अब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं आपको मालूम होता है, कॉल ऑप्शन के केस में वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी कैसे निकलेगी। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करता है ऑप्शन बायर, जब मार्केट में प्राइस ज्यादा हो और स्ट्राइक प्राइस कम हो। कॉल ऑप्शन में मेरे पास राइट होता है, मैं चाहूं तो इस फिक्स प्राइस पर खरीद लूं जो मैं स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं। मैंने बोला रिलायंस का शेयर 3 महीने बाद आपसे 1,000 रुपये में खरीद लूंगा, 3 महीने बाद मार्केट में रिलायंस का शेयर 1,200 रुपये में मिल रहा है, तो मैं इस पर्सन से 1,000 में खरीदना चाहूंगा क्या, बिल्कुल खरीदना चाहूंगा, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा। लेकिन मान लो मार्केट में 800 रुपये में मिल रहा होता तो मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता। तो ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, जब मार्केट प्राइस ज्यादा हो, तो इसकी इसमें प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस एट मैच्योरिटी माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये आएगा मेरा टोटल गेन या टोटल पे ऑफ। लेकिन क्या ये मेरा मतलब जो मेरे को प्रॉफिट बचा, मान लो मार्केट में प्राइस है 1,200 रुपये, स्ट्राइक प्राइस है 1,000 रुपये, तो मेरे को 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्या 200 रुपये पूरे मेरी जेब में जाएंगे, नहीं, जब मैंने ये चॉइस खरीदी होगी स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ प्रीमियम भी पे करा होगा सामने वाले को, ऑप्शन सेलर को, वो प्रीमियम पे करा होगा, वो भी तो मेरा खर्चा है, तो वो प्रीमियम लेस कर दूंगा, सपोज वो 50 रुपये था, तो 200 माइनस 50, ये आएगा मेरा नेट गेन या लॉस, नेट पे ऑफ। सेम ऐसे पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन में क्या होता है, मेरे पास राइट टू सेल होता है, ये कब एक्सरसाइज होता है, जब मार्केट प्राइस कम हो स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस मार्केट प्राइस एट मैच्योरिटी टोटल गेन लॉस माइनस ऑप्शन प्रीमियम नेट गेन लॉस पे ऑफ, सिंपल सा। चलिए इसके बाद नेट पे ऑफ पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आए तो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, इसे के केस में कंसेप्ट अपन ने डिस्कस कर लिया, ये फॉर्मेट बना के आना तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। नेट पे ऑफ फॉर ऑप्शन बाय पूछा जाए तो ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन के केस में क्या क्या करते हो आप, कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज करते हो, जब मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो स्ट्राइक प्राइस कम हो,
कॉल ऑप्शन में आप सामने वाले को पैसा देते हो स्ट्राइक प्राइस पे, आउटफ्लो होता है स्ट्राइक प्राइस पे। सामने वाले को प्रीमियम देते हो, वो आउटफ्लो होता है प्रीमियम का। लेकिन मार्केट में जो आपने शेयर खरीदा सामने वाले से स्ट्राइक प्राइस पे, उसे मार्केट में बेच देते हो मैच्योरिटी पर, तो मार्केट प्राइस पर आपका इन्फ्लो होता है, तो माइनस इन्फ्लो एट मार्केट प्राइस ऑफ मैच्योरिटी। यह आ जाएगा कॉल ऑप्शन में पे ऑफ। पुट ऑप्शन में क्या होता है, पुट ऑप्शन में आप सेल करते हो सामने वाले को स्ट्राइक प्राइस पे, तो इन्फ्लो आता है स्ट्राइक प्राइस पे। मार्केट से खरीदते हो तो आउटफ्लो होता है मार्केट प्राइस एट मैच्योरिटी में, और प्रीमियम सामने वाले को पे करते हो तो आउटफ्लो होता है प्रीमियम का। तो ये नेट पे ऑफ आता है पुट ऑप्शन के अंदर। ये कैलकुलेशन इस तरीके से आपको दिखानी पड़ेगी, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए इसके बाद एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि ब्रेक इवन मार्केट प्राइस बताओ अंडरलाइंग एसेट की क्या होनी चाहिए मैच्योरिटी पर, ताकि ऑप्शन बायर को ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। कैसे पता करोगे, कॉल ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। पुट ऑप्शन के केस में स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, ये याद कर लो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, अभी हमने वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी निकालना सीख लिया। हम तीन तरीके के वैल्यूएशन करने वाले हैं ना, एक वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, वो केस खत्म। अब दूसरा था हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी, यानी आज के दिन मैं पता करना चाह रहा हूँ कि मैच्योरिटी पे मेरे ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्योंकि एग्जैक्ट पता कर लेता तो भविष्यवाणी हो जाती, एस्ट्रोलॉजी हो जाती, जो कि हम कर नहीं सकते। अगर किसी पर्सन को पता ही चल जाता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो सभी अपने आप में अमीर इंसान अंबानी बन जाते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी कैसे निकालेंगे आज के दिन कॉल ऑप्शन के केस में। अब मैच्योरिटी पे आप सबसे पहले एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस देखोगे क्या क्या हो सकती है। आप देखोगे रिलायंस का शेयर मैच्योरिटी पे 1100 रुपये का भी हो सकता है, 1300 का भी हो सकता है, 1000 का भी हो सकता है, 900 का भी। चार एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट मैच्योरिटी आपने पता लगाई, चारों की आप प्रोबेबिलिटी पता लगाओ, ये आपको क्वेश्चन में डेटा गिवन होगा। तो पहली मार्केट प्राइस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट मैच्योरिटी माइनस स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन की वैल्यू यही तो आती है, मार्केट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 1 प्लस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 2 मल्टीप्लाई माइनस स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी 2 प्लस, ऐसे करते जाओ जितना आइटम आपको दे रखा है वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद पुट ऑप्शन के केस में, पुट ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, जब स्ट्राइक प्राइस ज्यादा हो, तो वही स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 1 मल्टीप्लाई बाय P1 स्ट्राइक प्लस स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 2 मल्टीप्लाई बाय P2 प्लस करके चले जाओ, ये आ जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। ये हम निकालते हैं टोटल गेन या टोटल पे ऑफ करके, इस पर कभी भी नेट नहीं करते, यानी इसमें आपने देखा होगा फॉर्मूला में कहीं पर भी मैं ऑप्शन प्रीमियम को माइनस नहीं कर रहा हूँ, ICICI कभी भी ऑप्शन प्रीमियम इसमें माइनस करके नहीं बताता है, टोटल गेन या टोटल पे ऑफ निकाल के बताता है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत बार ICICI क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको ढंग से करके चले जाओ। इसके बाद वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट या वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिफोर मैच्योरिटी बोलो या फिर ऑप्शन प्रीमियम बोलो, ये कैसे निकाला जाएगा। तीन मॉडल होते हैं, बाइनोमियल मॉडल, रिस्क न्यूट्रल मेथड, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। तो सबसे पहले बढ़ते हैं बाइनोमियल मॉडल, इसमें आपको कुछ स्टेप्स में वर्किंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी पता करो प्राइस इंक्रीज होने की, आप प्रोबेबिलिटी पता करो कि प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब ये क्यों पता कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपको जो मिलेगा ना, बाइनोमियल मॉडल की कुछ अजम्पशंस होती है। पहली अजम्पशन, मैच्योरिटी पर दो मार्केट प्राइस होने की पॉसिबिलिटी है। एक तो आज के दिन सपोज रिलायंस का शेयर 1000 रुपये का, तो आपको दो मार्केट प्राइस होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, या तो मार्केट प्राइस 1100 हो सकती है या 800 हो सकती है, बस इस तरीके से आपको दो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में मिलेंगी। पहली अजम्पशन क्या होती है कि मैच्योरिटी पे दो मार्केट प्राइस होने की पॉसिबिलिटी है, एक तो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा होने की और एक स्पॉट प्राइस से कम होने की। तो स्पॉट प्राइस है 1000, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि मैच्योरिटी पे या तो प्राइस हो सकती है 1100 या 800। तो अब आपको पता करना है कि प्रोबेबिलिटी प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्राइस इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको पता करनी है। प्रोबेबिलिटी आपको गिवन नहीं होगी, वो कैसे पता करोगे, पी इक्वल टू ई की पावर आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस टी, या फिर 1+RT माइनस डी डिवाइडेड बाय यू माइनस टी। तो सर ये फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यूज में लेना है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है ई की पावर आर टी, अदरवाइज 1+RT, ये करना है। वो क्वेश्चन में जैसा डेटा दे रखा होगा उस अकॉर्डिंग आप कर दोगे। डी का मतलब है प्राइस डिक्रीज होने की वोलेटिलिटी, ये कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड प्राइस लोअर लेवल पर क्या होने वाली है, अपने एग्जांपल में 800 रुपये, और आज के दिन की प्राइस डिवाइड में रख दो, डिवाइड बाय स्पॉट प्राइस। यू कैसे निकालोगे, प्राइस इंक्रीज होने की वोलेटिलिटी, यू यानी अपर साइड, डी मतलब डाउन, तो यू अपर लेवल पे प्राइस क्या होगी, एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय स्पॉट प्राइस, यू और डी आ गया अपने डेटा में। आर क्या है, इंटरेस्ट रेट पर एनम, टी है रिक्वायर्ड टाइम, यानी वो वाला टाइम जिसमें प्राइस चेंज होगी। मेरे ऑप्शन की मैच्योरिटी सपोज 3 मंथ्स बाद है, तो मेरी टी कितना होगा, 3 मंथ्स, तो 3/12, ठीक है, टी हम ईयर में लेते हैं जनरली, तो 3/12। इसके बाद प्राइस डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालोगे, प्राइस इंक्रीज की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, तो डिक्रीज की क्या होगी, 1-P। लास्ट में, लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट या ऑप्शन का प्रीमियम पता लगा लेना। वो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है, मैंने आज के दिन 3 महीने बाद क्या प्राइस होगी ऑप्शन की, क्या वैल्यू होगी, वो पता लगाना सीख लिया था। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड मैच्योरिटी निकालना सीखा था ना अभी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले 13th नंबर पॉइंट में, तो वो हमने सीख लिया था कि आज के दिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 महीने बाद मेरे ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन मैच्योरिटी की मैंने पता कर ली, तो मेरे को पता चल गया कि 3 महीने बाद मेरे ऑप्शन की ये वैल्यू हो सकती है। उसको अगर मैं PV करके 0 टाइम पे ले आऊँ,
तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे ऑप्शन के आज के दिन क्या वैल्यू है। तो बस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी निकाल लूंगा और डिवाइड में पीवी कर लूंगा। पीवी कैसे करते हैं, अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो ई की पावर आरटी, अदरवाइज 1+RT, ये आपको यूज में ले लेना है फॉर्मूला। इसके बाद चलिए नेक्स्ट मेथड है रिस्क न्यूट्रल मेथड। रिस्क न्यूट्रल मेथड सेम बाइनोमियल मॉडल की तरह सेम आंसर आता है, कुछ भी फर्क नहीं होता। बस यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज हो जाता है बस, और कुछ भी फर्क नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी सेम आएगी, सब कुछ सब सेम आने वाला है, बस केवल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला क्या यूज में लेना है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट अपर लेवल, अपने एग्जाम्पल में 1100 रुपये थी, उसको मल्टीप्लाई करो पी से, यही हमें निकालनी है, प्लस एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट लोअर लेवल मल्टीप्लाई बाय 1-P डिवाइड बाय 1+RT या ई की पावर RT। यानी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगी शेयर की, दो प्राइस होंगी ये अजम्पशन चलती है, मल्टीप्लाई बाय P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, 1-P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज, इनसे मल्टीप्लाई किया यानी एक वेटेड प्राइस पता चल गई कि फ्यूचर में एक एवरेज प्राइस ये हो सकती है। उसको अगर मैं पीवी करूँ 0 टाइम पे, तो अगर मैं थियोरिटिकली बात करूँ तो ये फॉर्मूला बोलता है अगर फ्यूचर की जो प्राइस है उसको पीवी करोगे तो क्या आएगी आपके पास, स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर आएगी। तो उसको पीवी कर रहे हैं, सामने स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर रख रहे हैं ये, और इससे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज पता चल जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस डिक्रीज कैसे निकालोगे, 1-P वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट स्पॉट कैसे निकालोगे, सेम वही फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी निकालोगे, उसका पीवी कर लोगे। ये हो गया रिस्क न्यूट्रल मॉडल आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, जो सबसे टिपिकल लगता है, इसके आने के बहुत कम चांसेस हैं, मतलब ना के बराबर चांसेस है, इसको इसलिए फटाफट से गो थ्रू करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इसमें कैसे निकालोगे, कॉल ऑप्शन की वैल्यू स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट मल्टीप्लाई बाय ND1 माइनस स्ट्राइक प्राइस ऑफ जो आपके ऑप्शन है उसकी डिवाइड बाय ई की पावर RT मल्टीप्लाई बाय ND2। यह फॉर्मूला है, ब्लैक स्कॉल मॉडल आने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस मत करना। अब देखो हमारे फॉर्मूला में सबसे पहले हम D1 जो स्टेप्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको D1 निकालना है। D1 कैसे निकालोगे, D1 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट डिवाइडेड बाई एक्सरसाइज प्लस RF प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी, ये आएगा आपका D1। D2 कैसे निकालोगे, D2 आप निकालोगे D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट टी। ND1 ND2 क्या होता है, D1 और D2 की वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ढूंढो क्यूमुलेटिव एरिया, D1 और D2 का क्यूमुलेटिव एरिया इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप पता कर लोगे तो वही हो जाता है ND1 और ND2, ठीक है। ND1 ND2 आपको पता चल जाएगा, फॉर्मूला में डेटा डाल दो आपके पास कॉल ऑप्शन की वैल्यू आ जाएगी। अब इस चैप्टर में कुछ चीज़ें जो आपको काम में आने वाली हैं वो आपको ध्यान रखनी है। ई की पावर, सपोज आपके किसी सॉल्यूशन में ई 0.1537 की आपको वैल्यू चाहिए, पर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं है पर आपको चाहिए क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, तो आप कैलकुलेटर पे फटाफट से पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे, ई की पावर में जो भी डेटा लिखा हुआ उसको रखो, अपने एग्जांपल में 0.1537 मैंने बोला था उसको रखो, डिवाइड करो 4096 से, प्लस 1 करो और मल्टीप्लाई इक्वल टू का प्रेस करो 12 टाइम्स, आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद नेचुरल लॉग की आपको वैल्यू चाहिए, नेचुरल लॉग सपोज आपको 1.1052 की वैल्यू चाहिए, आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं हो पाएगा बिना वैल्यू के, तो हम कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं 1.1052 अंडर रूट करो 12 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो 4096, अंडर रूट 12 टाइम्स माइनस 1 मल्टीप्लाई 4096, नेचुरल लॉग की आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद ब्लैक स्कॉल्स मॉडल में ही एक और चीज़ हो सकती है, कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है लेकिन आपको अंडरलाइंग एसेट से इनकम भी प्रोवाइड करवा बता रखी है क्वेश्चन में, तो क्या करो, जहाँ जहाँ स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट आ रहा है फॉर्मूला में वहाँ वहाँ आप डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, वहाँ वहाँ डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो। जहाँ जहाँ फॉर्मूला में स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट आ रही है वहाँ वहाँ डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू उसमें से माइनस कर दो। बाकी ब्लैक स्कॉल्स मॉडल आना ना के बराबर चांसेस हैं, तो ये वाला केस आने के तो बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। ब्लैक स्कॉल्स मॉडल के थ्रू वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, स्ट्राइक प्राइस का पीवी, वो कैसे करोगे, स्ट्राइक प्राइस ई की पावर माइनस आरटी माइनस स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ये होगी वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन बाय ब्लैक स्कॉल्स मॉडल। पुट कॉल पैरिटी थ्योरी क्या है, ये ब्लैक स्कॉल्स मॉडल से जो इक्वेशन बनती है इसी से ये हम बनाएंगे, वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन प्लस स्पॉट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाई बाय ई की पावर माइनस आरटी प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ये होती है आपकी पुट कॉल पैरिटी थ्योरी। इसके बाद ऑप्शन ग्रीक से फालतू है, ये अभी आपकी ज़्यादा काम का नहीं है तो इसको छोड़ो। तो ये था आपका डेरिवेटिव चैप्टर का रिवीजन, क्विक रिवीजन अपन ने किया फॉर्मूलाज का, और इनको आप याद रखना। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर जो रिवाइज करने वाले हैं वो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ये रिवाइज करने से पहले एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ, कुछ क्वेरीज हो तो आप लोगों की। सर भूल गए कि आप शेड्यूल करके, इसने पता नहीं क्या बोल रहे हो आप, लेक्चर तो चल रहा है। बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाओगे।
चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज नहीं है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी उनके लिए मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस मार्क करा दिए थे कि भैया ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट देख जाना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मार्क कराए हैं जो SFM में भी, तो वो इस वजह से करवाए हैं भाई, जिन्होंने नहीं पढ़ा एटलीस्ट वो क्वेश्चन देख जाओ, आप कुछ चांसेस हैं कि आप क्लियर कर जाओगे एग्जाम। बाकी इंपॉर्टेंट सब कुछ ही होता है जो भी कोर्स में। चलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर का रिविजन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो FRA क्या होता है, इसमें दिमाग अपने को लगाना नहीं है। मीनिंग में मैं दिमाग नहीं लगा रहा क्योंकि आपको मीनिंग तो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो FRA की प्रेजेंटेशन कैसे करी जाती है वो समझ लो। आपको दे रखा है 3 × 9 FRA, या मल्टीप्लाई की जगह लिख दे BY या फिर ऑब्लिक का साइन लगा दे। इन सबको एक ही तरीके से रीड किया जाता है। क्या बोला जाता है? 3 × 9 FRA, 3 × 9 FRA ऐसे रीड किया जाता है। और इन सबका मीनिंग सेम है। मीनिंग क्या है? जो पहला न्यूमेरिकल वर्ड होता है, जैसे अपने एग्जाम्पल में 3 है, वो आपको बताता है इस मंथ के एंड से लोन स्टार्ट होगा, इस मंथ के एंड से लोन स्टार्ट होगा। और जो न्यूमेरिकल दूसरा वर्ड है वो आपको बताता है कि इस मंथ के एंड में लोन खत्म होगा, इस मंथ के एंड में लोन खत्म होगा। यानी पहला 3 क्या बता रहा है? इस मंथ के एंड से लोन स्टार्ट होगा, यानी आज से 3 महीने बाद लोन स्टार्ट होगा, आज से 3 महीने बाद लोन मिलेगा। दूसरा 9 बता रहा है कि इस मंथ के एंड में खत्म होगा, यानी आज से 3 महीने बाद 6 महीनों के लिए लोन, आज से 3 महीने बाद 6 महीनों के लिए लोन। अगर मेरा FRA हो 3/6 FRA, यानी आज से 3 महीने बाद 3 महीनों के लिए लोन। 6/12 FRA हो तो आज से 6 महीने बाद 6 महीनों के लिए लोन, ठीक है। ये तो हो गया इसको कोटेशन को रीड करने का तरीका। अब कोटेशन में आपको दो इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेंगे। ऐसा बोलेगा बैंकर, जो डीलर है वो आपको बोलेगा 3/9 FRA 6.50% और 6.75%। इसका क्या मतलब है? दो इंटरेस्ट रेट, मुझे तो एक ही इंटरेस्ट रेट पता होनी चाहिए। मैं लोन लेने गया, मैंने बोला कि 3 महीने बाद 6 महीनों का लोन लेना है, यानी 3/9 FRA की रेट बता। उसने दो रेट बताई, मैं बोला दो रेट क्या होती है, एक रेट बता। तो आपको खुद को जज करनी है आप पे कौन सी रेट लगेगी। मेरे को लोन लेना है तो कौन सी रेट लगेगी? लोन लेने में हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगती है, तो 6.75% लोन की रेट है। और 6.50% अगर मेरे को पैसा जमा करवाना है, मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट कम मिलता है, तो उसमें हमेशा कम इंटरेस्ट रेट लगती है, ठीक है। लो इंटरेस्ट रेट है तो यानी वो इन्वेस्टमेंट की है, और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है वो बोरोइंग की रेट है। चलिए इसके बाद अब FRA में क्या हो सकता है, एक और प्रेजेंटेशन हो सकती है। बीच में भी अपन ने मल्टीप्लाई का साइन देखा, अगर मल्टीप्लाई के साइन के बजाय V साइन दिखे, 2V3 FRA कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आप रीडिंग कैसे करोगे? पहला 2 बताएगा इस ईयर के एंड से लोन स्टार्ट होगा, दूसरा न्यूमेरिकल वर्ड बताएगा इस ईयर के एंड में लोन खत्म होगा। यानी 2V3 का मतलब आज से 2 साल बाद 1 साल के लिए लोन, 2V5 का क्या मतलब आज से 2 साल बाद 3 साल के लिए लोन, ठीक है। चलिए अब इसमें भी सेम वही चीज़, FRA की फोर थियोरिटिकल या फेयर इंटरेस्ट रेट कैसे निकालेंगे? थियोरिटिकल या फेयर इंटरेस्ट रेट FRA की आपसे पूछी जाए तो वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए आपको बस एक फॉर्मूला का पैटर्न मैंने बनाया है वो ध्यान दो, बाकी ये लॉजिकल होता है तो ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। आप क्या करो कि आपका FRA सपोज 6/12 FRA है, तो इसमें सबसे बड़ा पीरियड क्या है? 6/12 FRA का क्या मतलब है? आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन, आज से 6 महीने बाद 6 महीनों का लोन। तो पूरा बड़ा पीरियड क्या है? 1 साल, पूरा 1 साल का बड़ा पीरियड। सबसे पहले बड़े पीरियड का आप फाइनल अमाउंट ले लो। फाइनल अमाउंट कैसे लोगे आप? 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर, 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू, अब जो दो छोटे छोटे पीरियड है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो पहला स्मॉल पीरियड कितने का है? 6 महीनों का, आज से 6 महीने बाद है ना लोन, तो पहला छोटा पीरियड है 6 महीनों का, तो 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 6 मंथ, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो गिवन होगी वो पर एनम में होगी, ये हो गया। दूसरा छोटा पीरियड का जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 6/12। यही हमें पता करना था जो आप पता कर लोगे इस फॉर्मूला में डेटा रखकर। मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है, इस एग्जांपल को देख लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बआद मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हैं। अगर 3/6 FRA हो उसकी निकालनी हो तो इसमें देखो बड़ा पीरियड क्या है, आज से 3 महीने बाद 3 महीनों का लोन, तो बड़ा पीरियड 6 महीने, तो 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 6/12 इज इक्वल टू, पहला छोटा पीरियड 3 महीने, 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 3/12। इसके बाद एक और एग्जांपल 2V3 FRA, बड़ा पीरियड आज से 2 साल बाद 1 साल का लोन, बड़ा पीरियड है 3 साल, तो 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर 3 ईयर्स की पावर 3 इज इक्वल टू, पहला छोटा पीरियड 2 साल, तो 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा छोटा पीरियड 1 साल, तो 1+ इंटरेस्ट रेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। इसके बाद FRA के थ्रू हम आर्बिट्रेज कैसे कर सकते हैं? तो सेम वैसा ही है, थियोरिटिकल आपने FRA की रेट पता कर ली, मार्केट में FRA की क्या कोटेड रेट है वो पता करो, इनको कंपेयर करो। तो अब अगर मार्केट की जो कोटेड रेंज है, जो अपने एग्जांपल में 6.5% टू 6.75% थी, और आपने जो थ्योरेटिकल रेट निकाली वो इस रेंज के अंदर आ जाती है, फॉर एग्जांपल मेरी आ गई 6.6%, तो कोई आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है, बस सिंगल 1 लाइन का आंसर होगा। पर ऐसा केस आपको देके नहीं रखेगा एग्जाम में। केस क्या मिलेगा? आपकी जो थ्योरेटिकल FRA की रेट आई है वो इस रेंज से बाहर है, या तो 6.5% से कम है या फिर 6.75% से ज़्यादा है। अपने एग्जांपल में 6.5 टू 6.75% अपनी कोटेड रेंज मैंने ली एग्जांपल में, ठीक है। तो आर्बिट्रेज पॉसिबल है। आर्बिट्रेज पॉसिबल में पहला सिनेरियो क्या हो सकता है? थियोरिटिकल FRA की रेट ज्यादा है और कोटेड रेंज कम है। थियोरिटिकल FRA की रेट ज्यादा है, कोटेड रेंज कम है, यानी
फॉर एग्जाम्पल मेरी रेंज कहाँ पे खत्म हो रही है, 6.5 to 6.75%, और थियोरिटिकल जो रेट आ रही है वो आ रही है 6.8%, तो ये इस रेंज से बाहर है, कौन सी वाली साइड में, ज़्यादा वाली साइड में, तो ज़्यादा है मेरी थियोरिटिकल एफआरए रेट। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें एफआरए पर मनी बोरो करने का डिसीजन ले लेना चाहिए। तो इसमें प्रोसीजर क्या करोगे, एफआरए पर मनी बोरो करने का डिसीजन लेना है, उस दिन मैं मनी बोरो करूंगा, लेकिन मैं आर्बिट्रेजर हूं तो मैं, मेरे पास तो पैसा रख नहीं सकता, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे ये पैसा कहीं पर पे करना पड़े। तो जीरो टाइम पे मैं एक पैसा बोरो करूंगा, कब तक के लिए, बिगनिंग ऑफ एफआरए लोन तक के लिए, और जो पैसा बोरो करूंगा इसे इन्वेस्ट कर दूंगा टिल मैच्योरिटी ऑफ एफआरए लोन। जीरो टाइम पे बोरो करूंगा टिल बिगनिंग, और इसे इन्वेस्ट करूंगा टिल मैच्योरिटी। एफआरए की बिगनिंग होगी, इस दिन क्या करूंगा, एफआरए पे मनी बोरो करूंगा, और जीरो टाइम पे जो बोरो किया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा, यानी जीरो टाइम पे कैश फ्लो निल हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ एफआरए लोन पे कैश फ्लो निल हो जाएगा। अब मैच्योरिटी ऑफ एफआरए लोन वाला टाइम आ गया, तो इस दिन क्या करूंगा, जीरो टाइम पे जो पैसा इन्वेस्ट किया था टिल मैच्योरिटी वो विदड्रॉ कर लूंगा विद इंटरेस्ट, और जो एफआरए पे पैसा लोन पे लिया था उसे विद इंटरेस्ट रीपे कर दूंगा, डिफरेंस गेन या लॉस होगा। ये सिनेरियो आपका बनेगा, इसी पे क्वेश्चन बनता है। इसका दूसरा वाला सिनेरियो है, उस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, आज तक नहीं बनाए तो उसको अपन देख भी नहीं रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, एफआरए के थ्रू स्पेकुलेशन कैसे करेंगे। एफआरए के थ्रू स्पेकुलेशन कैसे करी जाएगी, इसमें समझो स्पेकुलेटर क्या होता है, आर्बिट्रेजर की तरह ही होता है, बट ये दिमाग नहीं लगाता, बस इसको तो देखना है यार कल रिलायंस के शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी चलो खरीद लेता हूँ, इसकी प्राइस गिर जाएगी कल चलो बेच देता हूँ, बस इतना सा दिमाग लगाता है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करता। तो स्पेकुलेटर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो वो एफआरए पर मनी बोरो कर लेता है, स्पेकुलेटर को लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिरेगी तो वो एफआरए पर मनी इन्वेस्ट कर देता है। तो स्पेकुलेटर को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है, इसको एक्चुअल में पैसा चाहिए नहीं, इसको ना ही एक्चुअल में पैसा बोरो करना है, एक्चुअल में ना ही से पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये फाइनल सेटलमेंट करता है, कभी भी ये डिलीवरी किस में करता है, कैश सेटलमेंट में, नेट कैश सेटलमेंट करता है, एक्चुअल डिलीवरी इसको नहीं चाहिए होती है। ठीक है, तो एक्चुअल सेटलमेंट जो करेगा, फाइनल सेटलमेंट, उसका फॉर्मूला, आप तो फाइनल सेटलमेंट का फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला क्यों बना इसका रीजन मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि रिविजन है, तो इस वजह से देखो फाइनल सेटलमेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिसे हम रेफरेंस रेट बोलते हैं, माइनस फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपने एफआरए की रेट है वो माइनस करो, इसका नेट मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइडेड बाय डीवाई, जितने टाइम का लोन है। फॉर एग्जांपल आज से 6 महीने बाद 1 साल का लोन का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो लोन कितने टाइम का है, 1 साल का, प्रिंसिपल अमाउंट 1 करोड़, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय, उस दिन मान लो मार्केट इंटरेस्ट रेट है 15%, फॉरवर्ड रेट जो हमने एग्री करी है वो 12%, तो डिफरेंस कितना है, 3%, 3% का फायदा हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय पीवी कर लो, इसका पीवी कितना करोगे, 1 प्लस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से पीवी होगा, मल्टीप्लाई बाय डीटीएम डिवाइडेड बाय डीवाई, ये आ जाएगा फाइनल सेटलमेंट आपका। फाइनल सेटलमेंट करेगा कौन, कैसे करेगा, मान लो मैंने एफआरए बाय किया था, मैंने एफआरए बोरो करने का डिसीजन लिया था, तो मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाती है तो डीलर जो है वो मुझे पैसा देगा क्योंकि मुझे फायदा हुआ है, और अगर मार्केट में रेट कम हो जाती है और एफआरए की रेट ज़्यादा है तो मैं डीलर को पैसा दूंगा क्योंकि मुझे नुकसान हो गया उसे फायदा हो गया। लेकिन अगर मैंने एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट सेल करने का लिया था, इन्वेस्ट करने का किया था एफआरए का कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाती है तो मुझे नुकसान हो गया, मैं डीलर को पैसा दूंगा, और मार्केट में रेट कम रहती है, एफआरए की रेट ज़्यादा है, तो मुझे फायदा हो गया, डीलर मुझे पैसा देगा। चलिए इसके बाद हैजिंग यूजिंग एफआरए, हैजिंग कैसे होगी एफआरए के थ्रू। एफआरए के थ्रू हम हैजिंग करने के लिए आपको नेट फाइनल इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, एफआरए में कितना आपका पे होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो जब आप हैजिंग करोगे, हैजिंग कब करते हो, जब ऑलरेडी आपकी कोई रिस्क होती है, यानी ऑलरेडी आपने बोरिंग कर रखी होगी, ऑलरेडी बोरिंग कर रखी है तो एक्चुअल इंटरेस्ट आप बोरिंग पे करोगे, वो कैसे पता करोगे, अमाउंट ऑफ बोरिंग मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम रेफरेंस रेट बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लोन। और एफआरए में हमें गेन या लॉस होगा वो कैसे पता करेंगे, कितनी अमाउंट के लिए हमने एफआरए किया, मल्टीप्लाई बाय आरआर माइनस एफआर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ लोन, अगर लॉस हो रहा है तो ऐड कर दो, गेन हो रहा है तो इसमें लेस कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा हेजिंग में अमाउंट। चलिए अब इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, दूसरा कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स यही सेम वही इंटरेस्ट रेट के रिस्क को हैज करने के काम में आते हैं, इससे बचने के काम में आते हैं। तो देखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में आप डिसीजन कैसे लोगे, सबसे पहले वो समझो, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, आपको डर लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है, तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस गिरेगी, और जिस चीज़ की प्राइस गिरने वाली हो उसे बेच देना चाहिए, यानी हम शॉर्ट या सेल करने का डिसीजन लेंगे। और अगर आपको डर लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिरेगी, यानी मार्केट रेट इंटरेस्ट अगर गिरती है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस बढ़ती है, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस बढ़ती है तो हमें खरीद लेना चाहिए, कोई भी चीज़ जिसकी प्राइस बढ़ने वाली हो उसे खरीद लेना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट से रिवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी इंटरेस्ट रेट गिरती है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस बढ़ती है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस गिरती है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है जो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस कैसे पता लगाओगे, तो 100 माइनस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर, ये आपको करना है, 100 माइनस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। क्वेश्चन में कन्वर्जन फैक्टर गिवन नहीं है तो आप अज्यूम करोगे कन्वर्जन फैक्टर 1 है, यानी डायरेक्टली आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस इंटरेस्ट रेट।
इसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के थ्रू हेजिंग कैसे करी जा सकती है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पता करो। फ्यूचर में हमेशा हमें पहले नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते हैं। वो कैसे पता करोगे, आप देखो कितनी आपको बोरोइंग करनी है, डिवाइड में एक कॉन्ट्रैक्ट कितनी साइज का होगा। सपोज बोरोइंग मुझे 10 लाख की करनी है और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय लोन मुझे कितने टाइम का चाहिए, सपोज 2 साल का चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ 6 महीनों का है, तो डिवाइड में 6 मंथ, तो 6/12 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड में 6/12.5 यानी। इसके बाद ये हमें नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पता चल गए। अब हमें इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में पेमेंट देखना अपना कितना होने वाला है। तो एक्चुअल में बोरोइंग करेंगे हम, एक्चुअल में जो बोरोइंग हुई होगी उस पर एक्चुअल इंटरेस्ट पे होगा अमाउंट ऑफ बोरोइंग मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लोन। अब इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे गेन या लॉस हुआ होगा उसे ऐड लेस करेंगे, लॉस हुआ होगा तो ऐड, गेन हुआ होगा तो लेस। ये कहते पता चलेगा एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की साइज मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ IRF माइनस बाइंग प्राइस ऑफ IRF, इसे परसेंटेज में लेना है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ये आप रट लो, फाइनल नेट पेमेंट आपका IRF का पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस क्या होते हैं, हमारे को इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में एक चॉइस मिल जाती है कि इंटरेस्ट रेट कितनी फिक्स करनी है और कितनी नीचे नहीं जानी चाहिए, एक फिक्स आपको पता चल जाएगा, जिसमें कैप ऑप्शन होता है, फ्लोर ऑप्शन होता है, कॉलर ऑप्शन होता है। इंटरेस्ट रेट दो तरीके की होती है, एक फिक्स रेट और एक फ्लोटिंग रेट, ये आपको पता है। चलिए कैप ऑप्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से लोन लिया 10% लाइबोर पर, मैंने फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने किसी से लोन ले लिया। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, जैसे जैसे मार्केट में इंटरेस्ट रेट लाइबोर की रेट होगी उतना उतना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज लाइबोर होगी 10%, तो मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कल लाइबोर होगी 15%, तो मुझे 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैंने ये तो फ्लोटिंग रेट पर लोन ले लिया, साथ में मैंने क्या किया, मैंने फ्लोटिंग रेट पे लोन लिया तो मुझे अब डर लग रहा है यार इंटरेस्ट रेट लाइबोर कभी 20% होगी तो मुझे 20 भी पे करना पड़ेगा, कभी 25 होगी तो 25 भी पे करना पड़ेगा। तो मैंने उसके लिए, उससे बचने के लिए क्या किया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट और कर लिया कैप ऑप्शन का, मैंने किसी से कैप ऑप्शन खरीद लिया। कैप ऑप्शन का मतलब होता है मेरी इंटरेस्ट पे कैप सीलिंग मैंने फिक्स करवा ली, मैंने 12% पे कैप सीलिंग फिक्स करवा ली। इसका मतलब क्या है, अगर कभी मार्केट में प्राइस 12% से ज़्यादा हो गई इंटरेस्ट की रेट, तो मेरे को एक्चुअल में सपोज 15% हो गई, मेरे को 15% पे करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जिससे मैंने ऑप्शन खरीदा ना, 3% वो मुझे कंपनसेट करेगा, वो मुझे देगा। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% हुई तो बस मैं 10% पे करूंगा, वो मुझे कुछ कंपनसेट नहीं करने वाला, यानी 12% से ऊपर जाएगी तो ये बंदा मुझे पे करेगा, ये होता है कैप ऑप्शन। ठीक है, फ्लोर ऑप्शन क्या होता है, मान लो मुझे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना है लेकिन मैंने फ्लोटिंग रेट पे इन्वेस्ट कर दिया, तो लाइबोर 2% होगी तो 2% इंटरेस्ट मिलेगा, 3% होगी तो 3% मिलेगा। तो मुझे लग रहा है किसी दिन अगर लाइबोर 2% से नीचे चले गए तो मैं ज़्यादा नुकसान में चला जाऊंगा, तो मैंने एक फ्लोर ऑप्शन खरीद लिया, फ्लोर ऑप्शन मैंने 2% का खरीद लिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट में कभी लाइबोर 2% से नीचे चली जाएगी, सामने वाला मुझे कंपनसेट करेगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में लाइबोर होगी 1%, तो यानी मुझे मार्केट से तो 1% इंटरेस्ट मिलेगा, 1% मुझे ये पर्सन और देगा जिससे मैंने वो फ्लोर ऑप्शन लिया था। ठीक है, कॉलर ऑप्शन क्या होता है, मिक्स होता है कैप और फ्लोर का, कि हम या तो कैप खरीदते हैं और फ्लोर बेचते हैं, या फिर कैप बेचते हैं फ्लोर खरीदते हैं, ये होता है आपका कॉलर ऑप्शन। पे ऑफ कैसे पता लगाओगे, कैप ऑप्शन में पे ऑफ कैसे पता चलेगा, मार्केट में रेट क्या है माइनस स्ट्राइक रेट, और फ्लोर ऑप्शन में स्ट्राइक रेट क्या है माइनस मार्केट में रेट क्या है। प्रीमियम इंटरेस्ट रेट ऑप्शन पे कैसे पता करोगे, आपका जो प्रीमियम होता है वो 0 टाइम पे होता है जनरली, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपसे जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसमें आपको बोला हुआ है कि प्रीमियम आप कैलकुलेट कर लो जो कि आप हर रीसेट पीरियड पर, हर रीसेट डेट पर आप पे करोगे, हर रीसेट डेट पर। उसमें आप कैसे पता करोगे, प्रीमियम अमाउंट ऑफ बोरिंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रीमियम, ये तो प्रीमियम का टोटल अमाउंट आ गया, लेकिन इस टोटल अमाउंट को आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है हर रीसेट पीरियड में, तो हमें इंस्टॉलमेंट पता करनी है कितनी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट क्या होगा। तो इंस्टॉलमेंट पता करनी है, टोटल अमाउंट मेरे पास है तो डिवाइड में क्या कर दूं, मैं PVAF रख दूं टोटल पीरियड का। ठीक है, PVAF रख दूं टोटल पीरियड का। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद स्वैप या एक्सचेंज, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। स्वैप 3 तरीके के हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप या कॉम्बाइंड स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप एक बार समझ में आ जाएगा तो करेंसी कॉम्बाइंड भी आपको समझ में आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास फिक्स करेंसी लोन है लेकिन मुझे फ्लोटिंग चाहिए, और सामने वाले के पास, किसी के पास फ्लोटिंग है उसे फिक्स चाहिए, तो हम आपस में बदल सकते हैं कि उसके पास फ्लोटिंग है उसका फ्लोटिंग मैं ले लेता हूँ और मेरा फिक्स उसको दे देता हूँ। ठीक है, दोनों का काम हो जाएगा, दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसके लिए बीच में एक इंटरमीडियरी पार्टी होती है स्वैप बैंक, वो ये प्रोसेस करवाता है। तो देखो मिस्टर एक्स के पास फिक्स रेट लोन था, इसको फ्लोटिंग चाहिए था, तो मिस्टर एक्स मार्केट में जो फिक्स रेट लोन होगा तो अपने लेंडर को तो क्या पे कर रहा है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। स्वैप बैंक के पास जाएगा तो स्वैप बैंक को ये फ्लोटिंग पे करेगा PLR+1%, और स्वैप बैंक इसे फिक्स इंटरेस्ट दे देगा उसके बदले 10%, तो स्वैप बैंक को इससे मिलेगा। तो हमेशा याद रखना स्वैप में 3 चीज़ें होंगी, 3 ट्रांजेक्शन होंगे, एक तो मैं लेंडर को कुछ पे करूंगा, एक स्वैप बैंक को कुछ पे करूंगा, और एक स्वैप बैंक से मुझे कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन याद करो। अभी मैं कंसेप्ट इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिस्कस अगर मैं करता कंसेप्ट तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इस पर अपन कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस ये याद रखो 3 ट्रांजेक्शन होते हैं।
अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक चीज़ पूछी जाती है, क्या स्वैप बेनिफिशियल है या नहीं है। ये कैसे पता करोगे? सबसे पहले चेक करो आपको कौन सा लोन चाहिए, फिक्स चाहिए कि फ्लोटिंग चाहिए। तो जो लोन आपको चाहिए वो अगर आप डायरेक्टली लेते तो क्या कॉस्ट पड़ती, और दूसरा पता करो वो लोन अगर आप स्वैप के थ्रू लेते हो तो क्या कॉस्ट पड़ेगी, और फिर बाद में डिसीजन ले लो। जिसमें कॉस्ट कम आ रही है वो बेनिफिशियल, अगर स्वैप में कॉस्ट कम आ रही है तो स्वैप बेनिफिशियल है, स्वैप में कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो स्वैप बेनिफिशियल नहीं है, रिजेक्ट कर दो। तो आपको ये पूरा ट्रांजेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले इस तरीके का चार्ट आपको बना लेना है सोल्यूशन में, अगर कैसा भी ट्रांजेक्शन आए तो इससे आपका बहुत ईजी सोल्यूशन हो जाएगा। तो ए लिमिटेड को देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, जो अपने एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलिए फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, फ्लोटिंग ये डायरेक्टली लेता ए तो इसको क्या रेट पड़ने वाली है, इसको रेट पड़ेगी एल प्लस 0.20% अगर ये डायरेक्टली लेता है तो। अभी अगर स्वैप के थ्रू लेता है तो इसको क्या कॉस्ट पड़ रही है वो देख लेते हैं। ए लिमिटेड अगर फ्लोटिंग रेट लोन स्वैप के थ्रू लेता है तो ये मार्केट में फिक्स लेगा 7%, तो लेंडर को 7% फिक्स पे करेगा। स्वैप बैंक को ये एल पे कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और स्वैप बैंक से इसको 7.12% मिल रहा है। तो स्वैप के अंदर नेट कॉस्ट पता करो इसकी आ रही है एल माइनस 0.12%, तो स्वैप में इसको फायदा हो रहा है कितने का, 0.32%। सेम ऐसे बी लिमिटेड के लिए पता करा और ऐसे ही देख लिया कि स्वैप बैंक को कितना बेनिफिट हो रहा है। इस एग्जाम्पल में तीनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है। एक ये ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन स्वैप में मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद स्वैप में एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, फ्रेमिंग या डिजाइनिंग ऑफ स्वैप। आपको डेटा दिया होता है और आपको बोला जाता है कि स्वैप में कॉस्ट इतनी है और उसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा स्वैप में वो दोनों पार्टीज में एक पर्टिकुलर रेशियो में बांटा जाएगा, और अब आप स्वैप फ्रेम करके बताओ। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले आप स्वैप में नेट बेनिफिट पता करो। वो कैसे निकालोगे? फिक्स रेट के बीच का डिफरेंस दोनों पार्टीज़ की, दोनों पार्टीज़ की फ्लोटिंग रेट के बीच का डिफरेंस वो निकाल लो। दोनों पार्टीज़ की फिक्स रेट का डिफरेंस, दोनों पार्टीज़ की फ्लोटिंग रेट का डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस कर दो, तो आ जाएगा आपका मैक्सिमम बेनिफिट इन स्वैप या ग्रॉस बेनिफिट। इसमें से आप माइनस कर दो स्वैप की कॉस्ट, तो आपका आ जाएगा नेट बेनिफिट। क्या आ जाएगा? नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट आ गया, इस नेट बेनिफिट को दोनों पार्टीज में बांट दो, जो भी रेशियो आपको गिवन है, जो भी रेशियो गिवन है उस रेशियो में दोनों पार्टीज में इस नेट बेनिफिट को आप बांट दो। नेट बेनिफिट को बांटने के बाद आप स्वैप बनाना चालू करेंगे। अगर क्वेश्चन में एक साइड का पेमेंट दे रखा है, देखो अपना जो ये चार्ट बनता है, इस चार्ट में दोनों पार्टीज एक तो लैंडर को कुछ पे करती हैं, फिर स्वैप बैंक को कुछ पे करती हैं दोनों पार्टीज, और स्वैप बैंक दोनों पार्टीज को कुछ पे करता है। तो चार्ट में हो सकता है कि ए लिमिटेड का आपको बता रखा हो लैंडर को कुछ देगा, स्वैप बैंक को ये देगा और स्वैप बैंक बी को ले जाकर ये दे देगा। मतलब एक साइड का ट्रांजेक्शन पूरा गिवन है, दूसरी साइड का ट्रांजेक्शन आपको बताना है तो वो आप बताओ, या फिर क्वेश्चन में दोनों साइड के ट्रांजेक्शन गिवन ही नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर एक साइड का ट्रांजेक्शन गिवन है ना तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अपन प्रोसीड कर लेंगे। लेकिन अगर दोनों साइड के ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, दोनों साइड में तो कोई भी एक भी ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम एक साइड अज्यूम कर लेंगे, एक साइड कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने केस में कुछ भी ट्रांजेक्शन गिवन नहीं है एक साइड का, तो अपन अज्यूम कर लेंगे ए लिमिटेड को जैसे फ्लोटिंग रेट लोन चाहिए, तो हम अज्यूम कर लेंगे ए फिक्स लोन लेगा और स्वैप बैंक को ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा कौन सी, जो बी के लिए एप्लीकेबल है, और स्वैप बैंक ले जाकर वो एग्जैक्टली बी को पे कर देगा। तो देखो ए को फ्लोटिंग चाहिए, ए ने 7% पे फिक्स लिया और ए को फ्लोटिंग चाहिए, तो ये स्वैप बैंक को कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा जो बी के लिए फ्लोटिंग में एप्लीकेबल है, एल प्लस 0.75, और स्वैप बैंक ले जाकर ये बी को दे देगा। बस अब हमें इस ट्रांजेक्शन में दो चीज़ पता करनी है कि बी स्वैप बैंक को कितना पे करेगा और स्वैप बैंक ले जाकर ए को कितना देगा, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो वो कैसे पता करेंगे? देखो ए को कौन सा चाहिए? फ्लोटिंग रेट लोन। ए अगर फ्लोटिंग रेट लोन डायरेक्टली लेता तो कितने का मिलता है? एल प्लस 0.2%। ठीक है, अब ए को नेट बेनिफिट कितना मिलना चाहिए, जो स्टेप नंबर टू में अपन ने निकाला था 0.45%। तो मार्केट से 0.45% सस्ता मिलना चाहिए ना, तो मार्केट में लेगा तो एल प्लस 0.2 मिलेगा, इसमें तो माइनस कर देता हूँ मैं 0.45%, तो इसको कितने की रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़नी चाहिए स्वैप के अंदर, एल माइनस 0.25। स्वैप की कॉस्ट हमें पता चल गई, स्वैप की कॉस्ट के तीन कॉम्पोनेंट होते हैं, पे टू लेंडर, पे टू स्वैप बैंक, रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक। ए स्वैप बैंक को कितना पे करेगा अपने को पता है, एल प्लस 0.75। ए लेंडर को कितना पे करेगा 7%, ये अपने को पता है, लेकिन रिसीव फ्रॉम स्वैप बैंक अपने को पता नहीं, ये हम नेट करके निकाल लेंगे। सिंपल सा है, पता चल गया। ऐसे बी लिमिटेड का पता कर लेंगे और लास्ट में देख लेंगे स्वैप बैंक को कितना बेनिफिट हो रहा है। स्वैप बैंक का बेनिफिट इसमें आ रहा है 0.05%। यहाँ से आपको पता भी चल जाएगा आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। 0.05% हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी कॉस्ट ऑफ स्वैप, अगर इसे मैच कर जाता है तो सही है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ स्वैप वही चीज़ होती है जो स्वैप बैंक को बेनिफिट होगा। बस ये मैच कर गया, यानी आपने जो भी कैलकुलेशन करी है वो सही है। ये आपका इंटरेस्ट रेट स्वैप कंप्लीट हो गया। इसके बाद है करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप में सेम वही है, बस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की जगह हम करेंसी को स्वैप कर लेते हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा एग्जांपल के साथ। सेम वैसे ही सॉल्यूशन होगा जैसा आप इंटरेस्ट रेट स्वैप को करते हो। इसमें भी दो चीज़ें पूछी जा सकती है, स्वैप बेनिफिशियल है या नहीं, या फिर डिजाइनिंग ऑफ स्वैप का। आपको सारे प्रोसीजर वही लगाने हैं करेंसी स्वैप और कॉम्बाइंड स्वैप में जो आपने इंटरेस्ट रेट स्वैप में लगाई थी, एक्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो करने हैं। और माइंड में बस यही मान के चलो, एक करेंसी सपोर्ट डॉलर दे रखी है, एक रुपीज़ दे रखी है, तो डॉलर को आपने फिक्स रेट लोन मान के चलो, रुपीज़ को फ्लोटिंग रेट लोन, या डॉलर को फ्लोटिंग, रुपीज़ को फिक्स। मतलब इनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो जैसा इंटरेस्ट रेट स्वैप में सोचते हो, बिल्कुल सेम सॉल्यूशन होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। इसके बाद कुछ और तरीके के स्वैप्स होते हैं इनके नेचर के बेसिस पर। तो देखो ये कौन कौन से स्वैप्स हैं, दो हैं, प्लेन वनीला स्वैप, जेनरिक स्वैप, ऑल इन कोर स्वैप।
एक ये होता है, दूसरा होता है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, प्लेन वनीला, जेंडिक, ऑल इन कॉस्ट, ये तीनों स्वैप एक ही होते हैं, ठीक है। इनके अलग अलग नाम है, प्लेन वनीला का ही एक नाम है जेंडिक और एक नाम है ऑल इन कॉस्ट। इसमें क्या होता है, ये स्वैप में ये अज्यूम किया जाता है कि एक साल में 360 दिन होते हैं। AIC ऑल इन कॉस्ट इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है फिक्स इंटरेस्ट रेट, ये स्वैप का नाम ही फिक्स इंटरेस्ट रेट स्वैप है, तो इसका मतलब है कि ये स्वैप बनाया किन लोगों के लिए गया है, फिक्स इंटरेस्ट पेयर के लिए। तो जो फिक्स इंटरेस्ट पेयर है इस स्वैप में, वो किस अकॉर्डिंग पेमेंट करेगा, वो ये मानते हुए पेमेंट करेगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं। फिक्स इंटरेस्ट पेयर हमेशा इस स्वैप में ये अज्यूम करेगा कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, चाहे फरवरी महीना हो, चाहे अगस्त हो, चाहे जुलाई हो, सब मंथ में 30 दिन होते हैं। तो इसका इंटरेस्ट कहते पता चलेंगे, एन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय फिक्स इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय डेज ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 360। फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेयर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर इंटरेस्ट पे करता है इस स्वैप के अंदर, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। इसके बाद ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप क्या होता है, सेम टू सेम प्लेन वनीला स्वैप जैसा ही है, बस एक एक्स्ट्रा फीचर है, जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेयर है ना उसको इंटरेस्ट डेली बेसिस पर कंपाउंड करके पे करना पड़ता है। आज जो इंटरेस्ट है उस पर कल इंटरेस्ट लगेगा, फिर कल वाले पर वापस इंटरेस्ट लगेगा, यानी डेली बेसिस पर इसमें कंपाउंडिंग और होगी फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेयर के लिए। फिक्स इंटरेस्ट पेयर पर कंपाउंडिंग नहीं होगी, सिर्फ फ्लोटिंग इंटरेस्ट पेयर पर कंपाउंडिंग होगी। तो फ्लोटिंग वाले को ओवरनाइट बेसिस पर कंपाउंडिंग और पे करनी पड़ती है, इसलिए इसका नाम है ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप। चलिए इसके बाद एक फॉरवर्ड रेट का कंसेप्ट होता है, ज़्यादा काम का नहीं है। इसका क्या मतलब है, हर साल के डिस्काउंटिंग रेट अलग होना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए डेटा दे रखो तो आप कैसे पता करोगे, पहले फर्स्ट ईयर की फॉरवर्ड रेट पता करो, फर्स्ट ईयर के डेटा से, फिर सेकंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की, इस तरीके से आपको पता करनी होती है। यह आपका हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट रिविजन। अब अपन करते हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर का रिविजन। इसके बाद अपन करेंगे पोर्टफोलियो चैप्टर का रिविजन, फिर मर्जर एक्विजिशन का कर लेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यू म्यूचुअल फंड, फिर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, फिर मर्जर एक्विजिशन, इस तरीके से अपन रिविजन करते हुए चलेंगे। मैकोलेस ड्यूरेशन क्या है, मैकोलेस ड्यूरेशन अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन के चैप्टर में। आप बस मुझे दो मिनट दो, दो मिनट में मैं वापस से आता हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ाई कर लीजिए अपनी, या फिर ये आपके सामने नोट्स ओपन हैं इनमें तो कुछ आपको देखना हो वो देख लीजिए, बस दो मिनट मुझे दीजिए एक बार। चलिए अब देखो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर कंप्लीटली प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक के ऊपर बेस है। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक आपको आनी चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1+r की पावर t, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू होता है। आपको अलग अलग कैश फ्लो दे रखे हैं, आप हर साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, पी वी आ जाएगी। आपको सेम कैश फ्लो मिलने वाले हैं रेस्पेक्टिव 5 साल के लिए, तो पी वी फैक्टर ऑफ एन्यूटी से मल्टीप्लाई करो, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आपको फोर एवर एक फिक्स कैश फ्लो मिलेगा जिंदगी भर, तो आपको पीवी निकालना कैसा होता है, एनुअल कैश फ्लो फोर एवर डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग रेट। आपको बोला हुआ हो कि 3 साल तक एक आपको अलग अलग कैश फ्लो मिलेगा, मल्टीप्लाई करो रेस्पेक्टिव ईयर के पीवी फैक्टर से, पीवी आ जाएगा। लेकिन फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जिंदगी भर एक फिक्स कैश फ्लो मिलेगा, फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो जिंदगी भर मिलेगा उसको डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट करोगे तो आपका पीवी हो जाएगा। वो पीवी कब का आएगा, थर्ड ईयर एंड का, थर्ड ईयर एंड का जो पीवी आएगा तो थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 टाइम की आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, और सारी प्रेजेंट वैल्यू उसका टोटल कर दोगे तो अनइवन कैश फ्लो
इस केस में भी पीवी हो जाएगा। इसके बाद एक और केस हो सकता है, आपको अनइवन कैश फ्लो दे रखो अलग अलग टाइम पीरियड का, और आपको बोला हो कि कैश फ्लो जो ग्रो होगा एक फिक्स रेट से होगा उसके बाद जिंदगी भर के लिए। तो 3 साल के लिए आपको कैश फ्लो दे दिए, बोला चौथे साल से जो कैश फ्लो है वो हर साल 8% से ग्रो होगा। 3 साल का जो कैश फ्लो है उसको पीवी करोगे 3 साल के पीवी फैक्टर से रेस्पेक्टिव। इसके बाद फोर्थ ईयर का कैश फ्लो कैसे निकालोगे, थर्ड ईयर के कैश फ्लो में ग्रोथ ऐड करो, डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट, डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। तो ये आएगा आपका फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो कैश फ्लो मिलेगा उसका पीवी। ये क्या आएगी आपकी थर्ड ईयर के एंड की टर्मिनल वैल्यू, इसका पीवी कर लो आप थर्ड ईयर के पीवी फैक्टर से, तो ये आ जाएगा आपका टोटल पीवी। इसके बाद आपको इसी तरीके से बोला जा सकता है 3 साल तक कुछ कैश फ्लो मिलेगा, उसके बाद जिंदगी भर कैश फ्लो एक पर्टिकुलर रेट से कम होता चला जाएगा, डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो इसमें हम कैसे करेंगे, वही 3 साल के कैश फ्लो को तो नॉर्मल पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो जिंदगी भर मिलेगा फोर्थ ईयर का कैश फ्लो निकालो, थर्ड ईयर के कैश फ्लो में ग्रोथ रेट माइनस करके डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग रेट प्लस ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में ऑलरेडी, ठीक है। चलिए इसके बाद अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, रिक्वायर्ड रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ये होती है रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम, आरएफ प्लस बीटा, आरएम माइनस आरएफ, सीएपीएम मॉडल से जो हम निकालते हैं। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर अर्निंग यील्ड, इसका क्या मतलब है, ईपीएस डिवाइडेड बाय बीबीपीएस मल्टीप्लाई बाय 100, या फिर टोटल वैल्यू में निकालूँ तो ईपीएस की टोटल वैल्यू को अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स का ईपीएस निकालूँ तो, यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड बाय बीबीपीएस को अगर मैं टोटल बोलूँ तो टोटल कैसे निकलेगा, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को हम दूसरा नाम देते हैं नेटवर्थ। ये होती है आपकी आरओई। EPS और डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो से क्या रिलेशन होता है, EPS में से अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर दोगे तो आपकी रिटेन अर्निंग आ जाएगी, या फिर EPS में से आप रिटेंशन रेशियो माइनस कर दोगे तो आपका डिविडेंड आ जाएगा। यानी डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो का टोटल जो होता है वो EPS के बराबर होता है, यानी वो 1 होता है। तो 1 में से अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस कर दोगे तो रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, 1 में से रिटेंशन रेशियो माइनस कर दोगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आ जाएगा। डिविडेंड अगर आपको क्वेश्चन में वर्डिंग दे रखी है डिविडेंड 10%, तो आपको अज्यूम करना है वो फेस वैल्यू पर है। आपको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड दे रखी है आपको वर्डिंग डिविडेंड यील्ड, तो वो मार्केट वैल्यू के ऊपर है, और आपको क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट की परसेंटेज दे दे तो यानी वो अर्निंग्स के ऊपर है। पी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एमपीए डिवाइडेड बाय ईपीएस। कई बार जो आरओई है आरओई हम कैसे निकाले थे, ईपीए डिवाइडेड बाय बीबीपीएस, पर कई बार आरओई जो होती है ना वो एमपीएस मार्केट प्राइस के ऊपर भी निकाली जाती है, कई बार आरओई क्या होती है मार्केट प्राइस के बेसिस पर भी निकाली जाती है। तो उसके में फॉर्मूला क्या बनेगा, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। इस फॉर्मूला को थोड़ा याद करो, पी रेशियो का भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है, बस वो उल्टा होता है इसका, एमपीए डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी पी रेशियो आरओई का रिवर्स होता है, पी रेशियो आरओई का रिवर्स होता है। तो पी रेशियो इक्वल टू 1+1 डिवाइडेड बाय आरओई, ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया जो किसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में काम में आ सकता है। चलिए अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट समझना है वो देखो, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, 3 मॉडल अपने पास, डिविडेंड बेस मॉडल, अर्निंग मॉडल, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल। डिविडेंड बेस मॉडल में देखो, आप सिर्फ 1 साल की होल्डिंग करने वाले हो तो जो D1 होगा उसको पीवी कर दो, प्लस P1 को आप पीवी कर दो। पीवी किसे करेंगे, रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप बोल सकते हो। डिविडेंड से रिलेटेड कुछ अजम्पशंस आपको लेनी पड़ेगी, D0 और D1। आपको क्या चाहिए फॉर्मूला में, D1। D1 का मतलब होता है फर्स्ट ईयर एंड का डिविडेंड, D0 का मतलब 0 टाइम का डिविडेंड। तो क्वेश्चन में आपको D0 D1 वर्डिंग दे, आप वैसा यूज में ले लो। D0 दे रखा है तो उसमें ग्रोथ ऐड कर दोगे तो D1 आ जाएगा, और D1 दे रखा है तो वो यूज में ले लोगे। लेकिन क्वेश्चन में आपको बता नहीं रखा D0 है कि D1, तो आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी। D0 कैसे पता चलेगा, आपको डिविडेंड पेड या डिविडेंड पेड वर्डिंग दिखे तो D0, टू बी पेड एक्सपेक्टेड डिविडेंड या करंट डिविडेंड या प्रेजेंट डिविडेंड वर्डिंग दिखे तो D1 है। आपको कई बार क्या हो सकता है, डिविडेंड यील्ड परसेंटेज दे रखी है तो वो कैसे निकालोगे, डिविडेंड एमपीएस को मल्टीप्लाई कर, एमपीएस में से डिविडेंड यील्ड को मल्टीप्लाई कर। तो जो डिविडेंड आएगा वो D0 का कि D1, ऐसे की अजम्पशन होती है वो D1 होता है। आपको डिविडेंड पे आउट दे रखा है क्वेश्चन में तो वो कैसे आएगा, डिविडेंड ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो डिविडेंड पे आउट से, तो D0 आएगा कि D1, ऐसे की अजम्पशन होती है D1 आएगा। अब आपको आपको वैल्यूएशन करना है इक्विटी शेयर्स का जब आप उनको जिंदगी भर के लिए होल्ड करोगे, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा, कैश फ्लो जिंदगी भर मिलेगा, कैश फ्लो क्या होता है यहाँ पे डिविडेंड, तो D1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग रेट जो कि अपनी है KE, ग्रोथ रेट अगर कुछ भी ना हो। हो सकता है क्वेश्चन में आपको KE दे रखी हो, D1 दे रखो, P0 निकालना पड़े तो ऐसे निकालोगे, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में D1 और P0 दे रखो, प्राइस दे रखी हो, आपको KE निकालनी हो तो KE भी निकाल सकते हो। KE कैसे आ जाएगी, D1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100। इसके बाद एक और केस हो सकता है, आपकी जो ग्रोथ रेट है वो जिंदगी भर आपको डिविडेंड मिलेगा जिंदगी भर, साथ में उसमें 5% की ग्रोथ रेट भी मिलेगी, तो P0 कैसे आएगी, D1 डिवाइडेड बाई डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। और KE निकालनी हो तो D1 डिवाइडेड बाई P0 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट।
अब दूसरा क्या होता है, वेरिएबल ग्रोथ रेट, टू स्टेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल अप्लाई होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, आपको बोला स्टार्टिंग के 5 ईयर 7-7% रहेगी ग्रोथ रेट, और उसके बाद जिंदगी भर 10% ग्रोथ रेट रहेगी। तो पहले 5 साल 7% की ग्रोथ रेट से डिविडेंड पता करो, उसका पीवी कर लो, और उसके बाद जिंदगी भर जो आपको ग्रोथ रेट कितनी मिलने वाली है 10%, उससे डिविडेंड पता करो उससे अगले ईयर का, उसको पीवी करो डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट 10% वाली से, और मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी टर्मिनल वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लाओ और पीवी कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पीवी फैक्टर ऑफ जिस भी ईयर का, अपने एग्जांपल में 5th ईयर के बाद मिलने वाली है, तो ये वैल्यू कब की आएगी, 5th ईयर के एंड की, तो 5th ईयर के एंड के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो सकता है। या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, आपको स्टार्टिंग के 5 साल बता दिया 7% ग्रोथ रेट रहेगी और उसके अकॉर्डिंग ये डिविडेंड है, और 5th ईयर के एंड में एक प्राइस आपको बता देगा। प्राइस का क्या मतलब, आपको डायरेक्ट टर्मिनल वैल्यू दे देगा, 350 रुपये की टर्मिनल वैल्यू है, उसका पीवी कर लो बस, आपको ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी। इसके बाद टू स्टेट डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हो सकता है आपको के ही निकालनी पड़े, तो इधर आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा देना, ये ज़्यादा काम का नहीं है, इसको स्किप करते हैं। इसके बाद अर्निंग बेस्ड मॉडल, अर्निंग बेस्ड मॉडल से भी आप डिविडेंड वैल्यू निकाल सकते हो। ये कैसे सॉरी शेयर की वैल्यू निकाल सकते हो। अर्निंग बेस्ड मॉडल में क्या है, डिविडेंड बेस्ड मॉडल में डिविडेंड को यूज में ले रहे थे, यहाँ डिविडेंड की जगह ईपीएस यूज में ले लेंगे, ईपीएस और फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। पी मल्टीपल अप्रोच, पी अप्रोच से भी आप शेयर की प्राइस निकाल सकते हो। पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी रेशियो का, एमपीएस डिवाइडेड बाई ईपीएस। तो एमपीएस कैसे निकलेगी, एमपीएस ही तो है शेयर की प्राइस, वो कैसे निकाल सकते हो, पी रेशियो मल्टीप्लाई बाई ईपीएस। एक और फॉर्मूला होता है एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड यील्ड अप्रोच मेथड। इस मेथड में कैसे निकालोगे, एक्चुअल यील्ड परसेंटेज डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड यील्ड, एक्चुअल डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड, एक्चुअल एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई बाई पेड वैल्यू ऑफ शेयर, मल्टीप्लाई बाई पेड वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअल यील्ड कैसे निकालोगे, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, यील्ड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाई 100। एक्सपेक्टेड यील्ड कैसे निकालोगे, नॉर्मल मार्केट में रिटर्न प्लस माइनस रिस्क प्रीमियम, नॉर्मल मार्केट में रिटर्न प्लस माइनस रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम कैसे पता चलेगा, हमारी रिस्क ज़्यादा होगी तो रिस्क प्रीमियम को ऐड करेंगे, हमारी रिस्क कम है मार्केट के कंपैरिजन में तो रिस्क प्रीमियम को लेस करेंगे। रिस्क प्रीमियम कैसे पता करेंगे, कुछ रेशियोज़ के बेसिस पर, जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरा मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी मेरे अंदर रिस्क कम है, यानी मेरा बेनिफिशियल है, यानी रिस्क प्रीमियम माइनस होगा। ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये कैसे निकलता है, पैट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, यानी मार्केट से अगर मेरा ज़्यादा आ रहा है तो यानी मेरे में रिस्क कम है, यानी रिस्क प्रीमियम माइनस होगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये क्या होता है, डिवेंचर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये जितना ज़्यादा होगा उतना बुरा होता है, यानी मार्केट के कंपेरिजन में अगर ये मेरा ज़्यादा है तो मेरे में रिस्क प्रीमियम ऐड होगा, ज़्यादा है मेरा रिस्क प्रीमियम। इसके बाद गॉर्डन्स मॉडल, इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला होता है ईपीएस ऑफ फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय 1 - b डिवाइडेड बाय के माइनस बी आर। यहाँ पर फॉर्मूला में बस दो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होंगी, बी और आर। बी का मतलब होता है रिटेंशन रेशियो, आर का मतलब आरओई। सिंपल सा है, इस फॉर्मूला को अगर और एक्सपेंड करोगे तो डी1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी के बराबर बन जाएगा। चलिए वोल्टर्स मॉडल, वोल्टर्स मॉडल से पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला रट लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइडेड बाई के होल पूरे के पूरे को डिवाइड बाई के कर दो। तो डी का मतलब डिविडेंड, ई का मतलब ईपीएस, आर का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, के ई का मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, एक पूछ रहे हैं इक्वल्स मिस क्योर डिविडेंड डिक्लाइंस लीनियरली का क्या मतलब है। लीनियरली वर्ड अगर आपको कहीं भी कहीं पर भी दिखे, लीनियरली का मतलब होता है इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में। ठीक है, इक्वल रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बोला गया कि आज से 5 साल बाद डिविडेंड डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, और 5 साल बाद ये डिक्लाइन होगा इस तरीके से। 5 साल बाद सपोज 5वें साल डिविडेंड का पे आउट रेशियो है 5th ईयर के एंड तक पे आउट रेशियो 10%, और इसके बाद पे आउट रेशियो 8th ईयर में जाकर हो जाएगा 6%। 8th ईयर में जाकर हो जाएगा पे आउट रेशियो 6%, लेकिन हर साल डिक्लाइन होगा लीनियर रेशियो में, लीनियरली डिक्लाइन होगा। यानी 5th ईयर से 8th ईयर कितने साल हो गए, 3 साल। 3 साल में जाकर ये कितना होगा, 6%। कहाँ से, आज 10% है, 10 से ये 6 होगा, यानी 4% ये गिरेगा, 4% गिरेगा कितने में, 3 साल में। तो 4% डिवाइडेड बाई 3 कर दो, यानी हर साल इतना इतना आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो गिरता चला जाएगा। ठीक है, जब डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज होगा तो उस अकॉर्डिंग ले लेना। लीनियरली का मतलब होता है इक्वल रेशियो में, इक्वल रेशियो में। चलिए इसके बाद कैश फ्लो बेस मॉडल नेक्स्ट है। कैश फ्लो बेस मॉडल, कैश फ्लो बेस मॉडल के अंदर आप कैसे वैल्यू पता करोगे, तो कैश फ्लो आपको पहले पता करने पड़ेंगे फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो पता करने पड़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि हमें इक्विटी वालों की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें पूरी फर्म की वैल्यू निकालनी है तो फ्री कैश फ्लो हम फर्म के लिए पता करते हैं। तो अभी तो हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर कर रहे हैं, तो फ्री कैश फ्लो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स के पता करने हैं। FCFF हम कहाँ निकालेंगे, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर में हमें ये काम में आने वाले हैं। तो पहले FCFF समझ लेते हैं, ये क्या होते हैं, हमें तीनों लोगों के लिए डेट इक्विटी प्रेफरेंस, तीनों लोगों के लिए कंपनी के पास कितना कैश बचेगा सारे खर्चे वगैरह पे करने के बाद, तीनों लोगों के लिए वो पता करना है। तो
इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, डेप्रिसिएशन लेस करो, ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करो क्या? अगर सर इंटरेस्ट लेस कर दोगे तो डेट का पैसा कैसे बता पाओगे इसके लिए कितना है? तो इंटरेस्ट लेस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे हम डेट को भी ओनर मान रहे हैं, तो हम लेस डायरेक्ट करेंगे टैक्स ऑन ईबीआईटी। तो नो पैट आएगा, नो पैट में डेप्रिसिएशन वापस एडबैक करो क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस था। फिर हमें बताना है कि फाइनल कितना पैसा बचेगा कंपनी के पास। तो हो सकता है कंपनी फ्यूचर में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करे वो लेस कर दो, या कोई कैपिटल असेट बेचे तो ऐड कर दो, कोई नॉन कैश वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाए तो वो लेस कर दो, या नॉन कैश वर्किंग कैपिटल से पैसा कंपनी वापस निकाले तो ऐड कर दो। कैसे FCFF आ जाएगा, FCFF आ गया, इसको डिस्काउंट कर दोगे KO से, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपकी पूरी फर्म की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पता करनी है, तो हमें कैसे पता करेंगे हम? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना कैश फ्लो है वो पता करो। इक्विटी शेयर होल्डर्स के कैश फ्लो को बोलेंगे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स FCFE। ये कैसे आएगा? इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, डेप्रिसिएशन लेस करो, ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट लेस करेगा बिल्कुल कर दो, सिर्फ हमें पता लगाना है इक्विटी के लिए कितना पैसा बचेगा बाकी सब लोगों को देने के बाद, तो इंटरेस्ट को भी लेस कर दो। फिर टैक्स लेस कर दो, ईएटी आ जाएगा। ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, प्रेफरेंस वालों का रीपेमेंट भी लेस कर दो, डेट का रीपेमेंट लेस कर दो, डेट का इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने लेस कर दिया, डेट का रीपेमेंट लेस करेंगे हम। ठीक है, अब अगर प्रेफरेंस और डेट्स से हमने कोई नया पैसा रेज किया है इशू करके तो वो ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन नॉन कैश था वो ऐड कर दो। चेंज इन फिक्स असेट या कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ऐड लेस कर दो। नॉन कैश वर्किंग कैपिटल का चेंज ऐड लेस कर दो। लेकिन डेप्रिसिएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, इन तीनों का जो चेंज होता है ये सिर्फ इक्विटी पोर्शन का कितना रेशियो है, कंपनी में इक्विटी का शेयर कितना है उतना ही हम ऐड लेस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है FCFE के अंदर। FCFE को आपको डिस्काउंट करना है KE से, क्योंकि कैश फ्लो किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो डिस्काउंटिंग रेट भी किसकी होगी? इक्विटी की। तो FCFE डिवाइडेड बाई KE माइनस GE आपकी आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए, ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ राइट्स, एक टॉपिक ये पूछा जाता है राइट का वैल्यूएशन कैसे करें, राइट इशू का। तो राइट इशू में आपसे तीन चीज़ें पूछी जा सकती है। पहली चीज़, थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस, आप बताओ थियोरेटिकल एक्सराइट वैल्यू वो कैसे निकालोगे? एक्जिस्टिंग मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस राइट इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ राइट शेयर डिवाइडेड बाय एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है वैल्यू पर राइट शेयर, ये कैसे पता लगाओगे? जिसे हम वैल्यू ऑफ राइट भी बोल सकते हैं, एक्सराइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस, एक्सराइट प्राइस माइनस राइट इशू प्राइस। यानी पहले आपको थियोरेटिकल एक्सराइट प्राइस निकालनी पड़ेगी, इसे राइट इशू प्राइस क्वेश्चन में दे रखी होगी वो लेस कर देना। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है थियोरेटिकल वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर, ये कैसे निकालोगे? राइट पर शेयर आपने निकाली, वैल्यू पर राइट शेयर, वैल्यू पर राइट शेयर आपने अभी अभी निकाली सेकंड स्टेप में, बोलो डिनोमिनेटर में आप ले नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर्ड टू बाय वन राइट शेयर, नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर रिक्वायर टू बाय वन राइट शेयर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने बोला चार शेयर जिनके पास होंगे उनको एक राइट शेयर मिलेगा, तो नंबर ऑफ ओरिजिनल शेयर कितने चाहिए एक राइट शेयर को बाय करने के लिए? चार। तो डिवाइड करेंगे चार से, वैल्यू ऑफ राइट सपोज मेरी 10 आई, 10 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी मेरी थियोरेटिकल वैल्यू पर ओरिजिनल शेयर। एक चीज़ और पूछी जाती है इसमें कि राइट इशू का इफेक्ट शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कैसे पड़ेगा, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे कैसे कितना इफेक्ट पड़ेगा राइट इशू का वो देखते हैं। अगर शेयर होल्डर राइट इशू को एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा आप बता दो, वैल्यू बिफोर राइट क्या थी शेयर होल्डर की, वैल्यू आफ्टर राइट क्या है? वैल्यू बिफोर राइट ओरिजिनल शेयर मल्टीप्लाई बाय एक्जिस्टिंग ईपीएस, वैल्यू आफ्टर राइट क्या है? उसने राइट शेयर खरीद लिए होंगे तो टोटल शेयर्स इंक्लूडिंग राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स राइट प्राइस माइनस शेयर खरीदने के लिए पेमेंट किया होगा राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय राइट इशू प्राइस। अगर शेयर होल्डर राइट इशू को एक्सरसाइज ना करने के बजाय राइट इशू को किसी और को बेच देता है तो भी उसकी वेल्थ में कोई चेंज नहीं आएगा। वैल्यू बिफोर राइट पता कर लो, वैल्यू आफ्टर राइट पता कर लो। इसके बाद तीसरा केस होता है शेयर होल्डर राइट इशू को इग्नोर कर देता है तो उसकी वेल्थ डिक्लाइन होती है। वैल्यू बिफोर राइट पता कर लेना, इसमें भी वैल्यू आफ्टर राइट पता कर लेना, आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा, वेरिफिकेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? फालतू है ये, रिडीमेबल हों तो एक पर्टिकुलर टाइम तक डिविडेंड मिलेगा, जब वो रिडीम होंगे तो रिडम्शन वैल्यू भी मिलेगी उनका, पी भी कर लो। इस रिडीमेबल है तो जिंदगी भर डिविडेंड मिलेगा उसका पी भी कर लो। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर बॉन्ड कैसे होगा? इस रिडीमेबल है तो आपको क्या होगा, जिंदगी भर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय YTM या फिर कॉस्ट ऑफ डेट KD। ठीक है, अगर YTM पता करनी हो तो इंटरेस्ट वन माइनस टी डिवाइडेड बाई इंट्रेंसिक वैल्यू। YTM जो आप पता करोगे रिडीमेबल के किसमें से, करंट यील्ड भी बोला जाता है। इंट्रेंसिक IV0 का मतलब है इंट्रेंसिक वैल्यू बोल दो या मार्केट प्राइस बोल दो, कोटेड प्राइस बोल दो, करंट प्राइस बोल दो, सब एक बात है। YTM यील्ड टू मैच्योरिटी बोल दो, ऑनगोइंग इंटरेस्ट रेट बोल दो, सिमिलर इंटरेस्ट रेट इन मार्केट बोल दो, रिक्वायर्ड रेट बोल दो, एक ही बात है। और कूपन रेट इंटरेस्ट रेट को हम इंटरेस्ट बोल रहे हैं। रिडीमेबल डिवेंचर्स हो तो कैसे निकालेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम तक इंटरेस्ट मिलेगा उसका पे भी कर लो वन माइनस टैक्स करने के बाद, और मैच्योरिटी पर रिडम्शन वैल्यू मिलेगी उसका पे भी कर लो। इस केस में आपसे अगर YTM पूछी जाए तो कैसे निकालोगे? एक तो वही ट्रायल एंड एरर मेथड से, दूसरा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपके सामने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाले तो इंटरेस्ट वन माइनस टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय टू। रिडीमेबल वैल्यू जो रिडम्शन पे कंपनी को पे करना है, नेट प्रोसीड जीरो टाइम पर कंपनी को इशू करने पर कितना पैसा मिला, और एन का मतलब है इन डिबेंचर्स का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है अभी। बस
और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस में रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में आपको YTM निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, I1 - T प्लस नेट रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय नेट रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। नेट रिडीमेबल वैल्यू का मतलब क्या है, इन्वेस्टर को मैच्योरिटी पे रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी, लेकिन रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी यानी इन्वेस्टर क्या कर रहा है, डिबेंचर को बेचेगा मैच्योरिटी पर, बेचेगा यानी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो रिडीमेबल वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स हटा दोगे तो नेट रिडीमेबल वैल्यू आ जाएगी। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या, जीरो टाइम पे जो इन्वेस्टर पैसा पे करेगा कंपनी को वो है नेट इन्वेस्टमेंट। कुछ और चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बॉन्ड वैल्यूएशन से रिलेटेड। YTM का मतलब होता है ऐसे डिस्काउंटिंग रेट जिस पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकल के आएगी वो करंट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए, वो होती है YTM। क्वेश्चन के पर्पज से अगर फेस वैल्यू डिवेंचर या बॉन्ड के क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसे 100 अज्यूम कर लेना। क्वेश्चन के पर्पज से अगर आपको क्वेश्चन में डिवेंचर या बॉन्ड की रिडम्पशन वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसको फेस वैल्यू के बराबर मानना, फेस वैल्यू भी गिवन नहीं है तो उसे 100 के बराबर मानोगे तो उस केस में रिडम्पशन वैल्यू भी 100 हो जाएगी। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डिबेंचर या बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली पे होता है, तो ऐसे केस में आपको जब पीवी करना है तो आप ईयर्स को हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर लो, इंटरेस्ट रेट को हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट कर लो, पीवी जो रेट है आपकी YTM रेट डिस्काउंटिंग रेट उसको भी हाफ ईयरली रेट में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व करो, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्वार्टरली बोले कुछ भी बोले आप इस तरीके से कर लीजिएगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में आपको दे रखा हूँ पीवी रेट या YTM की रेट है वो हर साल की अलग अलग है, तो वहाँ पे फॉरवर्ड रेट वाला कंसेप्ट लगा देना जो भी अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में देखा था। फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को फर्स्ट ईयर के YTM से पीवी कर लो, सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में कैसे करोगे, पहले फर्स्ट ईयर की YTM से फिर सेकंड ईयर की YTM से, थर्ड ईयर के इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर की YTM सेकंड ईयर की YTM थर्ड ईयर की YTM। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, 1%। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट विल बी 700 बेसिस पॉइंट्स यानी 7%। अगर आपके कुछ डेटा ऐसे निकल के आ रहा है 170 डिवाइडेड बाय 90 की पावर 1/10 यानी पावर 1/10 में इसे कैसे सॉल्व करें, तो कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है तो क्या करो, पहले तो जो बेस है 170 डिवाइडेड बाय 90 इसको सॉल्व करो, 170 डिवाइडेड बाय 90 करो नॉर्मली 1.88 कुछ आएगा, अंडर रूट करो 13 टाइम्स, ठीक है आप चाहो तो 12 टाइम्स भी कर सकते हो, बाकी मोर एक्यूरेट आंसर के लिए 13 टाइम्स करना है, अंडर रूट करो 13 टाइम्स, इसमें से 1 को माइनस करो पावर में जो है उसे डिवाइड करो, पावर में कितना था 10 डिवाइड बाय 10 करो, प्लस 1 करो जो हमने 1 माइनस किया था ना उसको आप 1 वापस से प्लस कर दो, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस करो 13 टाइम्स, हमने अंडर रूट 13 टाइम्स किया था तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू भी 13 टाइम्स होगा। एक दो स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि सर आपने उधर 13 टाइम्स करवा दिया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वो 12 टाइम्स होना चाहिए, वहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आपने अंडर रूट भी 12 टाइम्स किया तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 12 टाइम्स होगा, अंडर रूट 13 टाइम्स किया तो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 13 टाइम्स होगा। मोर एक्यूरेट आंसर लाने के लिए ऐसे एग्जैक्ट आंसर मिलाने के लिए आपको 13 टाइम्स कर लेना चाहिए, ये फालतू है। इसके बाद वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू कैसे पता करेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, मैच्योरिटी पे एक डायरेक्ट वैल्यू मिलती है उसका पीवी कर लो आ जाएगी। ट्रेजरी बिल्स में YTM कैसे पता करोगे, ट्रेजरी बिल्स शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका पीरियड एक साल से कम का होता है, ठीक है इनमें क्या होता है कोई इंटरेस्ट होता नहीं है तो इनकी YTM आपसे पूछी जाती है, तो मैच्योरिटी पे ये रिडम्पशन होते हैं जब फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं माइनस इशू प्राइस डिवाइडेड बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना इसकी YTM आ जाएगी। फिर बॉन्ड की वैल्यू रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच से निकालना, इसका मतलब क्या होता है हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हम हर साल ना लेकर जब बॉन्ड मैच्योर होगा तब लेंगे, तो टोटल इंटरेस्ट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू एक साथ मिलेगी कब, जब बॉन्ड मैच्योर होगा सपोज वो फिफ्थ ईयर के एंड में होगा तो फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर से पीवी कर लो, ये होती है वैल्यू ऑफ बॉन्ड अंडर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड जिसे मैकोलेस ड्यूरेशन भी बोलते हैं ये क्या चीज़ है, अब देखो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड या मैकोलेस ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है कि हमें बॉन्ड में जो हमने पैसा लगाया था उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। आप किसी भी चीज़ में पैसा जब लगाते हो, किसी भी चीज़ में जब आप पैसा लगाते हो तो आप उससे ज़्यादा रिकवर करने का सोचते हो, मैं अगर कोई बॉन्ड खरीदता हूँ 1000 रुपये में तो मैं कब खरीदता हूँ जब मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा पैसा मिलेगा, बस मुझे ये पता करना है सपोज इस बॉन्ड की लाइफ है 10 ईयर्स तो मुझे ये पता करना है जो 1000 रुपये मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है वो कब रिकवर होंगे, वो कितने टाइम में रिकवर होंगे, उसे बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। ये कैसे पता करोगे, हर साल का एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आपको दे रखा होगा, इनकी आप प्रेजेंट वैल्यू कर लो, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड आ जाती है, लेकिन आपको क्या करना है ये जो हर साल के कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आपने करी इसका वेट कर लो, प्रेजेंट वैल्यू का वेट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फर्स्ट ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो सेकंड ईयर डिवाइडेड बाय टोटल पीवी, हर साल का वेट कर लिया आपने प्रेजेंट वैल्यू का, इस वेट को हर साल के वेट को रेस्पेक्टिव ईयर से मल्टीप्लाई करते जाओ, फर्स्ट ईयर के वेट को 1 से, सेकंड ईयर के वेट को 2 से, थर्ड ईयर के वेट को 3 से, इस तरीके से करते जाओ, इसका टोटल कर लो, आपके पास ड्यूरेशन आ जाएगी, बॉन्ड की ड्यूरेशन कितनी आपको पता चल जाएगी। चलिए इसके बाद होता है वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड जिसे मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी बोला जाता है, ये क्या बताती है कि अगर यील्ड रेट YTM की रेट अगर चेंज हो जाए एक पर्टिकुलर परसेंटेज से बॉन्ड में कितना, बॉन्ड की ड्यूरेशन में कितना फर्क पड़ेगा। देखो
ड्यूरेशन किस पे डिपेंड करती है, YTM पर। क्यों? YTM क्या करती है, PV करने में हेल्प करती है। तो YTM चेंज होगी तो PV चेंज होगा, PV चेंज होगा तो ड्यूरेशन चेंज होगी। सपोज अभी 10% की YTM पे मैंने 5 ईयर्स की ड्यूरेशन पता करी, अभी YTM मेरी 15% होगी, तो मैं वापस इतनी सारी कैलकुलेशन करूँ? नहीं, उसके लिए एक शॉर्टकट है, वोलेटिलिटी पता कर लो, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ड्यूरेशन में कितना चेंज आया है। तो वोलेटिलिटी कैसे पता होती है, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1+YTM, ड्यूरेशन डिवाइडेड बाई 1+YTM। वोलेटिलिटी साथ में ये भी बता सकती है कि YTM चेंज होने की वजह से बॉन्ड की मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया है। वो कैसे पता करोगे, चेंज इन मार्केट प्राइस कैसे पता करोगे, करंट मार्केट प्राइस कितनी है मल्टीप्लाई बाय YTM में कितना चेंज आया मल्टीप्लाई बाय वोलेटिलिटी डिवाइडेड बाय 100। वोलेटिलिटी को डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि वोलेटिलिटी परसेंटेज में होती है। चलिए, अब हमें पता तो चल गया मार्केट प्राइस में चेंज आ गया 100 रुपये का, सपोज इस कैलकुलेशन से पता चल गया। लेकिन चेंज कैसा है, पॉजिटिव चेंज है नेगेटिव, यानी मार्केट प्राइस बढ़ी है कि गिरी है। YTM अगर बढ़ी है तो मार्केट प्राइस गिरी होगी, YTM गिरी है तो मार्केट प्राइस बढ़ी होगी, आपको पता होता है, तो बस आप अकॉर्डिंगली देख लेना। इसके बाद होता है कॉन्वेक्सिटी एडजस्टमेंट, एक टॉपिक। कॉन्वेक्सिटी क्या है, वोलेटिलिटी से एक्यूरेटली नहीं पता चल पाता कि YTM में इतना चेंज आने की वजह से मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया, तो उसके लिए कॉन्वेक्सिटी का एक टॉपिक आया। कॉन्वेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस 2V0 डिवाइडेड बाई 2V0 डेल्टा वाई स्क्वायर। इसका क्या मतलब है सर, वी प्लस का मतलब है कि YTM को अगर हम एक पर्टिकुलर परसेंटेज दे, सपोज अभी की YTM है 10%, तो 10% पे जो वैल्यू निकालूंगा मैं बॉन्ड की वो होती है V0। अब मैंने सपोज YTM 1% से बढ़ाई 11%, उस पर जो वैल्यू निकाली बॉन्ड की वो है वी प्लस। मैंने 1% से वैल्यू YTM को माइनस किया, 10 माइनस 1 किया 9%, 9% पर बॉन्ड की जो वैल्यू निकाली वो है वी माइनस। तो ये सारा डेटा क्वेश्चन में रखो, आपकी कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी। अब कॉन्वेक्सिटी से अब आपको पता करना है कि एक नई YTM पे बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितनी है। सपोज YTM हो गई 15%, तो बॉन्ड की आपको मार्केट प्राइस पता करनी है। कॉन्वेक्सिटी रखो जो भी आपकी आई, मल्टीप्लाई बाय YTM में चेंज कितना आया, 10% थी अब कितनी होगी 15%, 5%, 5% का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, आपको मार्केट प्राइस बदल जाएगी बॉन्ड की नई YTM के ऊपर। चलिए, इसके बाद कन्वर्टिबल डिवेंचर या बॉन्ड के केस में डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है हमें, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में डायरेक्टली। कन्वर्जन वैल्यू या स्टॉक वैल्यू बॉन्ड, ये कैसे पता करोगे, कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर। कन्वर्जन प्रीमियम आपसे पूछा जाए तो तीन तरीके से पूछा जा सकता है। कन्वर्जन प्रीमियम रुपीज में पूछा जाए तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन प्रीमियम अगर रुपीज पर इक्विटी शेयर में पूछा जाए तो वही मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू, तो ये आ गया टोटल रुपीज में। पर इक्विटी शेयर में करना है तो डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन प्रीमियम परसेंटेज में या रेशियो में पूछा जाए तो क्या करोगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय कन्वर्जन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमने किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। फिर कन्वर्जन पैरिटी प्राइस या मार्केट कन्वर्जन प्राइस पूछी जाए, कैसे निकालोगे, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर निकालना हो, कैसे निकालोगे, कूपन इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड माइनस डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेशियो डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो। प्रीमियम पेबैक पीरियड निकालना हो तो कन्वर्जन प्रीमियम पर शेयर डिवाइडेड बाय फेवरेबल इनकम डिफरेंशियल पर शेयर। स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालनी हो तो बॉन्ड के जो कैश फ्लो हैं उनको पीवी कर लो विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन इंटरेस्ट रेट जो भी है किसी बॉन्ड पर। कोई ऐसा बॉन्ड जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है उस पर क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है मार्केट में, उससे पीवी कर लो तो आ जाएगी स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड रिस्क निकालना हो तो नीचे गिरने की वैल्यू निकालनी है, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रीमियम ओवर स्ट्रेट वैल्यू निकालना है तो मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड माइनस स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या है कि एक बॉन्ड को कन्वर्ट करवाने पर कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड डिफंडिंग। बॉन्ड डिफंडिंग क्या होता है, अभी मैंने एक बॉन्ड इशू किया हुआ है 10% जिसमें इंटरेस्ट आता है, बट अभी मैं इसको कैंसिल करके एक नया बॉन्ड इशू करना चाहता हूँ जिसपे 8% इंटरेस्ट जाएगा, ये होता है बॉन्ड डिफंडिंग। इसमें हमें डिसीजन लेना होता है क्या बॉन्ड डिफंडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमें इसके लिए दो चीज़ें पता करनी पड़ेंगी कि इनिशियल टाइम पर क्या कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट होगा और एनुअल हमारी सेविंग्स क्या होंगी, उसके बेसिस पर हम पता करेंगे। पहले इनिशियल कैश आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट पता करो। तो जो पुराना बॉन्ड है उसको कैंसिल करोगे, उसको रिडीम करोगे तो उस पर कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो कॉल प्रीमियम। प्रीमियम पे करोगे उस पर टैक्स सेविंग होगी तो माइनस टैक्स सेविंग, ये आपका इनिशियल टाइम पर कैश आउटफ्लो होगा। इसके अलावा नए बॉन्ड पे फ्लोटेशन कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। पुराने बॉन्ड पे कोई डिस्काउंट या फ्लोटेशन कॉस्ट अनअमोर्टाइज या अनअमोर्टाइज का मतलब जो कभी P&L में भी गई नहीं थी, बाकी थी P&L में जाना थी, तो उस पर टोटल टैक्स सेविंग तुरंत मिल जाएगी आपको, क्योंकि उसे आप कैंसिल करने वाले हो। हो सकता है कि आप जब नया बॉन्ड इशू कर रहे हो, आपने नया बॉन्ड इशू कर दिया, पुराना बॉन्ड आप कैंसिल कर रहे हो, लेकिन पुराना बॉन्ड एक महीने बाद कैंसिल होता है, तो एक महीने तक आपको नए बॉन्ड पे भी इंटरेस्ट देना है, पुराने पर भी देना है, तो ओवरलैपिंग इंटरेस्ट पे होगा ओल्ड बॉन्ड का, वो भी आपको पे करना है, लेकिन उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी, वो माइनस कर दो, तो ये नेट अमाउंट भी आपका इनिशियल टाइम पे कैश आउटफ्लो होगा। नेट आप इनिशियल टाइम का कैश आउटफ्लो पता कर लो। फिर एनुअल आप कॉस्ट पता करो ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड में। एनुअल कॉस्ट क्या होगी ओल्ड बॉन्ड में, पुराने बॉन्ड के इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग। पुराने बॉन्ड पर जो डिस्काउंट पे हर साल P&L में जाता
उस पर टैक्स सेविंग मिलती, तो डिस्काउंट डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। पुराने बॉन्ड में जो फ्लोटेशन कॉस्ट थी उस पर भी हर साल पीएनएल में जितना जाता उस पर टैक्स सेविंग होती, पीएनएल में कितना जाता, फ्लोटेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाई मैच्योरिटी पीरियड मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट। सेम ऐसे ही एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड पता कर लो, एनुअल सेविंग कैसे आएगी, एनुअल कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड माइनस एनुअल कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड। एनुअल सेविंग जो हर साल आपको सेव होने वाला है इसका पीवी कर लो, पीवी कौन सी रेट से करोगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। लेकिन क्वेश्चन में अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट नहीं दे रखी तो आप न्यू बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है उसको आफ्टर टैक्स कर लो और उससे आप पीवी कर लेना। अब आप एनपीवी पता कर लो, एनपीवी कैसे निकालोगे, पीवी ऑफ एनुअल सेविंग्स माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो, पॉजिटिव आए तो बेनिफिशियल है रिफंडिंग, नेगेटिव आए तो रिफंडिंग बेनिफिशियल नहीं है। बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड में जब वाईटीएम बढ़ती है तो दो तरीके की रिस्क हो सकती है, प्राइस की रिस्क, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क। हमें इन दोनों रिस्क से बचने के लिए कम से कम दो बॉन्ड में पैसा लगाना पड़ेगा ताकि दोनों रिस्क आपस में ऑफसेट हो जाएं। कम से कम दो बॉन्ड में कितना पैसा लगाना है, एक बॉन्ड में कितना लगाऊं दूसरे में कितना लगाऊं, वो कैसे पता करेंगे, एक इक्वेशन के थ्रू। आपको ड्यूरेशन कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉन्ड ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बॉन्ड बी, और जितने भी वेट है उनका टोटल कितना होता है, 1। ये हो जाएगा आपका इम्यूनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल इजीली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। वॉरंट्स का वैल्यूएशन कैसे होते हैं, इस पे आज तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है तो सिंपल सा एक बार देख लेते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ वॉरंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कन्वर्टिबल विद 1 वॉरंट। ये आपका हो गया शेयर वैल्यूएशन या सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन अपने कंप्लीट कर लिया, इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन, प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन सब कुछ अपने पूरा डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर के अंदर। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फटाफट से मुझसे पूछ लो। चलिए डाउट आपके है नहीं, आप समझते चलिए एक सेकेंड। राधे राधे राजशेखर जी। चलिए अब सिक्योरिटी एनालिसिस में देखिए, ईएमए एक आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, ईएमए क्या होता है, ईएमए आप पता कैसे करोगे, आप देखो चेंज इन ईएमए प्लस प्रीवियस डे ईएमए, पिछले दिन का ईएमए में चेंज ऐड कर दो। चेंज इन ईएमए कैसे पता करोगे, चेंज इन ईएमए कैसे आएगा, आज के दिन की क्लोजिंग प्राइस क्या है माइनस पिछले दिन का ईएमए मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट वैल्यू प्लस प्रीवियस डे ईएमए, ये आ जाएगा आपका टोटल ईएमए। एक्सपोनेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन ये तो 2 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 कर देना। नो ट्रेडिंग डेज को अपन कंसीडर नहीं करते हैं ईएमए कैलकुलेशन में। फाइनल कंक्लूजन, अगर ईएमए बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश है, ईएमए गिर रहा है तो मार्केट बियरिश है। एक एफिशिएंट मार्केट थ्योरी होती है जिसमें अपने को वीक फॉर्म चेक करनी होती है। वीक फॉर्म ऑफ मार्केट कैसे पता चलेगी, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या होती है कि मार्केट कितनी बार टर्न हुआ, प्लस से माइनस कितनी बार हुआ, माइनस से प्लस कितनी बार हुआ, ठीक है। फिर होते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, मार्केट प्लस कितनी बार हुआ, माइनस कितनी बार हुआ, प्लस कितनी बार हुआ उसे N1 बोलते हैं, माइनस कितनी बार हुआ उसे N2 बोलते हैं। फिर आपको म्यू वैल्यू पता करनी है जिसे एवरेज बोलेंगे, 2N1 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस 1। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है जो कि कैसे आएगा, अंडर रूट 2N1 N2 ब्रैकेट में 2N1 N2 माइनस N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय N1 प्लस N2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करना है जो कि कैसे आएगा, N1 प्लस N2 माइनस 1 N1 प्लस N2 माइनस 1। लिमिट्स आपको पता करनी है, अपर लिमिट कैसे आएगी, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय टी, लोअर लिमिट म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन मल्टीप्लाई बाय टी। टी का मतलब है टी टेबल में हम गिवन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर टी की वैल्यू ढूंढेंगे जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर हमारा आर इन लिमिट्स के बीच में, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आ जाता है कहीं पर, तो मार्केट वीक फॉर्म में, अदरवाइज मार्केट वीक फॉर्म में नहीं है। बस ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट, इसमें ज़्यादा चांसेस नहीं है तो इसको मैंने फटाफट से बता दिया। अब चलिए हम रिवाइज करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को फटाफट से। अब देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में क्या है, मेरे पास अलग अलग कंपनीज के शेयर्स हैं, ठीक है। अब उनको उनकी रिटर्न और रिस्क देखनी है, दो चीज़ आपको इस चैप्टर में समझिए, रिटर्न और रिस्क। मेरे पोर्टफोलियो की रिटर्न कितनी है, मेरे पोर्टफोलियो की रिस्क कितनी है, बस इतना समझ गए तो चैप्टर कंप्लीट। सबसे पहले रिटर्न कैसे निकलेगी पोर्टफोलियो में, एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्चुअल रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखी हो तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, पास्ट में जो मेरी रिटर्न थी उनके बेसिस पे निकलती है। तो डिविडेंड प्लस मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगनिंग डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस एट बिगनिंग, डिविडेंड प्लस मार्केट प्राइस एट एंड माइनस मार्केट प्राइस एट बिगनिंग डिवाइड बाई मार्केट प्राइस एट बिगनिंग मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी आपकी। अगर आपको रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से निकालनी है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैं इंडिया में लगा रहा हूँ पैसा और मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ,
तो उसके परस्पेक्टिव से आपको रिटर्न निकालनी है तो कैसे निकालोगे, वन प्लस रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस माइनस फॉरन करेंसी एप्रिशिएशन और डेप्रिशन रेट, एप्रिशिएटेड है तो प्लस और डेप्रिशिएटेड है तो माइनस, फिर ये टोटल करने के बाद माइनस वन, ये आ जाएगी रिटर्न फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ फॉरन इन्वेस्टर। अगर आपको पास्ट रिटर्न बहुत सारी दे रखी है पिछले 10 साल की तो पहले उनका एवरेज कर दो और फिर आपकी आ जाएगी एक्चुअल या एक्सपेक्टेड रिटर्न। पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे निकालोगे, सिक्योरिटीज़ की रिटर्न का वेटेड एवरेज कर दो, सिक्योरिटीज़ की रिटर्न का वेटेड एवरेज, वेट क्या लोगे मार्केट अमाउंट, वेट क्या लोगे मार्केट इन्वेस्टेड अमाउंट, वेट कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स मत लेना, वेट हमेशा क्या लोगे इन्वेस्टेड अमाउंट इन सिक्योरिटी। चलिए इसके बाद कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल दूसरा अप्रोच होता है रिटर्न निकालने का, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच जो भी अपने देखा, रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस बीटा, रिस्क फ्री का रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ, ठीक है। बीटा मार्केट का हमेशा 1 होता है, रिस्क फ्री सिक्योरिटी का बीटा हमेशा 0 होता है। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है तो आपको एवरेज कर लेना है आरएफ का। मान लो मेरे को 10 रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न गिवन है तो उन 10 के 10 रिस्क फ्री सिक्योरिटी की रिटर्न का पहले एवरेज करूंगा और उस एवरेज आरएफ को फॉर्मूला में यूज में लूंगा। अगर आपको इसी तरीके से सीएपीएम मॉडल से पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, आरएफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ। अगर सिक्योरिटी की निकालनी है तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी ले लेंगे, पोर्टफोलियो की निकालनी है तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ले लेंगे। दूसरा तरीका बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का तरीका देखो, अगर आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना हो तो कैसे निकालोगे, पोर्टफोलियो का बीटा निकालना हो तो सिक्योरिटी के बीटा का वेटेड एवरेज कर दो, सिक्योरिटी के बीटा का वेटेड एवरेज। वेट किसको लेंगे, हमेशा सिक्योरिटी में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कभी भी नंबर ऑफ शेयर से वेट मत करना, अमाउंट से वेट करना है। इसके बाद सीएपीएम अप्रोच से पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालने का एक और तरीका है, एक तो क्या था रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय आरएम माइनस आरएफ। दूसरा तरीका क्या है, हर सिक्योरिटी की हमने सीएपीएम से जो रिटर्न निकाली है उसका डायरेक्टली वेटेड एवरेज कर दो, हर सिक्योरिटी की सीएपीएम से जो रिटर्न निकाली है उसका डायरेक्टली वेटेड एवरेज कर दो। डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, सीएपीएम के बेस पर अगर एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है रिक्वायर्ड रिटर्न से तो अंडर वैल्यूड है बाय कर लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है रिक्वायर्ड रिटर्न से ओवर वैल्यू है सेल कर दो, एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न दोनों बराबर है फेयर वैल्यू है यानी होल्ड करके रखो। आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल थ्योरी एक और आपके पास मॉडल है, इसके बेसिस पर भी आप पोर्टफोलियो की रिटर्न पता कर सकते हो, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल। इस पर कैसे पता चलती है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा वन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा वन प्लस बीटा टू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टू प्लस बीटा थ्री मल्टीप्लाई बाय लैम्डा थ्री ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो बीटा बी वन बी टू बी थ्री क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बीटा इन्फ्लेशन जीडीपी जीएनपी इंटरेस्ट रेट बुक प्राइस ये सारे फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा एन तक ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, रिस्क प्रीमियम है हर फैक्टर के लिए। B1 के लिए जो रिस्क प्रीमियम है वो है लैंडा 1, B2 के लिए जो रिस्क प्रीमियम है वो है लैंडा 2, इस तरीके से। लैंडा 1 लैंडा 2 लैंडा 3 आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, B1 B2 B3 भी क्वेश्चन में गिवन होंगे, बिल्कुल ईजी था फॉर्मूला लगाना है आंसर आ जाएगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर आपको लैंडा 1 लैंडा 2 ये सब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, लैंडा को कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल वैल्यू इन परसेंटेज ऑफ फैक्टर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन परसेंटेज ऑफ फैक्टर कर दो आपका लैंडा आ जाएगा, ठीक है। पोर्टफोलियो के केस में ये B1 B2 B3 सब क्या होंगे, सिक्योरिटी के B1 B2 B3 का वेटेड एवरेज होगा। शार्प इंडेक्स मॉडल या सिंगल इंडेक्स मॉडल एक और मॉडल होता है, इसके बेसिस पर रिटर्न कैसे निकाली जाती है, सिक्योरिटी की निकाली हो तो अल्फा ऑफ सिक्योरिटी प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस एरर इवेंट ऑफ सिक्योरिटी प्लस अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी बोल दो या एरर इवेंट ऑफ सिक्योरिटी बोल दो, ठीक है। पोर्टफोलियो का निकालना हो तो अल्फा ऑफ पोर्टफोलियो प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑफ मार्केट प्लस एरर इवेंट ऑफ पोर्टफोलियो या फिर अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बोल दो, सिंपल सा है। चलिए अब देखो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, रिस्क को हम वेरिएबिलिटी भी बोलते हैं, रिस्क को हम क्या बोलते हैं वेरिएबिलिटी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वेरिएबिलिटी बताओ पोर्टफोलियो की, तो अब आप ये मत बोलना सर ने कभी पढ़ाई नहीं था वेरिएबिलिटी क्या होती है, रिस्क को ही वेरिएबिलिटी बोल दिया जाता है। अब रिस्क निकालने के भी अलग अलग मॉडल है, पहला मॉडल है मार्कोविज मॉडल या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मार्कोविज मॉडल या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसके थ्रू रिस्क कैसे निकाली जाती है पोर्टफोलियो की, इसके थ्रू जो रिस्क निकाली जाती है उसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे होगा, जितनी भी सिक्योरिटी है उनकी रिटर्न्स है उन रिटर्न्स का पहले एवरेज कर लो, एवरेज को हर रिटर्न में से पर्टिकुलर रिटर्न में से माइनस करो, यह आ जाएगा डेविएशन, डेविएशन का स्क्वायर कर दो, डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद उसका एवरेज कर दो, सिंपल या वेटेड, सिंपल है तो डिवाइड बाय एन, वेटेड है तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, फिर स्क्वायर रूट कर दो वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट कर दोगे वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फॉर्मूला आप देख लो, फॉर्मूला जो अभी था जो मैंने अभी आपको स्टेप में समझाया उसी को मैंने फॉर्मूला में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। रिस्क हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होगी, हमेशा याद रखना रिस्क किसमें कैलकुलेट होगी, परसेंटेज में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। बहुत बच्चे एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, कोवेरिएंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कोरिलेशन इन सबको एक ही चीज़ समझने लग जाते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अलग है, वेरिएंस अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग है, कोवेरिएंस अलग है, कोरिलेशन अलग है, ठीक है। सबके फॉर्मूलाज क्लियर रखना। कोवेरियंस क्या होता है फिर ये समझो, कोवेरियंस क्या होता है कि दो सिक्योरिटीज़ के बीच में क्या वेरियंस है उसको पता लगाना है तो उसको बोलते हैं कोवेरियंस। तो इसमें भी सिंपल था है,
बस डेविएशन का हम स्क्वायर करते थे, अब दोनों सिक्योरिटीज के डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज सिक्योरिटी ए की रिटर्न माइनस सिक्योरिटी ए की एवरेज रिटर्न को हर रिटर्न में से माइनस किया तो आ गया डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए रिटर्न मल्टीप्लाई बाय डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी रिटर्न। ये करते जाओ, जितनी भी है सबका टोटल कर लो, डिवाइड में एन कर दो, और अगर वेटेड एवरेज है तो मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करते चले जाओ। ये आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी। कोवेरियंस निकालने का दूसरा तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी। अब कोरिलेशन कैसे निकाले सिक्योरिटी ए एंड बी, कोरिलेशन को रिफ्लेक्ट किया जाता है आर ए बी से। कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, पहला तरीका कोवेरियंस ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी, आर ए बी निकालने का तरीका। जो कोरिलेशन होता है वो माइनस वन से वन के बीच में कहीं ना कहीं होता है। आर ए बी अगर आपका एक मैं बोलूं मेरा मेरे से खुद से ही कोरिलेशन कितना है, यानी सिक्योरिटी ए का सिक्योरिटी ए से खुद से ही रिलेशन कितना है, तो वो हमेशा वन होगा। कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड ए तो वो ए होगा, आर ए हमेशा वन होगा। कोवेरियंस मैं बोलूं मेरा मेरे साथ ही वेरियंस कितना है, सिक्योरिटी ए का सिक्योरिटी ए के साथ ही कोवेरियंस कितना है, तो कोवेरियंस ए ए का मतलब है वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी ए। ठीक है, आर एस एम का मतलब कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। लेकिन अभी देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड मार्केट और कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड मार्केट, लेकिन मुझे चाहिए कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी ए एंड बी। तो कोरिलेशन सिक्योरिटी ए और मार्केट का है, कोरिलेशन सिक्योरिटी बी और मार्केट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी इन दोनों का कोरिलेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर R1 है इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, R-1 है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, R0 है तो कम्प्लीटली अनकोरिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट। इसके बाद इसको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन या वोलेटिलिटी कैसे निकालें। अभी अपन ने सीखा कि सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालें, सिक्योरिटी की रिस्क कैसे निकालें। अब पोर्टफोलियो की रिस्क हमें निकालनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, वो सीखो वो कैसे निकलेगी। इसे पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोल सकते हो या पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी भी बोल सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने है, लेकिन फॉर्मूला से कुछ समझ में नहीं आता है, स्टेप्स आप फॉलो करना है, स्टेप से आपका आंसर एकदम सही आएगा। स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, सबसे पहले एन स्क्वायर पेयर्स कर लो जितनी भी सिक्योरिटी आपके पोर्टफोलियो में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी ए बी सी डी चार सिक्योरिटी है, तो फोर स्क्वायर करो कितना आया 16। मेरे को 16 पेयर्स बनाने हैं तो एक मैट्रिक्स फॉर्म करूंगा 4x4 की ए बी सी डी ए बी सी डी ए ए बी ए सी ए डी बी ए बी सी बी 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 सी बी डी डी सी ए सी बी सी 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 डी डी ए डी बी डी सी डी डी। इस तरीके से 16 पेयर्स बन गए मेरे। अब इन पेयर्स के अकॉर्डिंग अब मुझे वेरियंस और कोवेरियंस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं वेटेड वेरियंस कैलकुलेट करूंगा। वेरियंस किनका कैलकुलेट होगा, ए बी बी सी सी डी डी। देखो ना, ए का ए के साथ कोवेरियंस, बी का बी के साथ कोवेरियंस, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, तो इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, वेरियंस बोल सकता हूँ। ए का वेरियंस, बी का वेरियंस, सी का वेरियंस, डी का वेरियंस, ये कैसे आएगा, वेट ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी टू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू, सिंपल था। और वेटेड कोवेरियंस किन किन के निकलेंगे, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी बी सी डी, ये कैसे निकलेंगे, वेट ऑफ सिक्योरिटी वन मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी टू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी वन एंड टू। ठीक है, जो वेटेड वेरियंस है वो कितने निकलेंगे, हमेशा जितनी पोर्टफोलियो में आपकी सिक्योरिटी, अपने पोर्टफोलियो में चार सिक्योरिटी थी, देख लो वेरियंस भी अपने चार ही निकल रहे हैं। और कोवेरियंस कितने निकलेंगे, रिमेनिंग अपने कितने पेयर्स बनाए, 16 में से चार वेरियंस निकाले तो कोवेरियंस कितने आएंगे, 12। लेकिन कैलकुलेशन हमें सिर्फ हाफ की करनी पड़ेगी, हमें सिर्फ 6 कोवेरियंस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो कोवेरियंस एक ट्राइंगल मैंने बनाया और नीचे एक ट्राइंगल बनाया है, सेम टू सेम कोवेरियंस इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो ऊपर वाले ट्रायंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो नीचे वाले ट्रायंगल में सेम कोवेरियंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कोवेरियंस जो कैलकुलेशन वो अपने इस एग्जांपल में 12 हो रही है, जिनकी हमें कैलकुलेशन सिर्फ 6 ही करनी है, बाकी को तो हम क्या करेंगे, जितनी कैलकुलेशन करेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इन सब का टोटल कर दो, वेरियंस ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। ये हो गया आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका। अब देखो, अगर आपके पोर्टफोलियो में सभी सिक्योरिटीज़ के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो सिंपल सा आप जितनी भी सिक्योरिटी है उनके स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्टली वेटेड एवरेज कर दो, आपका पोर्टफोलियो का वेट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 सिक्योरिटी है, एक रिस्की है एक रिस्क फ्री है, तो क्या करो, रिस्की सिक्योरिटी को रिस्की के वेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट, शार्प इंडेक्स मॉडल या सिंगल इंडेक्स मॉडल के थ्रू पोर्टफोलियो की रिस्क कैसे पता करें। ये मॉडल बोलता है कि पोर्टफोलियो में 2 तरीके की रिस्क हो सकती है, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक। ठीक है, तो रिस्क को जनरली वेरियंस के रूप में डिनोट किया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक अलग फॉर्म हो जाती है। पहले रिस्क वर्ड कहीं भी आपको दिखे तो आप उसे वेरियंस ही समझो कि आपको वेरियंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल वेरियंस में 2 चीज़ आएंगी, सिस्टमैटिक वेरियंस प्लस अनसिस्टमैटिक वेरियंस। अनसिस्टमैटिक वेरियंस को रेजिडुअल वेरियंस भी बोला जाता है। अब सिस्टमैटिक वेरियंस जो है वो निकालना है हमें, और अनसिस्टमैटिक वेरियंस निकालना सीखना है। सिस्टमैटिक वेरियंस निकालने के लिए आपको बीटा समझ में आना चाहिए, बीटा का क्या मतलब है, तो पहले बीटा निकालना सीखते हैं। बीटा होती है सेंसिटिविटी, बीटा
बताता है कि मार्केट के कंपैरिजन में मेरी सिक्योरिटी में कितना रिस्क है। ये कैसे कैलकुलेट होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट। या फिर दूसरा फॉर्मूला है कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। ये एक और फॉर्मूला है आपका बीटा का। ठीक है बीटा, ये तो था कोरिलेशन एनालिसिस मेथड। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड से बीटा का फॉर्मूला है समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइड बाय समीशन वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड मैं तो यही बोलूंगा, इसको याद ही मत करना, तो इसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ के जा सकते हो, लेकिन आप कोरिलेशन वाला मेथड है वो फॉलो करो, वो सबसे बेस्ट मेथड होता है। इसके बाद सिक्योरिटी की रिस्क आप कैसे निकालेंगे? सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक वेरियंस कैसे निकालता है? बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकलेगी? रेजिडुअल वेरियंस, ये आपको क्वेश्चन में जनरली गिवन होगा, ये ई आई स्क्वायर के सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो टोटल रिस्क क्या होगी? सिस्टमेटिक वेरियंस प्लस अनसिस्टमेटिक वेरियंस, वो आपके सामने लिखा हुआ है। पोर्टफोलियो की रिस्क निकालनी हो इस शार्प इंडेक्स मॉडल से कैसे निकलेगी? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। अनसिस्टमेटिक रिस्क ई आई का स्क्वायर और टोटल रिस्क इन दोनों का टोटल। ठीक है, और टोटल रिस्क में क्या होगा? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय वेरियंस ऑफ मार्केट प्लस, अब क्या करें, जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो ई आई का स्क्वायर होता है सिक्योरिटी की, ई आई का स्क्वायर होता है सिक्योरिटी की। तो पोर्टफोलियो की अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या आएगी? सिक्योरिटी की जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है उसको हर सिक्योरिटी के वेट से मल्टीप्लाई करें और स्क्वायर से, वेट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। वेट के स्क्वायर से क्यों? क्योंकि जो हम रिस्क ले रहे हैं वो भी स्क्वायर में ले रहे हैं, तो वेट भी हम स्क्वायर में लेंगे और उनका टोटल कर दो। ठीक है, अब एक और पॉइंट होता है जो आपसे इस चैप्टर में काम में आ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। हमने रिस्क के जो मेथड से सारे देख लिए, तो अब आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कई बार एग्जाम में आपको देख के रखेगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है 0.1178। अब क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन? आधे बच्चों को यही नहीं पता होता, आधे क्या 90% बच्चों को नहीं पता होता कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का क्या मतलब है। इसका मतलब है सिस्टमेटिक रिस्क डिवाइड बाय टोटल रिस्क, कि टोटल रिस्क में सिस्टमेटिक रिस्क का परसेंटेज कितना है। सिस्टमेटिक रिस्क डिवाइड बाय टोटल रिस्क, जिसे हम आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, आर स्क्वायर यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है ना उसका स्क्वायर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट के स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोला जाता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट के स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन बोला जाता है। दोनों चीजों में फर्क है। अब मान लो आपको क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की जरूरत है, लेकिन आपको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दे रखा है, तो आप क्या करो, इसका अंडर रूट कर लो, आपके पास कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अब देखो बाकी टॉपिक्स भी है, बाकी टॉपिक्स क्या है, मार्केट लाइंस ये आपके काम का टॉपिक नहीं है, इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ ज़्यादा। एक चीज़ और पूछी जाती है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, मिनिमम वेरियंस पोर्टफोलियो या फिर मिनिमम स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो आप बनाओ, कैसे बनाओगे ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें सबसे कम रिस्क हो? तो उसमें जितनी भी सिक्योरिटीज हैं पोर्टफोलियो की उनका हमें प्रोपोर्शन पता करना पड़ेगा। तो वेट ऑफ सिक्योरिटी ए, वेट ऑफ सिक्योरिटी बी, ये हमें पता करना है। तो वेट ऑफ सिक्योरिटी ए कैसे निकालोगे? वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी बी माइनस को वेरियंस ए बी डिवाइड बाई वेट ऑफ वेरियंस ऑफ ए प्लस वेरियंस ऑफ बी माइनस टू को वेरियंस ए बी। बस ये फॉर्मूला है। वेट ऑफ ए आ गया तो वेट ऑफ बी कैसे निकालोगे? वन माइनस वेट ऑफ ए कर देना। इसके बाद एक और तरीका है, एक और मेथड है, क्रिटिकल लाइन को यूज में लेके हम प्रोपोर्शन ऑफ सिक्योरिटीज पता कर सकते हैं ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए जिसमें रिस्क कम हो। वो कैसे पता होगी? क्रिटिकल लाइन का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये आपने शायद 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा क्रिटिकल लाइन का, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो आप इसका फॉर्मूला में वाई का मतलब है वेट ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी वेट ऑफ ए। ए प्लस बी जो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये आपके गिवन होंगे, ये आपको इक्वेशन बना के पता करने पड़े होंगे। ठीक है, फिर शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो भी बोला जाता है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, मतलब इस पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ 8-10 साल से आया नहीं है, पर अगर कभी पूछ लिया जाए तो एक ही क्वेश्चन होता है, उसके स्टेप्स आपके सामने हैं, ये स्टेप पढ़ के चले जाना। मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं इसके, तो स्टेप्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो इन स्टेप्स का, बस ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन करने के लिए तीन मेथड हैं, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, जेनसन अल्फा। शार्प रेशो का फॉर्मूला है रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ट्रेनर रेशो का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय बीटा। जेनसन अल्फा का एक्चुअल एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न एज पर सीएपीएफ। ठीक है, रैंकिंग ऑफ पोर्टफोलियो कैसे करोगे? जिसमें ज़्यादा है जिसकी वैल्यू हाईएस्ट रेशियो जो होगा उसकी रैंक वन, उससे कम जो रेशियो होगा उसकी रैंक टू, मतलब हाईएस्ट रेशियो के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, बाय एंड होल्ड पॉलिसी, कॉन्स्टेंट पोर्शन या कॉन्स्टेंट रेशियो मिक्स पॉलिसी या कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन इंश्योरेंस पॉलिसी CPPI। बाय एंड होल्ड पॉलिसी में क्या होता है, पोर्टफोलियो में एक बार हमने कुछ खरीद लिया बस उसको होल्ड करके रखते हैं, तो इसमें वैल्यू कैसे आएगी? यूनिट परचेस मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग रेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे जो वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो सिंपल सी वैल्यू होती है। कॉन्स्टेंट पोर्शन रेशियो मिक्स पॉलिसी में क्या होता है, सबसे पहले आप पता करो इनिशियली आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे एग्रेसिव और कंजर्वेटिव सिक्योरिटी में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैंने बोला कि दोनों में इक्वली इन्वेस्ट करूंगा, एग्रेसिव का मतलब रिस्की, कंजर्वेटिव का मतलब रिस्क फ्री, तो दोनों में इक्वली करूंगा तो 1-1 लाख रुपए करूंगा। फिर आप पता करो कि इनिशियली आपने कितनी यूनिट्स
आपके पास थी, तो टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई इनिशियल टाइम पर एनएवी कितनी थी या प्राइस कितनी थी, ओपनिंग एनएवी से डिवाइड कर दो, आपके यूनिट्स आ जाएंगे। फिर आप एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों यूनिट्स पता कर सकते हो। फिर आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, उस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको पीएम में म्यूचुअल फंड के चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। मंथ डेट का कॉलम, स्टॉक एनएवी डेली हर दिन के एनएवी जिस भी दिन आप कर रहे हो रीबैलेंस, कंजर्वेटिव स्टॉक की वैल्यू क्या है, एग्रेसिव स्टॉक की वैल्यू, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू, रिवैल्यूएशन एक्शन, रिवैल्यूएशन एक्शन में क्या करोगे आप बाय या सेल करोगे एग्रेसिव स्टॉक को, आप या तो रिस्की सिक्योरिटी को खरीदोगे या बेचोगे एज पर आप क्वेश्चन में जो डिसाइड किया हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 15% से ज़्यादा एनएवी अगर चेंज हो रही है तो आप बाय या सेल करोगे उसके बेसिस पर। और लास्ट में फिर आपको दिया हुआ है टोटल यूनिट्स इन एग्रेसिव स्टॉक, कि आपके पास रिस्की सिक्योरिटी में टोटल यूनिट्स कितने, इसका एक कॉलम बना देना है। ठीक है, चांसेस कम है लेकिन कभी आ जाए तो आपको इस फॉर्मेट में करना है। फिर इसके बाद कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस पॉलिसी, इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको मैक्सिमम डिक्लाइन परसेंट इन मार्केट पता करना है, वो कैसे आएगा, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू माइनस मिनिमम मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फिर फ्लोर वैल्यू पता करनी है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस मैक्सिमम डिक्लाइन कर देना। फिर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पता करना है एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों में। एग्रेसिव में इन्वेस्टमेंट आप कितना करोगे जीरो टाइम पे, पोर्टफोलियो वैल्यू में से फ्लोर वैल्यू माइनस करो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय। रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्ट करोगे, बैलेंस अमाउंट, सपोज 2 लाख मेरे को इन्वेस्ट करना है टोटल, 1.5 लाख मेरे एग्रेसिव में पता चल गया तो रिस्क फ्री में कितना करूंगा 50,000 यानी बैलेंस अमाउंट। ठीक है, हर रीबैलेंसिंग पीरियड के एंड पर हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि आज के दिन कितनी वैल्यू हो गई। तो सबसे पहले रिस्क की सिक्योरिटी, एग्रेसिव सिक्योरिटी की वैल्यू पता करता हूँ, इक्विटी जिन्हें मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस इन्वेस्टमेंट कितना किया था, उस दिन क्या वैल्यू थी एक शेयर की, तो डिवाइड बाय प्रीवियस डे रीबैलेंसिंग डे वैल्यू ऑफ मार्केट, और आज क्या वैल्यू हो गई, रीबैलेंसिंग डे वैल्यू इन मार्केट, इससे मल्टीप्लाई कर दो, आज के दिन की वैल्यू इन इक्विटी पता चल जाएगी। प्लस कर दो रिस्क फ्री वालों की क्या वैल्यू है, रिस्क फ्री वालों की सेम वैल्यू रहेगी जो प्रीवियस डे में थी, ठीक है वही आपकी रहेगी। अब आपको रीबैलेंस करना है, रीबैलेंस कैसे करोगे, इन्वेस्ट कितना करना है इक्विटी में वो पता करना है, तो आज के दिन कितनी वैल्यू है इक्विटी वालों की टोटल पोर्टफोलियो की मेरी वो ले लो, इसमें तो फ्लोर वैल्यू माइनस करो मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लायर से सेम जो इनिशियल टाइम पे किया था। बैलेंस अमाउंट को आप किस में इन्वेस्ट करोगे रिस्क फ्री में, इस अकॉर्डिंग आपको रीबैलेंसिंग करनी है, हर रीबैलेंसिंग डे पर ये होगा। इससे रिलेटेड कुछ थियरी है, ये आपके काम की नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोर करो। इसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है कि पोर्टफोलियो का बेटा आपको इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है। ठीक है, आपको पोर्टफोलियो का बेटा 1.2 है, अब आपको 1.5 करना है या 0.9 करना है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले परसेंट ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो पता करो, रिक्वायर्ड बेटा डिवाइडेड बाय करंट बेटा मल्टीप्लाई बाय 100, रिक्वायर्ड या फिर रिवाइज पोर्टफोलियो की वैल्यू पता करो, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइड बाय परसेंट ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो डिवाइड बाय परसेंट ऑफ प्रेजेंट पोर्टफोलियो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट टू और फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटी पता करो, कि मेरे पोर्टफोलियो में मैं रिस्क फ्री सिक्योरिटी लाऊं या फिर निकालूं, उससे ही बेटा चेंज होगा, तो वो कितना होगा, रिक्वायर्ड या रिवाइज पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस करंट पोर्टफोलियो वैल्यू। मेरा मानो रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू है 10 लाख, करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू है 8 लाख, यानी 2 लाख की मेरे को सिक्योरिटी और लानी है, कौन सी लानी है, रिस्क फ्री। ठीक है, और अगर नेगेटिव में आता यानी रिस्क फ्री सिक्योरिटी मेरे को मेरे पोर्टफोलियो से बेचनी है। कंपनी बीटा, असेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा एक करके टॉपिक होता है, इसका क्या मतलब है, एक ही है, कंपनी बीटा, असेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा, सबका एक ही मतलब है क्या, इक्विटी बीटा और डेट बीटा का वेटेड एवरेज कर दो, इक्विटी बीटा डेट बीटा का वेटेड एवरेज कर दो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बीटा ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ डेट। यहाँ पर जो टैक्स का एडजस्टमेंट है वो वेट के अंदर ही कर दिया जाता है, D1-T हो रहा है हर जगह देख लो। ठीक है, इसके बाद लीवर्ड बीटा और अनलीवर्ड क्या होता है, लीवर्ड बीटा मतलब ऐसी कंपनी का बीटा जिसमें लीवरेज भी है यानी डेट भी है, और अनलीवर्ड बीटा का मतलब ऐसी कंपनी का बीटा जिसमें डेट नहीं है, ऐसी कंपनी जिसमें कोई डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी इक्विटी है। तो लीवर्ड और अनलीवर्ड में रिलेशन क्या होता है, बीटा ऑफ लीवर्ड क्या होता है, बीटा ऑफ अनलीवर्ड मल्टीप्लाई बाय 1+debt 1-T डिवाइडेड बाय इक्विटी। बीटा अनलीवर्ड क्या होता है, बीटा लीवर्ड डिवाइडेड बाय 1+debt 1-T डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, इसके बाद कुछ रेशियो जो आपको इस चैप्टर में काम में आ सकते हैं, डेट रेशियो, डेट टू टोटल असेट्स रेशियो या डेट टू टोटल कैपिटलाइजेशन रेशियो, इन सबका मतलब एक ही है, D/D+E या फिर 1- इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो क्या होता है, DE/D+E 1- डेट रेशियो, और डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है, D/E। ये आपका पोर्टफोलियो चैप्टर का रिविजन कंप्लीट हो गया है, फटाफट से अपन ने पूरे पोर्टफोलियो चैप्टर को रिवाइज कर लिया। चलिए अब अपन म्यूचुअल फंड चैप्टर को रिवाइज करते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर को देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर में एक ही टॉपिक है, वैल्यू एट रिस्क, ये देख लेते हैं। वैल्यू एट रिस्क आपको बताता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम कितना लॉस कर सकते हो, मैक्सिमम लॉस मुझे कितना हो सकता है वो वार से पता चलता है। वार दो चीज़ों का निकाला जा सकता है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी का भी और पोर्टफोलियो का भी। इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वार कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप वोलेटिलिटी सिक्योरिटी की पता करो टोटल वैल्यू के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी इन परसेंटेज एज गिवन इन क्वेश्चन, जो है वो यूज में ले लो, आपको वोलेटिलिटी पता चल जाएगी। वोलेटिलिटी जो आगे सिक्योरिटी की उसको जेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज के अंडर रूट से, तो आपका वैल्यू एट रिस्क आ जाएगा। पोर्टफोलियो के केस में वार कैसे निकलेगा, वोलेटिलिटी आप किसकी पता
करेंगे पहले पोर्टफोलियो की, वो कैसे आएगी, वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एक्स। सपोज मेरे पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी है एक्स और वाई, तो वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एक्स का स्क्वायर प्लस वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी वाई का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय वोलेटिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी ऑफ वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई। अब वार कैसे निकालेंगे, वोलेटिलिटी आ गई पोर्टफोलियो की जेड वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज के अंडर रूट से, वार आ जाएगा पोर्टफोलियो का। अब आपको पोर्टफोलियो के वार में कितनी कमी आएगी अगर हम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेट कर दें, ठीक है, पोर्टफोलियो को जो हम यूज में ले रहे हैं, पोर्टफोलियो को जो हम यूज में ले रहे हैं, मैं अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटी में पैसा लगाऊं और एक पोर्टफोलियो में दो कंपनी के शेयर में पैसा लगाऊं अलग, मेरे पास 1,00,000 रुपये है, या तो मैं सिर्फ रिलायंस के शेयर करूँ खरीद लूँ 1,00,000 रुपये से, या फिर 1,00,000 रुपये को मैं 50,000 के रिलायंस के शेयर 50,000 से टाटा के शेयर, तो एक पोर्टफोलियो में पैसा लगाऊं या सिक्योरिटी में पैसा लगाऊं, ज़्यादा रिस्क कहाँ होगी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में, पोर्टफोलियो में क्या रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगी। तो पोर्टफोलियो में पैसा लगाने से रिस्क कितनी डाइवर्सिफाई होगी, कितना मेरा वार कम होगा, वो कैसे पता करेंगे, वार ऑफ एक्स सिक्योरिटी एक्स प्लस वार ऑफ सिक्योरिटी वाई, ये तो अलग अलग पैसा लगाता तो इतना वार होता, पोर्टफोलियो में कितना वार है वो माइनस कर दो पता चल जाएगा। इसके बाद जेड की वैल्यू गिवन कॉन्फिडेंस लेवल या सिग्निफिकेंस लेवल पे कैसे पता करोगे, देखो सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब क्या होता है 100% माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, या फिर आपको कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है तो सिग्निफिकेंस लेवल ऐसे निकलेगा, और सिग्निफिकेंस लेवल दे रखा है कॉन्फिडेंस लेवल निकालना हो तो कैसे निकलेगा 100% माइनस सिग्निफिकेंस लेवल। अब वैल्यू ऑफ जेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, अगर वैल्यू ऑफ जेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, 99% अगर कॉन्फिडेंस लेवल है, देखो गिने चुने तीन केस हैं जो ज़्यादातर आते हैं, 99% कॉन्फिडेंस लेवल या फिर 1% सिग्निफिकेंस लेवल, एक ही बात है, इस पर जेड की वैल्यू होती है 2.33, 95% कॉन्फिडेंस लेवल पर 1.65, 90% कॉन्फिडेंस लेवल पर 1.26, बस ये आपको रट लेनी है, ये वार कंप्लीट। अब अपन म्यूचुअल फंड चैप्टर देखते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड चैप्टर थियरी छोड़ो, सबसे पहले एनएवी कई बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, एनएवी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, या होती है आपकी एनएवी। एनएवी डेली बेसिस पर चेंज होती है, पर यूनिट बेसिस पे आपको निकालनी होती है। एनएवी निकालोगे कैसे, नेट एसेट्स टोटल स्कीम की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ द स्कीम। नेट एसेट्स कैसे पता करोगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस प्लस क्लोजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस अदर रिसीवेबल्स एक्लूड इनकम कोई भी अदर एसेट माइनस कोई भी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो लेस कर दो, नेट एसेट्स आ जाएगी। इसमें से क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कई बार, तो पहले क्या लोगे, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आएगा, सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस पता करो। ओपनिंग कैश बैलेंस क्या होगा, इशू प्रॉफिट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, इसमें ऐड कर दो कोई भी सिक्योरिटी बेची उससे पैसा आया, इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम हुई, माइनस करो कोई भी सिक्योरिटी परचेस करी वो पैसा गया, कोई भी एक्सपेंसेस पे करे वो पैसा गया, मैंने जो अर्निंग्स हुई वो अपने यूनिट होल्डर्स को बांटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया या कैपिटल गेन जो बांटा अपने यूनिट होल्डर्स को वो लेस कर दो, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का डेटा दिया होता है कि आपको ओपनिंग वैल्यू नेट एसेट्स की दे रखी है और आपको क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालनी है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकालनी है, तो ओपनिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट आपको दे रखी है वो क्या होगी, ओपनिंग यूनिट मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग एनएवी। इसमें क्या करो, पोर्टफोलियो की वैल्यू में करंट ईयर में कितना अप्रिशिएशन हुआ, क्योंकि ओपनिंग तो हमारे पास है ही, अप्रिशिएशन पता कर लो, हमने करंट ईयर में कितनी यूनिट्स इशू करी वो ऐड कर दो, उससे पैसा आया होगा, करंट इनकम कितनी हुई करंट ईयर में वो ऐड कर दो, हमने करंट ईयर में कितनी यूनिट्स री परचेस करी यानी लोगों से यूनिट्स वापस ले लिए उनको पैसा दे दिया वो लेस करो, करंट ईयर में कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करी वो लेस कर दो, तो क्लोजिंग नेट एसेट्स आ जाएगी, क्लोजिंग एनएवी क्या आएगी, क्लोजिंग नेट एसेट डिवाइड बाय क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। फिर एक टॉपिक होता है फ्रंट एंड लोड या बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड को एंट्री लोड भी बोलते हैं, बैक एंड लोड को एग्जिट लोड भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड लोड कैसे निकलेगा, फ्रंट एंड लोड कैसे निकालते हो, इशू प्राइस माइनस एनएवी, एंट्री लोड कैसे निकलेगा, इशू प्राइस माइनस एनएवी, परसेंटेज भी निकालना हो तो इशू प्राइस माइनस एनएवी डिवाइडेड बाय एनएवी, एग्जिट लोड एनएवी माइनस री परचेस प्राइस, परसेंटेज में एनएवी माइनस री परचेस प्राइस डिवाइडेड बाय एनएवी। डिविडेंड या इनकम इक्वलाइजेशन करके एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, इसको एक बार यहाँ पे आप समझ लो, रीड कर लो, ज़्यादा अभी काम का नहीं है ये, इसको बस केवल आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, रीड कर लेना, मैंने पूरा कंसेप्ट लिखा है, एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लगता है इस कंसेप्ट को, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाओ, म्यूचुअल फंड की कितनी अवेलेबल है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो सबसे पहले इनकम करंट मंथ की, डिविडेंड इक्वलाइजेशन कुछ रिसीव हुआ है यूनिट्स इशू करने पर वो ऐड कर दो, इनकम नेक्स्ट मंथ की ऐड करो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन कुछ पे करा है वो लेस कर दो यूनिट्स रीपर्चेस करते टाइम, इनकम नेक्स्ट मंथ की ऐड कर दो, कोई इनकम आपने बांट दी अभी तक वो लेस कर दो, तो बची हुई इनकम क्या है जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। इशू प्राइस और रीपर्चेस प्राइस ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे निकालोगे, इशू प्राइस कैसे निकलेगी, एनएवी प्लस एंट्री लोड अगर कुछ दे रखा है तो, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिसीव कुछ किया है तो, रीपर्चेस प्राइस कैसे निकलेगी, एनएवी में से एग्जिट लोड माइनस कर दो कुछ दे रखा है तो, डिविडेंड इक्वलाइजेशन अगर आपने कुछ पे किया है तो वो ऐड कर दो। रिटर्न या यील्ड ऑफ यूनिट होल्डर्स ऑफ म्यूचुअल फंड कैसे निकालेंगे, होल्डिंग पीरियड निकलेगी, यूनिट होल्डर्स को क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी, कैपिटल गेन मिलेगा, प्लस एनएवी की वैल्यू ईयर एंड पे क्या हो गई, बिगनिंग में क्या थी उसका डिफरेंट डिवाइडेड बाय बिगनिंग में एनएवी की वैल्यू क्या थी मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी यूनिट होल्डर की होल्डिंग पीरियड रिटर्न। एनुअल रिटर्न कैसे निकालेंगे, होल्डिंग पीरियड रिटर्न को मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज जितने दिन के लिए आपने रखा था,
ठीक है। कई बार क्या होता है कि यूनिट होल्डर्स क्या करते हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन जो उनको मिलता है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं सिक्योरिटीज़ में। तो उस केस में रिटर्न कैसे निकलेगी, पहले पता लगाओ कि कितना अमाउंट री इन्वेस्ट करा। तो जितना आपको डिविडेंड और कैपिटल गेन मिलेगा पर यूनिट, उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। जिस दिन आपने अमाउंट री इन्वेस्ट करा उस दिन की एनएवी थी उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कितनी एडिशनल यूनिट आपको ये री इन्वेस्टमेंट पर मिली होंगी। अब देख लो टोटल न्यू यूनिट, टोटल आपके पास कितनी यूनिट हो गई आफ्टर री इन्वेस्टमेंट, उनकी टोटल वैल्यू क्या हो गई एट द एंड ऑफ पीरियड। तो टोटल न्यू यूनिट्स आफ्टर रीपर्चेस मल्टीप्लाई बाय एनएवी एट एंड ऑफ द पीरियड। टोटल ओल्ड यूनिट्स क्या थी बिगिनिंग में और बिगिनिंग में एनएवी क्या थी उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो आपको टोटल गेन पता चल जाएगा आपको कितना फायदा हुआ, वैल्यू एट एंड माइनस वैल्यू एट बिगिनिंग डिवाइडेड बाय वैल्यू एट बिगिनिंग मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपकी एनुअल रिटर्न आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगर यूनिट होल्डर अपनी यूनिट को बेच देता है उस केस में रिटर्न कैसे निकालोगे, बेचने पर मैच्योरिटी वैल्यू मिली होगी, जीरो टाइम पे कुछ इन्वेस्ट किया था डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 365 डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100 या जाएगी रिटर्न पर एनम में। अब इसके बाद म्यूचुअल फंड की कुछ तरीके की स्कीम होती है जिन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, डिविडेंड यील्ड या फंड स्कीम। डिविडेंड से रिलेटेड स्कीम दो तरीके की होती है, डिविडेंड पे आउट स्कीम, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम। डिविडेंड पे आउट स्कीम में डिविडेंड कैश में पे कर दिया जाता है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम में डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट हो जाता है जिस दिन आपको डिविडेंड मिलना था उस दिन जो एनएवी होती है उसके बेसिस पर। इसमें क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, डेट ओपनिंग यूनिट डिविडेंड परसेंटेज डिविडेंड री इन्वेस्टेड इन रुपीज़ एनएवी रुपीज़ यूनिट री इन्वेस्टेड क्लोजिंग यूनिट्स, ये फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा तब जाके आपको पता चलेगा कितनी यूनिट्स आपको एडिशनल मिल रही है और क्लोजिंग डेट पर आपके पास कितनी यूनिट्स हो गई। तो इन्वेस्टमेंट डेट पर और फिर हर डिविडेंड पे आउट डेट पर आप देखो डिविडेंड की परसेंटेज कितना है, अमाउंट कितना मिला, उस दिन एनएवी कितनी थी, एनएवी से आप पता कर लोगे कितनी यूनिट्स री इन्वेस्ट करी और टोटल यूनिट्स कितनी हो गई। ऐसे ही एक होती है बोनस स्कीम, बोनस स्कीम में डिविडेंड यूनिट होल्डर्स को बोनस यूनिट्स इशू करी जाती है, कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। इस केस में अगर क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेट क्या बनाना है, डेट ओपनिंग यूनिट्स, बोनस यूनिट कितनी मिली, क्लोजिंग यूनिट कितनी बची और उस दिन एनएवी क्या थी। ग्रोथ फंड ऐसा होता है ना जिसमें डिविडेंड होता है ना बोनस यूनिट होती है, पर इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है यानी रिटर्न बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है। मैच्योरिटी पर रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड सर्टेन रिटर्न टू इन्वेस्टर, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर रिटर्न देने के लिए म्यूचुअल फंड को कितना कमाना पड़ेगा, तो ये कैसे निकाली जाती है, आर टू। आर टू का मतलब रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस इनिशियल एक्सपेंसिस का परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय आर वन। आर वन का मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर प्लस रेकरिंग एक्सपेंसिस का परसेंटेज, यह फॉर्मूला लगा देना सोल्यूशन आ जाएगा। देन एक चीज़ पूछ ली जाती है कई बार एक्सपेंस रेशियो क्या है या फिर मैनेजमेंट एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये कैसे निकालना है, म्यूचुअल फंड ने कितना एक्सपेंस इनकर करा पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी कितनी है उससे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा आपका। ट्रेल कमीशन करके एक चीज़ होती है, ट्रेल कमीशन क्या होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर एक एडवाइजर के पास जाता है, उसे बोलता है कि मेरे को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, तो वो एडवाइजर उसे एडवाइस करता है और उसके बदले फीस चार्ज करता है, वो होता है ट्रेल कमीशन। दो तरीके की फी हो सकती है, फिक्स फी और इंसेंटिव फी। फिक्स फी तो उसने क्या बोला कि एक तो महीने के तुम 10,000 तो मुझे पे करोगे ही करोगे। दूसरी इंसेंटिव फी क्या होती है कि अगर तुमने 10% से ज़्यादा रिटर्न कमाई तो जितनी तुम रिटर्न कमाओगे उसका 5% मैं रखूंगा, तो वो होती है इंसेंटिव फी। जो भी क्वेश्चन में दे रहा है उस अकॉर्डिंग आप कर लेना। ट्रैकिंग एरर करके एक कंसेप्ट है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा तो इसको छोड़ो, फॉर्मूला दे रखा है अगर गलती से आ जाए तो फॉर्मूला याद कर लो, इसके बेसिस पे सॉल्व कराना। ये म्यूचुअल फंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अब अपन देख लेते हैं कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। कुछ और क्वेरी दे गया, चलिए क्वेरीज आप लोगों की है नहीं, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है ना, आप लोग बीच में बोलते रहो कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये तो बताओ एटलीस्ट। देखो अपने को सेशन लेते हुए 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक आप बने हुए हो, पहले बता दो अभी तक जितने चैप्टर करे उसमें सब समझ में आया या नहीं आया। पता चले सिर्फ मैं ही बोले जा रहा हूँ पिछले 2 घंटों से और आपके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, आ रहा है समझ में सब, चलिए बढ़िया है। अब अपन आगे ये चैप्टर रिवाइज करते हैं, एक मिनट रुको। चलिए अब कॉर्पोरेट वैल्यूएशन चैप्टर देखो। देखो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, कंपनी का वैल्यूएशन कब किया जाता है, जब वो कंपनी को कोई खरीद रहा हो बेच रहा हो जनरली तब किया जाता है, बाकी और भी किसी केस में कभी कंपनी को वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़े तो वो किस तरीके से होगा, मेथड्स क्या क्या है वैल्यूएशन के। सबसे पहला कैश फ्लो बेस्ड मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, वैल्यू ऑफ बिजनेस या पूरी फर्म, पूरी कंपनी की वैल्यू पता करना या फिर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू पता करना। पूरी कंपनी की वैल्यू पता करनी है तो हमें फ्री कैश फ्लो टू फर्म पता करने पड़ेंगे, फ्री कैश फ्लो टू फर्म पता कर लेंगे तो वेटेड एवरेज
कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, यानी तीनों डेट इक्विटी प्रेफरेंस तीनों की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वेटेड एवरेज, उससे अगर उसको पीवी कर दिया तो वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म आ जाएगी। फ्री कैश फ्लो कैसे आएंगे अभी अपन ने डिस्कस किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर में, सेम वही चीज़ है, तो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्कस नहीं करा। उसको डिस्काउंट कर दो WACC से तो वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म आ जाएगी। अब अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पता करो, उसको डिस्काउंट कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। FCFE कैसे निकालेंगे ये भी अपने डिस्कस किया था, डिस्काउंट कर दो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो आपकी FCFE आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी अपन ने निकालना देखा है, उसमें एक दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है कि कंपनी के पास इतना सरप्लस कैश है, कंपनी के पास इतना सरप्लस कैश है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, वो ऐड कर दो। ठीक है, कंपनी के पास इतनी अदर सरप्लस असेट्स हैं जो बैलेंस शीट में नहीं है, उनकी फेयर वैल्यू ऐड कर दो, तो वो भी FCFE में ऐड हो जाएगी। इसके बाद देखो, अब वैल्यू ऑफ बिजनेस मैंने निकाल ली, उससे अगर मुझे डायरेक्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो वो भी निकालना पॉसिबल है। वो कैसे निकाली जा सकती है, वैल्यू ऑफ बिजनेस में से डेट की वैल्यू माइनस कर दो, मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस की मार्केट वैल्यू माइनस कर दो, सरप्लस कैश ऐड कर दो और ऐड कर दो आप अदर असेट्स की फेयर वैल्यू को, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। और सेम वैल्यू ऑफ इक्विटी से वैल्यू ऑफ बिजनेस में जाना तो इसकी रिवर्स कैलकुलेशन कर देना, वैल्यू ऑफ बिजनेस पे पहुंच जाओगे। फिर एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है, एंटरप्राइज वैल्यू वैल्यू ऑफ बिजनेस या फर्म को ही हम एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं। कैसे निकाली जा सकती है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस एड माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस सरप्लस कैश या फंड्स कर दो तो आपकी आ जाएगी टोटल एंटरप्राइज वैल्यू। कई बार आपसे पूछी जाती है ऑपरेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू या कोर एंटरप्राइज वैल्यू, ये कैसे आएगी, टोटल एंटरप्राइज वैल्यू में से नॉन ऑपरेटिंग असेट्स या नॉन कोर असेट्स जैसे कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इनको हटा दोगे तो आ जाएगी कोर एंटरप्राइज या ऑपरेटिंग एंटरप्राइज की वैल्यू। अर्निंग बेस्ड मॉडल से आप कैसे निकालोगे किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे करोगे, अर्निंग बेस्ड मॉडल या इनकम बेस्ड मॉडल से कैसे होगा वैल्यूएशन। सबसे पहला इसमें प्रॉफिट कैपेसिटी कैपिटलाइजेशन या FMP कैपिटलाइजेशन मेथड, कंपनी के फ्यूचर के मेंटेनेबल प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कैपिटलाइजेशन रेट से वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है FMP पता करना। FMP कैसे पता करेंगे, देखो FMP कैसे पता होगी, FMP के लिए आप पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स उनका एवरेज कर लो, उनको आप PBT में कन्वर्ट करो अगर वो PAT है तो, PAT को PBT में कर लिया, पास्ट ईयर के प्रॉफिट का एवरेज किया PBT में कन्वर्ट किया। अब फ्यूचर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पहले हो रखे थे फ्यूचर में नहीं होंगे तो उनको ऐड कर दो, कुछ ऐसी इनकम है जो पहले हो रखी थी फ्यूचर में नहीं होंगे उनको लेस कर दो, फ्यूचर में इनकम बढ़ेगी तो ऐड कर दो, फ्यूचर में इनकम गिरेगी तो लेस कर दो, फ्यूचर में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो लेस कर दो, फ्यूचर में एक्सपेंसेस गिरेंगे तो ऐड कर दो। तो इससे आ जाएगा फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें फ्यूचर की टैक्स रेट से टैक्स लेस कर दो तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, बस इसके बाद सॉल्व कर देना। इसके बाद एक और मेथड होता है इसके अंदर EV/EBITDA मल्टीपल अप्रोच, इसमें क्या होता है नाम से ही समझ जाओ, एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई EBITDA मल्टीपल, ये आपको यूज में लेना है। इस फॉर्मूला से एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकल के आएगी, एंटरप्राइज वैल्यू कर्स टू जो भी आपको मल्टीपल दे रखा है EV/EBITDA उसको मल्टीप्लाई कर दो EBITDA से। EBITDA ऐसे क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ सकता है, तो EBITDA कैसे निकालोगे, अगर ये निकालना नहीं पड़े तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो EBITDA जो आप निकालोगे वो कौन सा निकालोगे, एडजस्टेड EBITDA, वो कैसे आएगा, पास्ट EBITDA ले लो कंपनी के, उनमें एडजस्टमेंट कर दो जो अपने सेम इसमें किए थे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट वाले में, सेम वही एडजस्टमेंट, बस टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि EBITDA नाम से समझ जाओ बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, तो उसको यूज में ले लेना। इसके बाद थर्ड मॉडल है नेट असेट बेस्ड मॉडल। नेट असेट बेस्ड मॉडल क्या है, कंपनी की वैल्यू निकालना, लेकिन इस मॉडल से आप वैल्यू निकालोगे इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ठीक है, इस मॉडल से जो वैल्यू निकलती है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की निकलती है। कैसे निकलेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट नाम से समझ में आ जाना चाहिए नेट असेट, तो मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। दूसरा तरीका क्या है, शेयर कैपिटल वाली साइड से, लाइबिलिटी साइड से भी चल सकते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स फॉर मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कई बार क्वेश्चन में आपको बोलेगा फेयर वैल्यू या फेयर प्राइस निकालो इक्विटी शेयर की, तो एक स्पेसिफिक मेथड दे दे उससे निकाल दो, स्पेसिफिक मेथड ना दे तो आप कैसे निकालोगे, वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालोगे FMP मेथड से प्लस वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकालोगे नेट असेट बेस्ड मेथड से, डिवाइड बाय टू कर देना। इसके बाद देखो अदर वैल्यूएशन मॉडल, कुछ और भी वैल्यूएशन के मॉडल हैं जो इस चैप्टर में आपके काम में आ सकते हैं। पी रेशियो मॉडल, MPS डिवाइडेड बाई EPS, MPS आप निकाल सकते हो जो कि आ जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी पर शेयर आएगी। टोटल में निकालनी है तो क्या करो, पी रेशियो को EPS से मल्टीप्लाई करने के बजाय टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इन टोटल आ जाएगी। इस मॉडल में कभी भी ग्रोथ रेट कंसिडर नहीं होती क्योंकि कई फॉर्मूला में आपको दिख रही है कि ग्रोथ रेट नहीं। फिर होता है डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलती है सेम वही जो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखा था, D1 डिवाइडेड बाई K-G। EV/Sales मल्टीपल अप्रोच, तो नाम से समझ जाओ एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाई सेल्स, तो इससे आप एंटरप्राइज वैल्यू निकाल सकते हो। मार्केट प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन मॉडल क्या है, कंपनी की जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, कंपनी के टोटल इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आपको बदल जाएगी। चॉप शॉप अप्रोच या ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच, इसमें क्या है कि आपको कंपनी की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट रेशियोज से कैलकुलेट करनी है, आपको अलग अलग रेशियो दे रखे होंगे जैसे कि कैपिटलाइजेशन टू सेल्स रेशियो, कैपिटलाइजेशन टू असेट्स रेशियो, कैपिटलाइजेशन टू ऑपरेटिंग रेशियो, इनकम रेशियो, इन सब से कैपिटलाइजेशन वैल्यू कंपनी की पता कर लो और उन वैल्यूज़ का फिर एवरेज कर दो तो कंपनी की वैल्यू आ जाएगी ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच या चॉप शॉप अप्रोच से।
बिल्कुल ईजी है, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। फिर इस चैप्टर में कुछ अदर टॉपिक्स आपको जो ध्यान में रखने हैं वो है रेंज ऑफ वैल्यूएशन। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है रेंज ऑफ वैल्यूएशन बताओ, रेंज ऑफ वैल्यूएशन का मतलब कुछ भी नहीं है। ऐसा क्वेश्चन में आपको दो मेथड से वैल्यू निकालनी होगी, क्वेश्चन में गिवन होगा कौन से मेथड से निकालें जी, आपको फिर एक टेबल बना देनी है मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, जिस भी मेथड से मिनिमम वैल्यू है वो बता देनी है, जिस मेथड से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो बता देनी है, पर शेयर वैल्यू बता देनी है, टोटल वैल्यू बता देनी है, बस एक फॉर्मेटिंग करनी है। एस्टिमेशन ऑफ आवर कंपनी बीटा फ्रॉम टारगेट कंपनी बीटा, कई बार इस चैप्टर में आपके काम में आएगा कि टारगेट कंपनी का बीटा दिया हुआ है जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो, टारगेट कंपनी का मतलब जिसको आप खरीद रहे हो, आवर कंपनी यानी जो अपन खरीद रहे हैं, ठीक है। टारगेट कंपनी जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो ना उसका बीटा आपको दे रखा है, लेकिन आपको आपका बीटा, मेरा बीटा मेरे को पता करना है, तो उसके बीटा से मैं मेरा बीटा कैसे पता करूंगा, अगर टारगेट कंपनी अनलीवर्ड है और मेरी कंपनी लीवर्ड है तो उसके बीटा में मैं अनलीवर्ड बीटा को लीवर्ड में कन्वर्ट करूंगा, बीटा अनलीवर्ड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी 1 माइनस टी अवर कंपनी का बेटा आ जाएगा। इसके बाद देखो टारगेट कंपनी का लीवर्ड और हमारी अनलीवर्ड है तो उसके लीवर्ड बेटा को डिवाइड बाय 1 प्लस डी 1 माइनस टी डिवाइड बाय 1 करूंगा तो अपनी कंपनी का बेटा अनलीवर्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों कंपनी लीवर्ड है लेकिन लीवरेज अलग अलग है दोनों कंपनी में, हो सकता है उसमें 2/3 का डेट इक्विटी रेशियो, मेरी में 1/2 का डेट इक्विटी रेशियो, यानी लीवरेज का इफेक्ट अलग अलग है, तो पहले उसके लीवर्ड बेटा को अनलीवर्ड बेटा में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद उसका जो अनलीवर्ड बेटा आया उसमें मेरी लीवरेज से मल्टीप्लाई करके बेटा लीवर्ड निकाल लूंगा, ठीक है। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन में आपको बहुत सारी टारगेट कंपनी दे रखी है, एक नहीं एक से ज्यादा टारगेट कंपनी दे रखी है, तो हर टारगेट कंपनी का बेटा लीवर्ड लो और उस बेटा लीवर्ड को बीटा अनलीवर्ड में कन्वर्ट कर लो, हर टारगेट कंपनी के बीटा लीवर्ड को बीटा अनलीवर्ड में कन्वर्ट कर लो, हर टारगेट कंपनी का बीटा अनलीवर्ड आ गया उसका एवरेज कर दो, जो एवरेज बीटा अनलीवर्ड आएगा उसमें अपने लीवरेज इफेक्ट दे दो, अपना बीटा लीवर्ड आ जाएगा। इसके बाद देखो एक कंसेप्ट होता है ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये कैसे निकालोगे, नोपैट माइनस ऑपरेट चार्ज ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो नोपैट कैसे आता है ईबीआईटी 1 माइनस टी और चार्ज ऑन ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यूएसीसी। तो सबसे पहले देखो ईबीआईटी कैसे निकालेंगे अपन, ईबीआईटी हमें एडजस्टेड ईबीआईटी लेना होता है, जो कैसे आता है ईबीआईटी में से कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो हटा दो, नॉन ऑपरेटिंग हमें नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं डेप्रिसिएशन के अलावा वो सब एडबैक कर दो और इसमें कोई भी जो टैक्स है वो लगा दो, क्यों हमें ई बी आई टी 1-T लेना है तो एडजस्टेड ई बी आई टी में से हम टैक्स लेस कर देंगे डायरेक्टली नो पैट आ जाएगा। अगर आपको ई ए टी पैट या नेट इनकम दे रखा है उससे ई बी आई टी निकालना है तो क्या निकालोगे, ई ए टी पैट या नेट इनकम यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करो, कैसे होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई 1- टैक्स रेट से, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा ई बी आई टी। डब्ल्यू ए सी सी कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बार आपने निकाला हुआ है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसे रीड कर लो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिर ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, दो तरीके से निकाली जा सकती है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट से भी, एसेट साइड से भी। लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट से कैसे निकालोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट, यानी तीनों लोगों को, कंपनी के जो तीनों लोगों को कंसीडर कर लेना है, डेट प्रेफरेंस इक्विटी, ठीक है। माइनस कर दो अगर पी एंड एल का कोई डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में आ रहा है तो, आईसीआई के क्वेश्चन में आपको दिख सकता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ आ रहा हो तो पुराने जमाने में होती थी ये सारी चीज़ें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये सब, लेकिन आईसीआई के क्वेश्चन में आज भी हो सकता है तो वो लेस कर दो। कोई नॉन ऑपरेटिंग असेट आ रही है बैलेंस शीट में जैसे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सी डब्ल्यू आई पी कैपिटल एडवांसेस वो लेस कर दो। कोई ऐसी असेट्स है जो बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर दो। कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है उसकी मार्केट वैल्यू को लेस कर दो। कोई नॉन कैश लाइबिलिटी है उसको ऐड कर दो जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो आपकी आ जाएगी ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। असेट साइड से निकालना है तो टोटल असेट ले लो एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग असेट, उनको लेस ही करना है तो क्यों हम उनको इंक्लूड करें, टोटल असेट ले लो एक्सक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग असेट। कोई ऐसी असेट जो बैलेंस शीट में इंक्लूडेड नहीं है उसकी मार्केट वैल्यू ऐड कर दो। करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन को लेस कर दो एक्सेप्ट नॉन कैश लाइबिलिटी, और मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी को लेस कर दो जो बैलेंस शीट में नहीं है, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा होगा वो क्यों काम आएगा, ऐसा क्वेश्चन जिसमें फाइनेंशियल लीवरेज दे रखा है उस क्वेश्चन में आपको कभी भी ईबीआईटी नहीं देखा, तो आप ईबीआईटी निकाल सकते हो, क्यों फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बस। ईवीआई डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ईवीआई डिविडेंड का होता है ईवीआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड एमवीए क्या होता है, फ्यूचर में जो ईवी होंगे कंपनी के उनका प्रेजेंट वैल्यू कर लो वही होता है एमवीए। एमवीए अगर आपको निकालना है एक और तरीके से तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एमवीए निकालना है, कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस किसी भी वैल्यूएशन टेक्निक से, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल अर्निंग बेस्ड मॉडल किसी से भी आप वैल्यू ऑफ फर्म या बिजनेस निकाल लो, उसमें से ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो तो एमवीए आ जाएगा। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमवीए निकालना है तो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स की वैल्यू पता कर लो जो कि एमपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, माइनस कर दो इक्विटी शेयर होल्डर्स की बुक वैल्यू जो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, तो आपका एमवीए आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ बिजनेस, अगर आपको ईवीए क्वेश्चन में ईवीए दे रखा है और उसके बेसिस पर आपको बिजनेस की वैल्यू या फर्म की वैल्यू पता करनी है तो ईवीए का क्या करो, आप प्रेजेंट वैल्यू कर लो तो आ जाएगा एमबीए। ईवीए की प्रेजेंट वैल्यू कर लो एमबीए और उसमें ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू ऑफ फर्म या वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन बहुत छोटा सा चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आता है और फ्री के ये आपको मार्क्स देकर जाएगा अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर है तो। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मर्जर्स एक्विजिशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग। देखो
अब इस चैप्टर में आप मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड पॉइंट्स देखोगे, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं इस चैप्टर में वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले ईपीएस, ईपीएस का फॉर्मूला आपको पता होता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कंबाइंड ईपीएस पोस्ट मर्जर ईपीएस या फिर ईपीएस आफ्टर मर्जर, ये कैसे निकालोगे? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए प्लस अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बी प्लस दोनों कंपनीज के मिलने की वजह से अगर अर्निंग्स में कोई सिनर्जी है क्वेश्चन में दे रखी है वो ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी प्लस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू टू टारगेट कंपनी। ठीक है, कंबाइंड ईपीएस आपको निकालना है ऐसे केस में जब टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर को हमने इक्विटी शेयर नहीं दिए, इशू नहीं करे, हमने जो उनके कंपनी के शेयर लिए उसके बदले हमने उनको कैश दिया, तो ऐसे केस में कैसे निकलेगा? अर्निंग्स ऑफ कंपनी ए प्लस अर्निंग्स ऑफ कंपनी बी प्लस सिनर्जी इन अर्निंग्स माइनस जो हमने कैश दिया उस पर हमें अपॉर्चुनिटी लॉस होगा, कैश पेड मल्टीप्लाई बाय रिटर्न रेट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्वायरर कंपनी, क्योंकि टारगेट को कुछ इशू करे ही नहीं है तो केवल एक्वायरर के आएंगे। सिनर्जी इन अर्निंग्स का क्या मतलब होता है? दो कंपनी मिलकर पैसा कमा रही है, दो कंपनी अलग अलग पैसा कमा रही थी तो मिलकर पैसा हमेशा ज़्यादा कमाएंगी, ये होता है सिनर्जी इन अर्निंग्स। इफेक्ट या इंपैक्ट ऑन ईपीएस आफ्टर मर्जर, कई बार ये पूछा जाता है कि मर्जर के बाद ईपीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो एक्वायरर कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ा? पोस्ट मर्जर ईपीएस माइनस प्री मर्जर क्या ईपीएस था एक्वायरर का। टारगेट कंपनी के ईपीएस पे क्या फर्क पड़ा? पोस्ट मर्जर जो ईपीएस आया ना उसको एडजस्टेड करो पहले, तो एडजस्टेड ईपीएस या इक्विवेलेंट ईपीएस निकालो, पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेशियो, पोस्ट मर्जर ईपीएस मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेशियो करने से आएगा एडजस्टेड ईपीएस, इसमें से टारगेट कंपनी का प्री मर्जर ईपीएस लेस कर दो तो इंपैक्ट पता चल जाएगा आपको कि इनका ईपीएस बढ़ा है कि गिरा है। इसके बाद एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो है, दोनों एक ही चीज होती है, इसका क्या मतलब होता है कि एक्वायर कंपनी टारगेट के शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स के बदले अपने कितने शेयर देगी। फॉर एग्जांपल टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास 10,000 शेयर्स हैं, मैंने बोला एक्सचेंज रेशियो है आपका 1:2, ठीक है 1:2, इसका मतलब क्या है उनके दो शेयर के बदले में मेरा एक शेयर दूंगा, यानी उनके पास 10,000 शेयर है तो टोटल मैं मेरी कंपनी के 5,000 शेयर इशू करूंगा। ठीक है, तो ये होता है एक्सचेंज रेशियो का मतलब। एक्सचेंज रेशियो कई बार आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? टारगेट कंपनी का जो रेलिवेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पर आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, रेलिवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय रेलिवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर कंपनी, ऊपर आएगा टारगेट का नीचे एक्वायरर, ये गलती मत कर देना, बहुत सारे स्टूडेंट ऊपर एक्वायरर का रख देते हैं नीचे टारगेट का, ऊपर आएगा टारगेट नीचे एक्वायरर, टारगेट हमेशा ऊपर, जिसको अपन खरीद रहे हैं ना उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको वैल्यू देना पड़ेगा, उसको हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, हाथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो बिकेगा, अदरवाइज उसके भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो बोलेगा नहीं मैं नहीं बिक रहा, तो उसको आपको आपके सर के ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, काम के टाइम पे गधे को बाप बनाना पड़ता है, वो वाली बात है। तो टारगेट कंपनी ऊपर नीचे एक्वायर कंपनी। इसके बाद रेलिवेंट फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं कि आपको अगर जो भी चीज़ मेंटेन करनी हो, जो भी चीज़ आपको मेंटेन करनी हो उसे कोई रेलिवेंट फैक्टर बोला जाता है। क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि आपको अपना ईपीएस मेंटेन करना है तो रेलिवेंट फैक्टर होगा ईपीएस, आपको अपना एमपीएस मेंटेन करना है तो रेलिवेंट फैक्टर होगा एमपीएस। ठीक है, जो भी टारगेट कंपनी मेंटेन करना चाहती है अपना, टारगेट कंपनी बोलती है मुझे ईपीएस मेंटेन करना है तो रेलिवेंट फैक्टर है ईपीएस, टारगेट कंपनी बोलती है मुझे ऐसा एक्सचेंज रेशियो दो जिससे मेरी मार्केट प्राइस मेंटेन हो तो रेलिवेंट फैक्टर होगा मार्केट प्राइस। अब देखो आपसे पूछा जाता है ऐसा एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करो जिससे कि टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी लॉस ना हो, तो अब ऐसे केस में उनको कोई भी लॉस ना हो किस चीज़ का लॉस, ईपीएस का कि एमपीएस का, तो वो क्वेश्चन में आपको देख लेना है। ईपीएस का लॉस बोला जाए तो टारगेट का ईपीएस न्यूमरेटर में डिवाइड में एक्वायरर का ईपीएस, मार्केट प्राइस का लॉस ना हो तो मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट न्यूमरेटर में, मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर डिनोमिनेटर में। इसके बाद कई बार पूछा जाता है ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताओ जहाँ पे एक्वायरर कंपनी को अपना ईपीएस मेंटेन करना है, जो उनका बिफोर मर्जर था आफ्टर मर्जर वही मेंटेन करना। अभी किसकी बात कर रहे थे? टारगेट की। अब हम बात कर रहे हैं कि एक्वायरर कंपनी अपना सेम ईपीएस मेंटेन करना चाहती है जो बिफोर मर्जर था वो आफ्टर मर्जर मेंटेन करना चाहती है। तीन स्टेप में कैलकुलेशन होगी। पहले स्टेप में आप पता करो कि जो मर्ज कंपनी बनेगी उसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए, अर्निंग्स ऑफ ए प्लस अर्निंग्स ऑफ बी प्लस सिनर्जी इन अर्निंग्स अगर कुछ है तो डिवाइड बाय ईपीएस ऑफ एक्वायरर कंपनी, यही तो मेंटेन करना है। सेकंड नंबर स्टेप में आप पता करो कि टारगेट कंपनी को कितने शेयर इशू करे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने पता कर लिए कंपनी में कितने होंगे स्टेप वन में, माइनस कर दो कि एक्वायरर कंपनी के अभी कितने शेयर्स हैं, तो बचे हुए शेयर्स जो कंपनी में होंगे वो टारगेट कंपनी को जो इशू करेंगे हम वो होंगे। अब आपको एक्सचेंज रेशियो देखना है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप टारगेट को कितना इशू करोगे सेकंड स्टेप में आपको पता चल गया, डिवाइड बाय टारगेट कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं, एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही एक और चीज़ पूछी जा सकती है, ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताओ जहाँ पे एक्वायरर कंपनी अपना एमपीएस मेंटेन करना चाहती है जो उनका बिफोर मर्जर था, तो ये कैसे पता चलेगा? इसे मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू एक्वायर कंपनी भी बोला जाता है। एक्वायर कंपनी अपना मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो कितना एक्सेप्ट होगा इसको, तो सबसे पहले देखो पोस्ट मर्जर मर्ज कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, डिवाइड बाय एमपीएस कर दो एक्वायर कंपनी का, फिर स्टेप वन में टोटल वैल्यू आ जाएगी, माइनस कर दो टारगेट एक्वायर कंपनी की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू, तो रिमेनिंग मार्केट वैल्यू हम किसको देना चाह रहे हैं? टारगेट को। तो जो नंबर ऑफ शेयर इशू टू टारगेट कंपनी हमें पता चल गए उसको डिवाइड बाय कर दो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी से, तो एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा। इसके बाद देखो पी रेशियो का वही फॉर्मूला है, इस चैप्टर में भी आपके काम में आएगा, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस, एमपीएस निकालनी हो तो पी रेशियो मल्टीप्लाई बाय ईपीएस, ईपीएस निकालना हो तो एमपीएस डिवाइड बाय पी रेशियो। पी रेशियो तो सभी चैप्टर्स में आपके काम में आने वाला है, इसको तो रट लो अच्छे से। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? टोटल मार्केट वैल्यू, एमपीएस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, या फिर पी रेशियो का अगर मैं टोटल अर्निंग से मल्टीप्लाई कर दूं
तो भी MPS टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ गेन लॉस टू शेयर होल्डर्स कई बार आपसे पूछा जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है क्या शेयर होल्डर्स मर्ज करने से बेटर हुई है उनकी पोजीशन या बेकार हुई है, ये आपसे पूछा जाता है। तो दोनों में एक ही कैलकुलेशन करनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन गेन और लॉस तीन तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक तो टोटल गेन लॉस कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर पूरी मतलब मर्जर के बाद टोटल कितना फ़ायदा हुआ, या फिर एक्वायर टारगेट को टोटल कितना फ़ायदा हुआ, या फिर एक्वायर टारगेट को पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ। तो ICICI अगर क्लियरली बोल दे कैसा गेन लॉस कैलकुलेट करना है वैसा कर देना, क्लियरली ना बोले तो तीनों कैलकुलेट करके आ जाना, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि ICICI कोई सा भी ले लेगा और फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो पूरे मर्जर में टोटल गेन लॉस कैसे हुआ, कितना हुआ वो पता करो। तो टोटल पूरा मर्जर होने के बाद मार्केट वैल्यू देख लो कंपनी की क्या है, MPS आफ्टर मर्जर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर आफ्टर मर्जर, बस माइनस कर दो दोनों कंपनीज की प्री मर्जर वैल्यू कितनी थी, आपका टोटल गेन लॉस आ जाएगा। अगर गेन लॉस टोटल बेसिस पर मुझे निकालना है लेकिन दोनों कंपनीज का अलग अलग, तो एक्वायरर की पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू देखो कितनी है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर बिफोर मर्जर मल्टीप्लाई बाय पोस्ट मर्जर MPS, माइनस कर दो एक्वायरर की प्री मर्जर वैल्यू। टारगेट का निकालना है तो नंबर ऑफ शेयर्स टारगेट को कितने इशू करें मल्टीप्लाई बाय पोस्ट मर्जर MPS, इसमें तो माइनस कर दो टारगेट की प्री मर्जर वैल्यू। तो दोनों का गेन लॉस आपको पता चल जाएगा अलग अलग, ठीक है। इन दोनों का टोटल कर दोगे तो ये ऊपर जो टोटल निकाला था उसके बराबर आएगा। फिर गेन लॉस हमें मर्जर में निकालना है दोनों कंपनीज का इंडिपेंडेंटली अलग अलग लेकिन पर शेयर बेसिस पर। तो पोस्ट मर्जर EPS एक्वायरर का निकालेंगे तो पोस्ट मर्जर MPS में से प्री मर्जर MPS माइनस कर दो इतना गेन लॉस। एक्वायर टारगेट का निकालना है तो एडजस्टेड MPS निकालनी पड़ेगी पोस्ट मर्जर MPS को एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी एडजस्टेड MPS, इसमें से प्री मर्जर MPS ऑफ टारगेट माइनस कर दो, इसका गेन लॉस पता चल जाएगा पर शेयर। इसके बाद कई बार आपसे पूछा जाता है शेयर के प्राइस में इफेक्ट कितना आया वो बताओ, तो पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस कितनी है माइनस प्री मर्जर मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर डिवाइड बाय प्री मर्जर मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर मल्टीप्लाई बाय 100, हमेशा परसेंटेज में निकलेगा। टारगेट का निकालना है तो एडजस्टेड पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, टारगेट के केस में हमेशा एडजस्टेड चीज यूज में ली जाती है, उसके पीछे रीजन क्या होता है वो अपन बाद में लेक्चर्स में देखते हैं, फुल में यहाँ पे अपन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आपको तो रट लेना है फॉर्मूला, कल एग्जाम है। एडजस्टेड पोस्ट मर्जर MPS माइनस प्री मर्जर MPS ऑफ टारगेट डिवाइड बाय प्री मर्जर MPS ऑफ टारगेट मल्टीप्लाई बाय 100। देख अब सिनर्जी मार्केट वैल्यू क्या होता है, सिनर्जी मार्केट वैल्यू दो कंपनी थे उनकी अलग अलग वैल्यू कम होती है, हमेशा वो दोनों कंपनी साथ में आ जाएंगी तो उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कोई काम का टॉपिक नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थे। अब ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर के बाद क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर बताओ, ये क्या है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। गेन फ्रॉम मर्जर टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से गेन फ्रॉम मर्जर कैसे निकाला था, पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट माइनस प्री मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टारगेट, ये वाला पॉइंट जो भी अपनी ये कैलकुलेशन करी थी ना टारगेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो भी आपको ये कैलकुलेट करना है। ट्रू कॉस्ट ऑफ मर्जर का क्या मतलब होता है, गेन लॉस फ्रॉम मर्जर फॉर टारगेट कंपनी। इसके बाद वैल्यू ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, पोस्ट मर्जर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मर्ज्ड एंटिटी, पूरी जो एंटिटी बनी है उसकी पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी है, उसमें से प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर माइनस कर दो, वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब आ जाएगा। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स एक क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू अगर मर्जर होने के बाद सिनर्जी ना हो, मर्जर होने के बाद सिनर्जी कुछ भी सिनर्जी बेनिफिट ना हो तो मार्केट वैल्यू क्या होगी पोस्ट मर्जर, तो ये कैसे निकलेगी वैल्यू पर शेयर ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर कैसे निकालोगे आप। तो स्टेप वन में आपको पर शेयर निकालिए, प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्लस प्री मर्जर मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इन मर्ज्ड एंटिटी, ये आ जाएगी पर शेयर क्या वैल्यू होगी। टोटल हमें वैल्यू निकालनी है तो एक्वायर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगी, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर शेयर एज कैलकुलेटेड इन स्टेप वन। टारगेट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालिए, नंबर ऑफ शेयर इशू टू टारगेट प्लस मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर शेयर एज कैलकुलेटेड इन स्टेप वन। नंबर ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, कई बार देखो अब जो एक कंपनी होती है इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ आपके काम आएंगी भी। एक कंपनी में सपोज एक कंपनी के पास 10,000 शेयर्स उसने इशू करे हुए हैं, तो ये 10,000 शेयर दो लोगों के पास होंगे, एक प्रमोटर्स के पास एक आउटसाइडर्स के पास। प्रमोटर्स यानी जो कंपनी के मालिक है, प्रमोटर्स के पास जो होते हैं उन्हें बोला जाता है प्रमोटर्स होल्डिंग। ये कैसे पता करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ प्रमोटर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, प्रमोटर्स होल्डिंग आ जाएगी। प्रमोटर्स होल्डिंग मर्ज्ड एंटिटी में अगर आपको निकालिए आफ्टर मर्जर कैसे निकालोगे, एक्वायरर के प्रमोटर्स के पास कितने शेयर हैं प्लस टारगेट के प्रमोटर्स को हमने कितने शेयर इशू कर दिए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू टारगेट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब आपको मान लो क्वेश्चन में प्रमोटर की होल्डिंग 80% बता रखी है तो आउटसाइडर की कितनी होगी 20%, आउटसाइडर की आपको 30% बता रखी है तो प्रमोटर की कितनी होगी 70%, ये आपको पता होना चाहिए। इन दोनों की होल्डिंग का सम हमेशा 100% होगा। फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू, इसका क्या मतलब है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि जो आउटसाइडर हैं कंपनी में उनकी टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है, आउटसाइडर के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस। बुक वैल्यू और इक्विटी फंड्स, ये आप सब जानते हो बुक वैल्यू और इक्विटी फंड्स का क्या मतलब होता है, लाइबिलिटी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, असेट साइड में कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कुछ भी आ रहे होंगे लेस कर देना, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आजकल होती नहीं है ये चीज़ें पर ICICI के क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। असेट साइड से निकालो तो टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज़,
बुक वैल्यू पर शेयर आपको पता है, बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ग्रोथ रेट आपको पता है, रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी करोगे तो आपकी ग्रोथ रेट आ जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का क्या इंपैक्ट पड़ा कंपनी पे, ठीक है। ये सिर्फ वही है जो आप इंटर लेवल पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब आपने पढ़ा होगा तो आप निकालते हो ना कैपिटल रिजर्व या गुडविल जो आपकी क्रिएट होती है, तो वो कैपिटल रिजर्व में कितना बैलेंस गया वो आपको पता करना है। तो आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करते हो तो आपने कुछ लाइबिलिटीज कम करी होंगी, कुछ हो सकता है बैलेंस शीट में जो असेट्स थी वो अंडर वैल्यू थी उनकी वैल्यू बढ़ाई होगी, तो इससे आपको फायदा हुआ होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया। हो सकता है आपका P&L में कोई डेबिट बैलेंस पड़ा था वो राइट ऑफ कर दिया, फिक्टिशियस असेट्स थी वो राइट ऑफ कर दी, या कोई ओवर वैल्यूड असेट बैलेंस शीट में आ रही थी जिसकी वैल्यू कम कर दी, तो ये सब चीज़ें लेस होंगी, कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी सिनेरियो होंगे आप कर लोगे एडलेस, ये आपको पता होता है। जितने ICA के क्वेश्चन में अभी तक सिनेरियोज आए हैं वो सब मैंने एडलेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद कई बार क्वेश्चन में आपको निकालना पड़ सकता है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या, मैंने सपोज लोन लिया 10 लाख रुपये का, मुझे 5 साल में पे करना है इक्वल इंस्टॉलमेंट में विद इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिलाकर जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो इक्वल होगी। वो अगर मुझे निकालनी है कैसे निकलती है, इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालनी हो तो लोन अमाउंट डिवाइड बाई PVAF कर दो इंटरेस्ट रेट फॉर द लोन पीरियड से, ठीक है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर एक फिक्स इंस्टॉलमेंट जो हम देंगे वो एक इक्वल होनी चाहिए। ये हो गया मर्जर एंड एक्विजिशन चैप्टर का आपका क्विक रिवीजन सारे कॉन्सेप्ट्स का। तो हमने आज क्या क्या किया अभी तक, रिवाइज डेरिवेटिव चैप्टर, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, सभी चैप्टर का रिवीजन कर लिया। लास्ट हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, फिर आपका सिर्फ एक फोरेक्स चैप्टर बचता है जिसके बहुत बड़ा चैप्टर है एंड उसके नोट्स अभी क्या है, एक बार मैंने आपको बताया भी था कि कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से उसका डेटा डिलीट हो गया था, तो फोरेक्स के नोट्स अभी है नहीं इधर, तो वो अपन रिवाइज भी नहीं करेंगे। उसमें कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं भी आपको बता दूंगा, वो आप रिवाइज कर लेना। तो एक बार अपन ये लास्ट चैप्टर और देख लेते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इंटरनेशनल लेवल की कैपिटल बजटिंग है, तो इसमें अपने को कैपिटल बजटिंग की डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स देखनी है। सबसे पहला होता है NPV मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। फिर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, आप समझते हो ऐसी रेट जिस पे पीवी ऑफ इनफ्लो पीवी ऑफ आउटफ्लो के बराबर हो जाए, कई बार इंटरपोलेशन करना होता है, इंटरपोलेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। फिर एक मॉडिफाइड NPV, मॉडिफाइड NPV क्या होता है, हर साल जो कैश फ्लो आपको मिलेगा एक प्रोजेक्ट से उसको आप अपने पास ना रख करके वापस रीइन्वेस्ट कर रहे हो एक अलग रेट पर, जिस रेट पे डिस्काउंटिंग कर रहे हो उस पे नहीं, उस पे कर रहे हो तो वही आएगा अमाउंट, एक अलग रेट पर आप रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यानी मेरे पास फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो मिला, 5 साल का प्रोजेक्ट की लाइफ है, तो 5वें साल के एंड में इस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड ईयर एंड में कोई कैश फ्लो मिला उसे वापस रीइन्वेस्ट कर दिया 5th ईयर के एंड तक, तो इस तरीके से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जो टोटल पैसा वो मुझे कब मिलेगा, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट विद इंटरेस्ट, उस पैसे को PV कर लूँगा 5th ईयर के PV फैक्टर से, जब भी आपको मिलेगा वो होती है MNPV, ठीक है। MNPV आपको समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, PV ऑफ कैश इनफ्लो बस इस तरीके से निकलेगा कि सारा पैसा एक साथ बाद में मिलेगा विद इंटरेस्ट, और उस पर PV ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दो MNPV आ जाएगी। MIRR सेम वैसे ही MNPV की तरह है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या होता है, नॉर्मल IRR क्या होती है, ऐसी रेट जिस पे PV ऑफ इनफ्लो PV ऑफ आउटफ्लो के बराबर हो जाए, यानी ऐसी रेट जिस पे NPV जीरो हो जाए। तो MIRR का मतलब होता है ऐसी रेट जिस पे MNPV जीरो हो जाए, MNPV जीरो करना है, तो इसको डायरेक्टली फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। IRR हमेशा ट्रायल एंड एरर मेथड से निकलती है, लेकिन MIRR एक फॉर्मूला से निकल सकती है। फॉर्मूला के पीछे लॉजिक अपन एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन वो अभी अपन नहीं देखने वाले हैं। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, वो क्या है, MIRR इज इक्वल टू अंडर रूट टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट पावर टी माइनस वन, ठीक है। अब देखो जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमने डिसीजन मेकिंग टेक्निक देखी, इसमें अपने को 3 चीज़ें चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो और डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। कैश मेन चीज़ अगर मैं बोलूँ तो कैश फ्लो चाहिए और डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। कैश फ्लो आपको पता चल जाएंगे, डिस्काउंटिंग रेट आपके पता चल जाएगी, तो आप क्या करोगे, इसका PV कर पाओगे। तो कैश फ्लो पता करना हम सीखते हैं। कैश फ्लो जो हम लेंगे जनरली प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, जब तक कुछ ना बोला जाए, इक्विटी प्रेफरेंस और डेट। 3 तरीके के कैश फ्लो हो सकते हैं, आउटफ्लो, इनफ्लो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, इनफ्लो एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। 0 टाइम पे आपका जो आउटफ्लो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 0 टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट में जो पैसा लगाया और 0 टाइम पे मैंने प्रोजेक्ट में वर्किंग कैपिटल लगाई। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इनफ्लो क्या क्या होंगे, इनकम लेस एक्सपेंसेस जो भी आप करोगे, लेस टैक्स और डेप्रिसिएशन, सेम वही जो FCFF अपन निकालते हैं वही है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपको क्या मिलेगा, सालवेज वैल्यू मिलेगी नेट ऑफ टैक्स, सालवेज वैल्यू मिलेगी, कैपिटल गेन लगेगा इस वजह से नेट ऑफ टैक्स, और वर्किंग कैपिटल जो आपने प्रोजेक्ट में लगाई थी वो वापस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद संक कॉस्ट या हिस्ट्रिकल कॉस्ट कंसीडर कभी मत करना, अलोकेटेड ओवरहेड या कॉस्ट को भी कंसीडर नहीं करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है कैश फ्लो को कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से निकालेंगे, क्योंकि कैश फ्लो भी प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली थी, यानी WACC डिस्काउंटिंग रेट होगी। डिस्काउंटिंग रेट को हम रिस्क के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट में जितनी रिस्क है उसके अकॉर्डिंग, तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कैसे निकलेगी, 1+ रिस्क फ्री रेट मल्टीप्लाई बाय 1+ रिस्क प्रीमियम माइनस 1, ठीक है।
बीटा लीवर के बीच में कुछ रिलेशन है, ये ध्यान रखना है, ये आपके काम में आ सकता है इस चैप्टर में भी कुछ कैलकुलेशन करने में, ठीक है। इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग एक और टॉपिक है, ये आपके काम में आ सकता है इस चैप्टर के अंदर कि कैपिटल बजटिंग में जो इन्फ्लेशन होता है। आपको क्वेश्चन में कैश फ्लो दो तरीके के मिल सकते हैं, रियल कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो मतलब ऐसे कैश फ्लो जिनमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं दिया, नॉमिनल कैश फ्लो ऐसे कैश फ्लो जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट दे दिया। नॉमिनल कैश फ्लो को मनी कैश फ्लो भी बोला जाता है, यानी आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। अब रियल कैश फ्लो से मुझे नॉमिनल कैश फ्लो पता करने है, कैसे पता करूंगा? रियल कैश फ्लो टाइम टी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट की पावर टी। और अगर नॉमिनल कैश फ्लो से रियल कैश फ्लो पता करने हो तो फॉर्मूला को उल्टा कर दो, ठीक है। ये एग्जांपल है। इसके बाद जैसे कैश फ्लो दो तरीके के होते हैं, ऐसे डिस्काउंटिंग रेट भी दो तरीके की होती है। डिस्काउंटिंग रेट रियल रेट भी हो सकती है, नॉमिनल रेट भी हो सकती है। इसके लिए एक इक्वेशन बनी है कि आपको रियल रेट से नॉमिनल रेट पता करनी हो या नॉमिनल रेट से रियल रेट पता करनी हो तो कैसे पता कर सकते हो? उसके लिए एक इक्वेशन है जिसे इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट बोला जाता है। ये फॉरेक्स चैप्टर में डिस्कस करी गई है पर अपने काम आएगी इस चैप्टर में। तो 1 प्लस नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। अब इस टॉपिक का फाइनल कंक्लूजन क्या है? इन्फ्लेशन कैपिटल बजटिंग जो अपन ने पढ़ा, अगर कैश फ्लो रियल है तो उनको रियल डिस्काउंटिंग रेट से ही डिस्काउंट करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। और कैश फ्लो नॉमिनल है तो उन्हें नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से ही डिस्काउंट करना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा, आप रियल कैश फ्लो को रियल डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कर लो या फिर नॉमिनल कैश फ्लो को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट से डिस्काउंट कर लो, आंसर हमेशा सेम होगा, ठीक है। साइलेंट क्वेश्चन भी अज्यूम करना है कैश फ्लो डिस्काउंटिंग रेट नॉमिनल है। इसके बाद देखो फॉरेक्स इन कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन में फॉरेक्स भी आपके काम में आने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की आप कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी क्वेश्चन में कैश फ्लो होंगे और जो भी डिस्काउंटिंग रेट होगी वो सेम करेंसी की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कैश फ्लो है डॉलर के और डिस्काउंटिंग रेट है इंडिया की, नहीं चलेगा। डिस्काउंटिंग रेट भी डॉलर की होनी चाहिए या फिर कैश फ्लो रुपीज़ में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो कैश फ्लो आपकी दूसरी करेंसी के, अगर आप उनको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो उसकी एक्सचेंज रेट के बेसिस पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो आप फॉरेक्स चैप्टर में पढ़ते हो। एक्सचेंज रेट आपको फ्यूचर की एस्टिमेट करनी पड़ सकती है, तो आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी से या फिर परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी से, जो आपको फॉर्मूला मालूम होता है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको रिक्वायर्ड रेट दे रखे क्वेश्चन में कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। मैं इंडिया में बैठा हूँ, अमेरिका में प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ, अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये नहीं बताया ये इंडिया की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या अमेरिका की। तो आपको हमेशा अजम्पशन लेनी है कि इन्वेस्टर कौन सी करेंसी का है, इन्वेस्टर कौन सी कंट्री का है। मैं इंडिया में बैठा हूँ और अमेरिका में पैसा लगा रहा हूँ, तो इन्वेस्टर कहाँ का है? इंडिया का। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहाँ की दे रखी है? आपको इंडिया की दे रखी है, ठीक है। ये अजम्पशन लेनी है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको जब क्लास में बताया था, नवंबर में इस पे क्वेश्चन भी आ गया था, ये भी आपको पढ़ के जाना है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या है? आप प्रोजेक्ट की एनपीवी पता कर लो, प्रोजेक्ट की एनपीवी पता कर लो कैसे? फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी को यूज में लेते हुए। मतलब आप कैश फ्लो को सोचो इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ इक्विटी के कैश फ्लो पता करो। इक्विटी के कैश फ्लो पता करोगे तो डिस्काउंटिंग रेट भी किसकी लोगे? सिर्फ इक्विटी की। यानी अगर पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ इक्विटी ने पैसा लगाया होता तो क्या कैश फ्लो होते? और डिस्काउंटिंग रेट इक्विटी की क्या है उससे आप पीवी कर लो, या जाएगी एनपीवी। और इसमें आप इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, जो डेट की इंटरेस्ट टैक्स शील्ड है, उसका प्रेजेंट वैल्यू को ऐड कर दो तो आपकी एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू। बस इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और अपन ने सीए फाइनल एसएफएम के सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया। अपने को 2.5 घंटे लग गए इस रिवीजन को करने में, ठीक है। पूरे जितने भी फॉर्मूलाज थे उसको अपन ने पूरा एक फास्ट वे में, एक भी कंसेप्ट मैंने छोड़ा नहीं है, सारे कंसेप्ट्स का आपको रिवीजन कराया है। एक फॉरेक्स चैप्टर अपना रह गया है क्योंकि उसके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसमें मैं आपको बता देता हूँ जो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। एक सेटलमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है ना डिलीवरी कैंसिलेशन वाला, वो पक्का देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू कोर्स के लिए। ओल्ड कोर्स के लिए वो इतना रेलिवेंट नहीं है, न्यू कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेटलमेंट वाला जो क्वेश्चन आता है, ड्यू डेट पे सेटल कर रहे हो, अर्ली कैंसिलेशन, अर्ली डिलीवरी, लेट कैंसिलेशन, लेट डिलीवरी, ये वाला क्वेश्चन। और दूसरा आपका मनी मार्केट ऑपरेशन, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, मनी मार्केट ऑपरेशन, करेंसी फ्यूचर, करेंसी ऑप्शंस, ये तीन टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले अटेम्प्ट के लिए। इनको एकदम अच्छे से करके जाना आप, ठीक है। तो चलिए आज अपन ने पूरे फॉरेक्स चैप्टर का एक क्विक रिवीजन कर लिया। कल आप लोगों का पेपर है, अच्छे से पेपर करके आना। कॉन्सेप्ट्स का मैंने रिवीजन इसलिए कराया क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर कॉन्सेप्ट्स खराब है तो आप कैसा भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, अगर पेपर नया आ गया तो फिर कुछ भी हैंडल नहीं कर पाओगे। तो मैं हर बार बोलता हूँ, क्लास में भी मैंने कंसेप्ट नोट्स देता हूँ एफआर एसएफएम में, तब भी मैं ये बोलता हूँ कंसेप्ट नोट्स पढ़ के जाओ। जैसे एफआर का पेपर आया था, एफआर का जो भी आपका पेपर हुआ है कल, उसमें क्या था? कंसेप्ट बेस्ड था, क्वेश्चन देखे हुए आपको 2 से 3 दिखे होंगे, बाकी क्वेश्चन एसएम जैसे दिखे होंगे पर उनमें कुछ अलग न्यू पॉइंट्स थे। वो सारे पॉइंट्स मैंने क्लास में जो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करे थे, जैसे मैंने ये कॉन्सेप्ट नोट आपको करवा रखे एसएफएम में, वैसे ही एफआर में भी नोट करवाए थे और उनमें सारे पॉइंट कवर थे। अगर आपने उनको एकदम अच्छे से पढ़ के गए होगे, उनको याद करके गए होगे इन कॉन्सेप्ट को, तो पूरा पेपर शानदार हुआ होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इनको
लिखवाने का पर्पज़ ये होता है, मैं क्लास में ये आपको नोट करवाता हूँ, क्योंकि इनके अंदर सब कुछ बसा हुआ है, बस इससे बाहर कोई पेपर बन ही नहीं सकता ज़िंदगी में। जितने भी कंसेप्ट हो सकते हैं, आईसीआई की अजम्पशन लिखवा देता हूँ, सब कुछ लिखवा देता हूँ जो FR में था, वो जो जिन स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ लिए होंगे 100-150 पेज के मेरे FR वाले कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को क्लास में दिए थे, उनका पेपर एकदम शानदार हुआ होगा। सेम चीज़ मैं SFM के लिए बोल रहा हूँ, इन कंसेप्ट नोट्स को एकदम अच्छे से रट के चले जाना, और फिर जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, उनको जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है SFM का, उसके क्वेश्चन आप एक बार फटाफट से गो थ्रू कर लेना, हर कैटेगरी का, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, ठीक है, टॉपिक का एक एक क्वेश्चन फटाफट से गो थ्रू करना। एंड जो मैंने थ्योरी के आपको 20-25 पेज के नोट्स दे रखे हैं, जिसमें कीवर्ड मैंने आपको क्लास में मिमोनिक्स भी बनवा दिए थे, वो कीवर्ड्स भी आपको बता दिए थे, वो रटना, वो पूरे अच्छे से रट लेना, और जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 6 और 14 पे स्पेशल फोकस रखना। जो क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है वो आप ये लेक्चर आपने देख लिया है आज क्यों रिविजन वाला, बस इस लेक्चर के कंसेप्ट के बेसिस पे जाओ और ओल्ड कोर्स की प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करा दिए थे। चलिए ये हो गया SFM का आपका, बिल्कुल शानदार अच्छे तरीके से पेपर दो, जिनका FR का पेपर जैसा भी हुआ उसको बिल्कुल साइड में रख दो, FR के पेपर पे बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ, ठीक है, कुछ भी मतलब मत सोचो। मार्केट में मेरे पास एक और न्यूज़ आई है, एक दो फैकल्टीज के हैं बोलती मतलब वीडियो बना के बोल रही हैं कि हमारे मटेरियल से पेपर आ गया, हमारे स्टूडेंट्स 70-80+ स्कोर कर लेंगे, वो सब उनकी मार्केटिंग टेक्निक है, ठीक है। पेपर कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट नोट्स जो मैंने लिखवाए थे उसमें पूरा कवर था, लेकिन क्वेश्चन क्या थे, 2-3 डिट्टो कॉपी पेस्ट थे SM से, बाकी पेपर में जितने क्वेश्चन थे SM के टाइप के थे, पर उनमें कुछ ना कुछ एडिशन थे, ठीक है, वो सब फालतू बात होती है, उन पर ध्यान मत दो, उनका सिर्फ काम ही होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि यार इनका पेपर खराब हो रहा है और हमारे पास आ जाएं, ठीक है, उनके मार्केटिंग के चक्कर में मत जाओ, आप अपनी मेहनत करो, शानदार तरीके से SFM के पेपर को दो, जो कसर वहां रह गई है वहीं यहां पे पूरी कर लेना SFM में, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर SFM पेपर, और अभी एक बार मैं फटाफट से जो स्टूडेंट्स बाद में आए हैं उनको अनअकैडमी की क्लासेस के बारे में बता देता हूं कि आप अनअकैडमी की क्लासेस कैसे कैसे देख सकते हैं। देखिए जो अनअकैडमी क्लासेस है अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको अवेलेबल है, सबसे पहला यूट्यूब चैनल जिस पर डेली लाइव लेक्चर चलते हैं, देन अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिस पर आपको दो तरीके के कोर्स देखने को मिलेंगे, प्लस कोर्स स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस एक एक्टिवेशन कोड डाल देना AJ1CA AJAY1CA, सारी क्लासेस एक्टिवेट हो जाएंगी, कुछ भी पे नहीं करना। प्लस कोर्स डिटेल कोर्स है, आपका जो भी कोर्स है वो सेलेक्ट कर लो। मेजरली जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी फैकल्टीज का वो एक्सेस दे देते हैं, एक साल का 15,000 रुपये का पेमेंट है, जिसमें फाउंडेशन इंटरमीडिएट दोनों के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सभी फैकल्टीज के वीडियोस पर अनलिमिटेड व्यू के साथ एक्सेस दे देते हैं ये लोग। फाइनल में फिर भी अभी सभी फैकल्टीज के वीडियोस नहीं है, जैसे हमारे मेरे अतुल के, इनके भी आपको वीडियोस नहीं देखने को मिलेंगे, 2-3 फैकल्टीज ने भी बैच लेना स्टार्ट किया प्लस के अंदर, वो भी फास्ट ट्रैक बैच, तो फाइनल के पूरा नहीं मिल पाएगा अनअकैडमी के ऊपर, लेकिन फाउंडेशन इंटरमीडिएट के लिए बेस्ट है। और उसमें भी अगर वो रेफरल कोड अप्लाई करेंगे मेरा AJ1CA AJAY1CA तो उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में बस यही था, आप अच्छे से मेहनत करिए और एकदम अच्छे से पेपर देखे आइए, एकदम मोटिवेटेड रहिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कौन पेपर कैसा हो गया, आप तो बस पूरे जो 8 पेपर आपके होने वाले हैं 16 दिन तक पूरी मेहनत दीजिए, हर पेपर में अपना बेस्ट देके आइए, रिजल्ट भी बेस्ट ही आएगा। और हमेशा मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव लोगों के टच में रहिए, नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है। और जो भी पेपर टफ आते हैं, टिपिकल आते हैं, उनमें मार्किंग आपको पता होती है कि लूज़ होती है, एंड ग्रेस मार्किंग भी होती है, बोनस मार्किंग भी होती है, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा।